हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि देखो, आपको थंबनेल से पता ही चल ही गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं रिया जेएस में टिलविन सीएसएस का फुल ट्यूटोरियल। तो फुल ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, बेसिकली मैं उस बारे में बताती हूँ पहले। ओके, तो बेसिक देखो, मैं इतना अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ ना, जिसके अंदर आपको ना टिलविन सीएसएस फिर से कहीं जाके सीखने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक पॉइंट मेरा यही है कि मोटिव मेरा ये रहने वाला है, ये वीडियो देखोगे उसके बाद आप टिलविन सीएसएस मतलब आप एकदम एक्सपर्ट बन ही जाओगे। आपको टिलविन सीएसएस है क्या वो भी ना पता चले, तब भी आपको ये वीडियो देखने के बाद सब चीज़ें पता चले कि एक्चुअली ये क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, इसका यूज़ कैसे करना है। तो मेरा मोटिव वही है कि ईजी और क्विकली आप सीखो ये सारी चीज़ें, बस ये की वीडियो में है ना। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो निकालने के बारे में सोचा। चलो फिर मैं यहाँ आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, सबसे पहले हम रिएक्ट जेएस इंस्टॉलेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप मेरा रिएक्ट जेएस प्लेलिस्ट नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना, ओके। उसी का कंटिन्यू पार्ट कर रही हूँ बेसिकली, तो उससे पहले बड़े वीडियोज़ देखोगे तभी तो आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ओके। सिंपल है, रिएक्ट जेएस इंस्टॉल होकर सारी चीज़ें करके रखी है, सिर्फ अभी मैं टिलविन सीएसएस पर वीडियो निकाल रही हूँ, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेना लेकिन, ओके। फिर देखो सिंपल क्या करने वाले हैं, टिलविन सीएसएस को रिएक्ट जेएस में इंस्टॉल करेंगे, ओके। इंस्टॉल करने के बाद हम उसको देखेंगे, लाइक सिंपली मैं बेसिक ट्यूटोरियल बोलने वाली हूँ जिसके अंदर आप हम वही देखेंगे, लाइक मार्जिन पैडिंग कैसे लगता है, हम एक कीवर्ड को या कुछ भी कैसे कॉल करते हैं, इमेज को कैसे कॉल करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे। क्योंकि इन केस आपके पास कोड आ जाता है, आपको उसमें चेंजेस करते टाइम आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले आपको थोड़ा ट्यूटोरियल देते हैं इस बारे में, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट वाला ट्यूटोरियल रहने वाला है हमारा वो भी, ओके। तो सिंपल हम रखने वाले हैं इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर, जहाँ पे मैं एक वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगी इसी वीडियो में, ओके। एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करेंगे लोगों में बहुत बेस्ट, लेकिन हम कोड नहीं लिखेंगे, ओके। बहुत मतलब अभी देखो, अगर आपको HTML आता है, आप कभी कोड लिखते बैठते हो क्या? नहीं ना, आप कहीं से तो उठा लेते हो ना कोड को और उसमें चेंजेस करके अपना कोड बना देते हो। तो सेम आज हम वही करेंगे, आपको बस मालूम होना चाहिए टिलविन सीएसएस है क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड कहीं से उठाना, क्या करना, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। वहाँ से उठा लेंगे, अपने में कोड डाल देंगे और वहाँ से चेंजेस कर देंगे और हमारा एक वेबसाइट बना के रेडी भी कर देंगे, ओके। तो बिल्कुल मिस मत करना, मतलब एज अ बिगनर आप ज्वाइन कर चुके हो ना इस वाले वीडियो को, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट बहुत ही मैटर करता है आपके लिए, ओके। एज अ बिगनर आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी मतलब कहीं पर भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप एज आपको टिलविन सीएसएस पता है तो आप एंड का सीन डायरेक्ट जाके देख सकते हो कि कहाँ से हम वेबसाइट का डायरेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वो यूज़र पर, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप देख लेना, अगर आप बिगनर हो तो मैं रेफर करूँगी कि फर्स्ट से लेकर एंड तक देखो सारी चीज़ें, लाइक टिलविन सीएसएस को पूरा हम आज मतलब बुक ही मतलब क्विक रेफर कर देंगे, ओके। आपका एक क्विक रेफर वीडियो है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले देखो, रिएक्ट जेएस का हमारा इतना सब कुछ हो चुका है, ओके, सेटअप वगैरह सारी चीज़ें। अभी टिलविन सीएसएस का सब फर्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है इंस्टॉलेशन, सेकंड हमारा रहने वाला ट्यूटोरियल, ओके। उसके बाद हम थर्ड पर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। वो अभी दिखले हमने लाइक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। और ट्यूटोरियल हमारा बेसिकली क्या होने वाला, कॉपी पेस्ट वाला ट्यूटोरियल, ओके। मैं कुछ ऐसा मतलब लिखते नहीं बैठने वाली हूँ, जैसे यूट्यूबर बहुत बड़ा ऐसा टाइम वेस्ट करते हैं ना, वैसा नहीं करने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगी इसका क्या यूज़ होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में हम सीखेंगे, यानी कि क्विक रेफ, यानी कि बहुत जल्दी में हम लोग ये टिलविन सीएसएस सीख जाएंगे, ठीक है। इतना ही मेरा ये है, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर दिया, इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे कोड डॉट करके हम इसका वीएस कोड में ओपन कर देते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारा ये इतना प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट कर देते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रन कर देते हैं, ठीक है। मैं सिंपल आपको रन करके आपका हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दिखा देती हूँ। तो बहुत सिंपल है, हाय श्रुति मैंने लिखा होगा तो आपको दिखा देती हूँ। मैंने बाकी सब हमारा स्ट्रक्चर अगर चेंज कर दिया है, सिंपल रखा है, ओके। ऐप डॉट जेएस में एक हाय श्रुति लिख के रखा है, वही मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैं आपको कोड भी दिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखोगे तो भी देखो, सिंपल हमने रखा है ऐप डॉट जेएस में, हमने इतना हाई H1 टैग में लिखा है, वही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, टिलविन सीएसएस हम न्यू टैब में लिखते हैं ताकि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं टिलविन सीएसएस के, ओके। यहाँ से हम कमांड जो भी रहेंगे इंस्टॉलेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे। बेसिक मेरा पॉइंट ये है कि मैं लिखते नहीं बैठूंगी, मेरा देख के मत लिखो, आप जाओ वहाँ पे और आप खुद मतलब खुद वहाँ से कॉपी पेस्ट करो और डालो, ना कि मेरे जैसे डिटो लाइक लिखने की कोशिश करो, ओके। मेरा सिर्फ ये है कि हम
रेफ कर रहे, तो इसमें कैसा है लाइक जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ, तो बस इसी वजह से ठीक है। गेट स्टार्टर पर आ जाऊँगे, गेट स्टार्टर विद टिलविन सी एस एस यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है। ओके तो फर्स्ट आप यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइड में आपके पास पूरा वो डॉक रहता है उसका। ओके यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है यार ये जो है ना, ये लाइक गेट स्टार्टर विद टिलविन सी एस एस अगर आप ऐसा डाल के आ जाओगे वेबसाइट पर, तो ये बहुत बड़ा लाइक टिलविन सी एस एस का खुद का पैकेज जैसे हम सी एस एस यूज़ करते हैं ना वैसा है। तो सिंपल आप क्या करो, रियाक्ट जे एस ऐसा डालो। ओके टिलविन सी एस एस इन रियाक्ट जे एस ऐसा डाल के आप सर्च करो न्यू टैब पर, मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ सिर्फ। ओके तो आपको हमेशा क्या डालना है, अगर रियाक्ट में लेना है तो इंस्टॉल टिलविन सी एस एस विथ रियाक्ट, क्रिएट रियाक्ट ऐप ऐसा वाला जो रहेगा उसको आप क्रिएट कर देना। ये जो रहेगा ये आपका ग्लोबली मतलब सिर्फ टिलविन सी एस एस इंस्टॉलेशन का है, लेकिन अगर विथ रिया क्रिएट रियाक्ट ऐप बोले गए तो रियाक्ट ऐप का भी पूरा आपके पास पूरा प्रोसेस आ जाएगा ठीक है। तो आपको ना हर वक्त क्या लिखना है, टिलविन सी एस एस इन रियाक्ट ऐसा आपको सर्च करना है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे आ ही जाता है कुछ मेरी तरह, तो उसको आपको ओपन करना है। तो देखो गेट स्टार्टेड विथ टिलविन सी एस एस की जगह आपके पास वहाँ पे टाइटल होना चाहिए क्या, ये वाला इंस्टॉल टिलविन सी एस एस विथ क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप की जरूरत नहीं है ना, इसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी प्रोसेस एज इट इज ही है, बस एज इट इज ही रखो, आपको कंफ्यूज ना हो। मतलब दोनों भी है ना, अगर आप इन रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हो या गेट स्टार्टेड टिलविन सी एस एस भी कर सकते हो, तो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। सेम चीज़ है यहाँ पे, एक रिएक्ट ऐप अप्लीकेशन का कमांड विथ कमांड है। ओके बाकी सब सेम प्रोसेस है ठीक है। तो फिर हम आज जो रिएक्ट पर देखने वाले तो इसी का यूज़ करते हैं ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। ओके तो देखो सबसे पहले नीचे आओगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट योर प्रोजेक्ट, यानी कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बोल रही है। ओके तो आप हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, तो क्या हमें क्रिएट करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी क्रिएट है ना हमारा प्रोजेक्ट रिएक्ट का, हमें क्या करना है इंस्टॉल टिलविन सी एस एस करना है। ओके तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास ऑलरेडी अपना खुद का क्रिएट है, तो क्यों क्रिएट करें है ना, तो हम इंस्टॉलेशन क्या करने के लिए आए, टिलविन सी एस एस ना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बेसिक है ना, तो वहाँ पर भी नेक्स्ट पॉइंट ही रहता था। ओके वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ही रहता था, लेकिन बेसिकली आप क्या करो, रिएक्ट पर जा रहे हो तो रिएक्ट इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस है ना, तो इसका यूज़ ज़्यादा करो। ओके इसको हम स्किप करते हैं इस बार, अगर आप लाइक टिलविन सी एस एस रिएक्ट ऐप के थ्रू नया क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। ओके तो चलो सेकेंड पॉइंट देखो, इंस्टॉल टिलविन सी एस एस, तो बेसिकली आपको ये दो कमांड हिट करने हैं ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, आप भी मेरी तरह कर देना। ओके यहाँ पर आप इसको फर्स्ट कमांड कॉपी कर देना, टर्मिनल पर आते इसको स्टॉप कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम इसको हिट कर देते हैं ठीक है। देखो उससे पहले क्या करते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि वो ऊपर का हमें दिखे ही नहीं। ओके तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ओके उसके बाद मैं इसी कमांड को फिर से लग देती हूँ ठीक है। ये देखो कमांड कितना इजी है, आप ऐसा लिख भी सकते हो अगर आपको वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो, मेरी तरह बेसिकली मेरा क्या मतलब है, कॉपी पेस्ट करो इजी जाएगा, चुप वो क्या बोलते हैं स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है। कितनी जल्दी हो गया, देखो टिलविन सी एस एस हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड कमांड है, हमारे पास दो कमांड थे ना, दोनों एक साथ कभी नहीं डालने का कमांड। ओके सेपरेट सेपरेट डालेंगे, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, हमारे पास एक डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी में टिलविन सी एस एस यहाँ पर देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है ठीक है। डेव डिपेंडेंसी के अंदर हमारे पास टिलविन सी एस एस के विथ वर्जन के साथ इंस्टॉलेशन हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, आप जाके आप खुद का भी देख सकते हो। जब भी आप पूरा वो प्रॉपर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो पैकेज डॉट जेसन में जाके ऐसे चेक कर देना, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आ गया दूंगा तो कंफर्म आपका टिलविन सी एस एस यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंफर्म हो गया ठीक है। ओके ठीक है चलो अभी फिर से चलते हैं ब्राउजर पर और सेकेंड जो कमांड था ना उसको ले लेते हैं ठीक है। उस कमांड का यूज़ क्या होता है मैं आपको बताऊँगी जब हिट करूँगी तब। ओके ठीक है तो यहाँ पर देखो npx tilvin css init, यानी कि हम यहाँ पे init कर रहे हैं tilvin css को। ओके ठीक है यहाँ पर मैंने डाल दिया, एंटर हिट कर देती हूँ, तो इससे क्या होगा, एक हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके तो देखो यहाँ पर आपके पास लिख के भी आ गया, क्रिएटेड टिलविन सी एस एस कॉन्फिग फाइल। ओके टिलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस, हमारे पास एक फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। ओके आप ये चेक भी करना है आपने कोड में जाके। ओके तो मैं जाती हूँ चेक कर देती हूँ ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में हमारे पास एक टिलविन सी एस एस का फाइल क्रिएट हो चुका है कॉन्फिग का ठीक है। तो ये देखो इसमें कुछ इस तरीके से कोड हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रही है ठीक है। इसको भी हमें चेंज करना है थर्ड स्टेप, इसके बाद हमारा वही स्टेप रहने वाला है ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप सिर्फ ना वो बेसिकली गाइडेंस पे चले जाना, मतलब खुद के वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे ये जो कॉन्फिग फाइल है ना इसमें से ये चेंज कर दो, ये वाला कोड ऐड कर दो। ओके तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट का वहाँ पे हमारे पास ये है। ओके वहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके ठीक है, कॉपी कर दिया ये पूरा फाइल।
ओके, तो यहाँ से ये जो भी था हमारा इसको हटा देते हैं सिलेक्ट ऑल करके। ओके, मैं साइड से सिलेक्ट ऑल हो गया था, ठीक है, हटा देते हैं और जो कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देंगे, बस इतना ही करना है। ओके, सेव कर दो। बस इसमें डिफरेंस क्या है, कंटेंट के अंदर ये वाला लाइन आ जाता है, ठीक है। पहले हमारे पास कंटेंट जो था उसके अंदर कुछ नहीं था, अभी कंटेंट हमारा SRC फाइल के अंदर के जो भी फाइल्स है उसको हमने एज अ कंटेंट टिलविन CSS के अंदर यूज़ करने वाले, इसमें यहाँ पे डिफेंड कराया हुआ है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास है एड द टिलविन डायरेक्टरीज टू योर CSS। ओके, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली ये जो तीन हमारे पास आ चुके हैं इसको हमें डालने हैं SRC के अंदर index.css के अंदर। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। SRC के अंदर हमारे पास index.css हमारे पास क्या है, ग्लोबल CSS है। ओके, आपको मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें बोली है, ठीक है। अगर SRC फाइल के अंदर index.css के अंदर चलते हैं तो ये मेरा ग्लोबली CSS है। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी CSS डालती हूँ तो ये ग्लोबली पूरे वेबसाइट में चल जाता है, यानी कि पूरे ऐप में चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये डालना है चीज़। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अगर डालोगे ना तो ऐसे कुछ एरर डिस्प्ले होता है आपको। ओके, वार्निंग है वैसे, अननोन एट रूल एट द रेट टिलविन CSS। ओके, अननोन एट रूल्स, ऐसा कुछ आपको वार्निंग डिस्प्ले होता है, इसको कुछ ऐसा मतलब अच्छा नहीं दिखता है ना, ऐसा लगता है कि एरर आ चुका है, ठीक है। इसको हमें लाइक रिमूव करने का एक तरीका भी है, तो बेसिकली उसको आपको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, तो मैं वो भी बता देती हूँ इसी में। ओके, वैसे आपको यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन रहता है, ठीक है, इसको रिमूव करने का। तो ये क्या है, तो ये है पोस्ट CSS बोल के। तो पोस्ट CSS हम अगर यूज़ करते हैं ना तो ये वाला एरर चला जाता है, ठीक है। इसको ये वाला मैं इसको ओपन करके आपको पूरा फुल नेम दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, सिंपली आपको फर्स्ट जो भी आता है उसको ओपन करना है, कुछ इस तरीके से लोगो वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। पोस्ट CSS लैंग्वेज सपोर्ट, ओके, इसको इंस्टॉल कर देना आप। तो इसको जैसे इंस्टॉल कर दोगे तो जो index.css के अंदर हमारा जो एरर टाइप आ रहा था ना, जो नीचे लाइन आ रही थी येलो कलर की, वो चली जाती है, ठीक है। ये पोस्ट CSS में अप्लाई होता है, मतलब पोस्ट CSS को ये लाइक एक्सेस करता है। ओके, इस वजह से हमारा क्या होगा कि जैसे हमने इसको इंस्टॉल कर दिया एक्सटेंशन को, इसने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, यानी कि ये कंफर्ट हो गया। ओके, इस वजह से इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिमूव भी कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है। वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एज अ रखे गए तो भी, लेकिन तब भी यार लाइक अच्छा नहीं दिखता है ना, तो बस इसीलिए, ठीक है। उसके बाद देखो स्टार्ट यूर बिल्ड प्रोसेस, तो यहाँ पे आप बिल्ड प्रोसेस कर सकते हो npm रन स्टार्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास क्या है, हमें रन करना है सिंपल। तो हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं ना, तो सिंपली हम npm स्टार्ट कर देंगे। क्लियर कर देती हूँ मैं पहले इसको, और या तो npm रन बिल्ड कर दो या तो npm स्टार्ट कर दो। हम सिंपली लोकली हम चालू कर रहे हैं तो हम npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बस टिलविन CSS हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ओके, कितना ईजी है ना, मतलब आप कोई दिक्कत आई क्या, मतलब कोई एरर आता ही नहीं है इसमें अगर देखा जाए तो। ओके, अगर मेरी तरह डिट्टो आपने कॉपी पेस्ट करा होगा, कोई गड़बड़ नहीं करी होगी, तो फिर आपको कोई एरर नहीं आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, देखते हैं हमारा CSS लग के हमारे पास आ चुका है। ये देखो हाय श्रुति, कुछ इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो रही है अभी, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से हाई श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या हम टेस्ट करें इसको, हाँ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास टेस्ट करने के लिए कोड भी दिया गया है। ओके, अगर आपको पता ही नहीं है कोड क्या वर्क होता है क्या नहीं, क्या करो सिंपली क्लास लिखो, क्लास में जो भी वो टिलविन CSS का, जैसे बूटस्ट्रैप का क्लासेस रहते हैं ना, टिलविन CSS के भी क्लासेस रहते हैं, एज इट इज़ क्लास नेम के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम अपने H1 टैग के अंदर डालते हैं। हाई श्रुति जहाँ पे हमने लिखा है, लिखा app.js के अंदर लिखा है ना, तो यहाँ पर इस क्लास को हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम देखेंगे ना कि हमारा टिलविन CSS प्रॉपरली लाइक हो चुका है क्या नहीं, इसके अंदर क्या क्या है। देखो तो मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ इसको एक बार, तो कुछ हो रहा है। इसको मैं क्या करती हूँ, मेरा ओरिजिनल जो भी लाइक साइज था इसका एज इट इज रख देती हूँ, ठीक है। इसका इसमें क्या क्या है देखो, टेक्स्ट 3XL है, फॉन्ट बोल्ड है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन अभी तक नहीं आई, यानी कि यहाँ पे टिलविन CSS हमारा वर्क ही नहीं हुआ है ना, तो अंडरलाइन आ जाता तो फिर हो जाता ना। तो बेसिकली क्यों नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर index.js के अंदर ऐप कंपोनेंट को कॉल करा है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट तो कॉल हो रहा है, index.js के अंदर index.css फाइल हमने कॉल ही नहीं करा, जिसके अंदर हमने टिलविन CSS के ये फाइल्स हमने एक्सेस करा है। ओके, तो ये वाला फाइल हमने इम्पोर्ट ही नहीं करा था index.js के अंदर, इसी वजह से वो हमें अप्लाई नहीं हुआ। तो बेसिकली एक बार ये चेक कर लेना आप भी, ओके, अपने सिस्टम में क्या आपके सिस्टम में index.js के अंदर index.css को इम्पोर्ट करा हुआ है या नहीं है। ओके, सिंपली हमको इम्पोर्ट लिखना है और डायरेक्ट आपको एक्सेस करना है, ओके, ना कि
फॉर्म यूज़ करके, ठीक है, डायरेक्ट आप उसका पाथ दे दो, ऐप डॉट सी एस एस, सॉरी इंडेक्स डॉट सी एस एस, सॉरी, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ओके, क्योंकि हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस को अप्लाई कर दिया, यानी कि वहाँ पे आ जाएगा। देखो बोल्ड भी हुआ, उसका 3x साइज भी आ गया और अंडरलाइन भी आ गई, देख रहे हो। ये एक्चुअली इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, ओरिजिनल साइज इसकी देखो 3x में इतनी है, मैंने जूम किया था ना आपको दिखने के लिए, तो 3x साइज में इतना दिख रहा है, और बोल्ड भी हुआ, अंडरलाइन भी आया, यानी कि हमारा टिल्विन सी एस एस यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इससे इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और आपको इतने तो कमांड, आपको मतलब इतने तो आपको इसके क्लासेस पता ही चल गए होंगे। टेक्स्ट 3x हमने करा यानी कि टेक्स्ट की साइज बढ़ाई, फॉन्ट बोल्ड करा यानी कि फॉन्ट बोल्ड ऐसा होता है, अंडरलाइन लिखा तो अंडरलाइन हो गया। तो देखा, अगर मैं बोल्ड निकाल देती हूँ, अंडरलाइन एज इट इज़ रख देती हूँ, और अंडरलाइन भी निकाल देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट हम सिर्फ 3XL लिखते हैं, उसकी जगह पे 3 की जगह हम चेंज करते हैं 5XL। तो देखते हैं इसका, ये देखो, हाय श्रुति, ये अंडरलाइन निकालने, सॉरी बोल्ड निकालने के बाद इसकी ओरिजिनल जो साइज है ना, जो क्या बोलते हैं वेट है ना, वो देखो विड्थ मे बी कितना है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट रेड करते हैं, टेक्स्ट रेड, और यहाँ पे इसको हम नंबर देते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, आपको ऐसे कलर देना है इतने याद रखो, ओके। टेक्स्ट रेड हम नॉर्मली बूस्टर अप में देते थे, यहाँ पे उसको नंबर देने हैं, तो नंबर क्या है मैं आपको बताऊँगी बाद में, ठीक है। तो हाई श्रुति कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे हैं ना, तो देखा मतलब कितना इजी है, ओके। अब हम हमारा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया है ना, हमने कितना इजीली हमने टिल्विन सी एस एस को रिएक्ट जेएस में इंस्टॉलेशन को पूरा देख लिया, और दो तीन क्लासेस देख ली जो अभी आपके समझ में नहीं आ रही होंगी कि क्या है, मतलब क्लासेस तो हम दे रहे हैं, समझ में तो आ रहा है कि क्लासेस बूटस्ट्रैप की तरह ही है, लेकिन कुछ थोड़े चेंजेस है, जैसे हमने रेड करा उसके सामने नंबर क्या दिया, या फिर लाइक टेक्स्ट हमने फॉन्ट जो भी लिखा था वो छोड़ो, ठीक है ना। अभी ट्यूटोरियल का वीडियो तो मैं बताऊंगी ना, तब आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा ये करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया इंस्टॉलेशन, सेकेंड हम आते हैं ट्यूटोरियल पर। ट्यूटोरियल हमारा कॉपी पेस्ट होने वाला है, लेकिन कॉपी पेस्ट हटा देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन हम कॉपी पेस्ट ही कोड तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम बता देंगे, ओके, ठीक है, चलो। तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो अभी ट्यूटोरियल पर हम स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फिर से सारी चीज़ें क्लियर कर दी और npm स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो भी हाई श्रुति के अंदर मैंने css डाले थे उसको हटा दिया, अभी मैं फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो बस इसीलिए। तो हाई श्रुति मेरा बाय डिफॉल्ट जो टिल्विन css का एज इट इज़ वो जो भी css लेके हमें डिस्प्ले करता है हाई श्रुति का फॉन्ट, वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, थोड़ा वेट करते हैं, वैसे रन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, ओके। तो बेसिकली ट्यूटोरियल मेरा बहुत ही सिंपल होने वाला है, यानी कि क्विकली हम सीखने वाले ट्यूटोरियल, ओके। तो इसमें बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि जल्दी से सीख लो यार, मतलब सीएसएस में इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा। रिया में ठीक है, रिया का पूरा एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। सीएसएस हम नॉर्मली सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं, वही टिल्विन सीएसएस है। बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं, वही टिल्विन सीएसएस है। बेसिकली मेरा ये है कि अभी देखो, जैसे आपको अगर बूटस्ट्रैप आता है, तो बूटस्ट्रैप के आप सारे क्लासेस सारे कुछ भी कोड रहता है, आप बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पर जाके लेके आते हो ना, मतलब कॉपी पेस्ट करते हो फिर चेंजेस करते हो, मेरा मोटिव वही है कि टिल्विन सीएसएस का भी सेम हो जाए, ओके। टिल्विन सीएसएस का बेसिक पॉइंट आपको मालूम हो जाए कि कैसे हम इसको पैडिंग देते हैं, मार्जिंग देते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, बस उसके बाद आपको सारी कोड आपको मिल जाए और एज इट इज़ आप यूज़ करने लगो, ऐसा मेरा ये है, ओके। ऐसा आप सीखो 2024 में, वैसे देखा जाए तो कोई भी कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता है, किसी को भी ऐसा लिखते नहीं बैठना पसंद है, ओके। जैसे मैं खुद भी कुछ भी चीज़ें अगर मुझे चाहिए तो मैं ऑनलाइन लेके ले लेती हूँ और मैं चेंजेस करके अपना खुद का बना देती हूँ, ओके। मैं खुद यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोड नहीं लिखते बैठती हूँ, उतना टाइम किसके पास है और उतना पेशेंस भी किसके पास है ना। आता है बस ना, कोड हमको पता है कि क्या चेंज करने के बाद क्या होता है, बस उतना ही मायने रखने चाहिए बस। तो टिल्विन सी एस एस का मुझे वैसे ही आपको बदलना है, ऐसे आपको जैसे बूटस्ट्रैप हम सीखते हैं वैसे हम टिल्विन सी एस एस इतना ईजी देखेंगे, ओके। तो मेरा यही है पॉइंट आज का, ओके। तो चलो ट्यूटोरियल के अंदर चलते हैं। जैसे हाई श्रुति मैंने एज इट इज लिखा था, टिल्विन सी एस एस का यूज़ हुआ है ऑलरेडी, हमने चेक कर चुका है, तो हाई श्रुति एज इट इज मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो ट्यूटोरियल्स के अंदर बेसिक ट्यूटोरियल्स देखेंगे, ओके। तो बेसिक पॉइंट जैसे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो बस वो होनी चाहिए बोल के मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा समझो, ओके।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास हेडिंग है, ये समझो कि हाय श्रुति एज अ हेडिंग है हमारे पास। तो हेडिंग के क्लासेस कितने हो सकते हैं कि जिसके थ्रू हम इसको लाइक मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसका पहले बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक है ना, आपको ये पता होनी चाहिए। लाइक एक टेक्स्ट आप इसको नॉर्मली हम टाइपोग्राफी बोलते हैं बूटस्ट्रैप में, पता है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे टाइपोग्राफी बोलेंगे। तो टाइपोग्राफी के जो भी क्लासेस है आपको बेसिक इतने पता होनी चाहिए जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था फाउंड टेक्स्ट साइज या यही सारी चीजें इसी को हम बोलते हैं लाइक हेडिंग टाइपोग्राफी। उसमें क्लासेस कितने आते हैं बूटस्ट्रैप में, मैं अपने सीखा होगा, यहाँ पर भी बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो ये तो बहुत इजीली सीख जाओगे आप, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग का ही देखते हैं क्लासेस जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ गए अपने कोड के अंदर। देखो सिंपली हमारे पास H1 टैग है एज अ हेडिंग है, ओके। H1 टैग एज अ हेडिंग ही वर्क होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाय श्रुति वेलकम मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और बड़ा साइज या अट्रैक्टिव एज अ हेडिंग वो दिखना चाहिए ना। H1 टैग तो पता है हमें, H1 टैग यानी कि हेडिंग ही है, लेकिन कितना छोटा दिख रहा है यार, देख रहे हो ना पूरे पेज में वो कितना छोटा लग रहा है। तो एज अ हेडिंग आप ऐसे डिस्प्ले थोड़ी ना करोगे, इसको हम CSS देंगे यानी कि टिलविन CSS का यूज़ करेंगे हेडिंग को, ओके। तो उसके क्लासेस देखो, बेसिक क्लासेस हम लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्लास कैसे डिफाइन करना है, क्लास नेम, ओके। यानी कि यहाँ पे रिएक्ट में हमें क्लास यानी कि क्लास नेम के थ्रू हमें क्लासेस डिफाइन करना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम साइज का देखते हैं, ठीक है। तो साइज आपको कैसे देना है, जैसे टेक्स्ट हमारे पास ये टेक्स्ट है, उसके बाद एक्सेल ये हमारे पास मीडियम साइज आता है, ओके। एक्सेल से लेके देखो 9XL तक आपके पास पूरे साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 8 दे देती हूँ, 8 आपका आपका इतना आ जाएगा। अगर मैं 9 दे देती हूँ तो देखो कितना बड़ा आता है। तो देखो आप अपने हिसाब से आपका टाइटल का साइज जो है ना वो रख सकते हो। तो सिंपली याद रखो एक्सेल से लेके 8XL तक आप यूज़ कर देना। वैसे SM भी है लेकिन उसका बहुत छोटा होता है वो। तो हेडिंग ऐसा आप एक्सेल से लेके 9XL तक यूज़ कर देना। और लास्ट है बेस, ओके। तो बेस मतलब सबसे आपका पी टैग, ओके। तो बेस आप रख सकते हो एज अ आपके पास लाइक हेडिंग नहीं है ये, एज अ आपके पास एक पैराग्राफ देना होगा तो आप बेस दे देना। तो बेसिकली मेरा यही पॉइंट है, सबसे छोटा अगर आपको साइज देना है तो बेस रखना है, और सबसे बड़ा आपको देना है तो 9XL रखना है, और बाकी आप बीच में जैसे डालो एक्सेल डालो, डबल एक्सेल डालो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप अपने हिसाब से उसका साइज आप अपने हिसाब से बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो, क्लास को हमें कलर देना है। तो क्लास रेड दोगे सिर्फ, जैसे हम बूटस्ट्रैप में देते तो वर्क नहीं होता है। तो बूटस्ट्रैप में जैसे हम देते तो वो वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है ना रेड के साथ आपको वेरिएंट देना है उसका, कि कितना आपको उसका वेरिएंट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ आपको ट्यूटोरियल दिखा देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, टिलविन CSS डालना है और गेट स्टार्टेड पर आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी मिल ही जाता है, उसके अंदर ही आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे कलर रहेगा, ओके। यहाँ पर चलते हैं, तो देखो तो टेक्स्ट कलर में हमारे पास बहुत सारे कलर है। यहाँ पे देखो यार कितने सारे कलर है। तो इसमें वेरिएंट कलर है यानी कि सबसे डार्केस्ट और सबसे लाइटेस्ट कलर आपको नंबर वाइज देना है, ओके। तो 950 अगर आप दोगे सबसे डार्केस्ट कलर हो जाएगा, अगर 50 दोगे सबसे लाइटेस्ट कलर, ओके। तो ये वेरिएंट हम बोलेंगे इसको, ओके। ये आपको दिख रहा है क्या, हाय श्रुति लिखा हुआ है पिंक कलर में आ चुका है, यानी कि एक्चुअल में ये रेड कलर है, ओके। लेकिन इसका हमने वेरिएंट कितना दिया है यानी कि उसका साइज कितना दिया, 50 दिया, यानी कि सबसे लाइट कलर वो ले रहा है। अगर मैं इसी को 950 कर देती हूँ तो देखो कितना डार्केस्ट हो गया रेड कलर। तो आपको याद रखना है कलर का साइज आपको देना है 50 से लेके 950 तक, उसके बीच में आप कितना भी दे दो, 850 दे दो, 800 दे दो, 450, अभी ये 450 है ही नहीं, 400 है, ओके ओके। तो 400 दोगे तो 400 एज अ उसको कलर वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर करा है, अगर आप उस रिलेटेड दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा ना, कलर एज इट इज़ रेड दिखाएगा। मतलब देखो अभी टेक्स्ट व्हाइट और टेक्स्ट ब्लैक हमारे पास दो कलर है जिसको आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें आप जो भी दो, ग्रे दो, पर्पल दो, पिंक दो, कुछ भी कलर दे दो, उसके सामने आपको 50 से लेके 950 तक कलर कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसका जो भी लाइक वो ये रहेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ओके, मतलब कितना लाइट हो सकता है और कितना लाइक डार्क हो सकता है, ठीक है। आपको कलर का आ गया समझ में, अभी चलते हैं साइज पर, ओके, फॉन्ट साइज पर, ओके। टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज मिल जाता है। तो जैसे मैंने बोला था टेक्स्ट बेस आपका सबसे छोटा है, लेकिन उसी के साथ टेक्स्ट एक्स
एस और टेक्स्ट एस एम भी आपके सबसे छोटे साइज में आ सकते हैं। ओके बेसिकली ये यूज नहीं होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने वो दिखाया नहीं था। सबसे छोटा आप पकड़ो टेक्स्ट बेस को एंड सबसे लार्जेस्ट आप पकड़ो टेक्स्ट 9x को। ओके तो वो दो चीजें आप ऐसा सोच लेना, टेक्स्ट बेस यानी कि सबसे पीट पैराग्राफ टाइप हेडिंग और टेक्स्ट 9x यानी कि सबसे लार्जेस्ट साइज में आपके पास एक हेडिंग आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप फॉन्ट साइज यहाँ पे पूरा प्रॉपर आप देख सकते हो कि कौन सा आपको क्या लग रहा है। ओके तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आपको मतलब इजी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखो अभी मैंने यहाँ पे 500 दे दिया तो मीडियम रेड कलर में आ गया। ओके यानी कि 950 से थोड़ा सा कम। ओके तो बेसिकली आपको हर बार ओरिजिनल अगर उसका कलर लेना है, अभी रेड का कलर लाइक मुझे प्रॉपर दिख रहा है जो है 500। ओके तो आपको अगर ब्लू कलर लेना है तो 500 दे दो, वो प्रॉपर एक कलर लेगा। ओके तो नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली। ओके तो बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं उसका फॉन्ट फैमिली भी। ओके तो मैंने फॉन्ट मोनो रख दिया। ठीक है तो बेसिकली ये चेंज हो चुका है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर H1 के अंदर फिर से मैंने रख दिया, वहाँ पे मैंने फॉन्ट फोमो नहीं रखा है। ठीक है तो देखो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट है और यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया। ठीक है तो आप ना यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ आके देख भी सकते हो, फॉन्ट फैमिली ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास तीन फॉन्ट फैमिली दिए गए हैं क्लासेस। ओके तो इन तीनों का आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो किस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। ओके तो इस तरीके से सीरीफ आपके पास ऐसा डिस्प्ले होता है, जैसे मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अभी सीरीफ डालती हूँ। ओके तो अभी जाके देखते हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से ये तीनों भी क्लासेस ऐड करके देख लेना। ओके तो ये बेटर लग रहा है, जो भी बेटर लगता है आप उस हिसाब से अपना फॉन्ट फैमिली रख देना। ठीक है ये तीन अपने पास क्लासेस बाय डिफॉल्ट हमारे पास टिलविन CSS दे रहा है, जो भी आपको टाइटल के लिए रखना है वो रख देना। ठीक है तो हमने ये भी देख लिया। ठीक है लाइक कलर भी देख लिया, साइज भी देख लिया और फॉन्ट फैमिली भी कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लिया, वो भी टिलविन CSS के क्लासेस के थ्रू। ठीक है तो ये बेसिक तो हमने देख लिया है ना, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना बेसिक चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है। बस मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि इनकेस आपके पास ऐसा वाला सीन हो जाए कि आपको इसका चेंज करना है कुछ, तो आप खुद से कैसे चेंज कर सकते हो। तो बस इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है बस आपको पता हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉन्ट नॉर्मल भी रख सकते हैं जो एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ओके देखो जब आप फॉन्ट नॉर्मल रखोगे बाय डिफॉल्ट लेगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं आपको, वहाँ से फॉन्ट हटा देना है तो वो नॉर्मल ले लेगा अपने आप। ओके ठीक है तो ये हो गया मेरे तीन क्लासेस फॉन्ट फैमिली के। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ब्लू कलर भी दे सकते हो, मैंने ब्लू कलर रख दिया। ठीक है 500 में कुछ इस तरीके से ब्लू कलर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें हटा के आपको दिखा रही हूँ। ठीक है चलो ठीक है इसको आपने ये तीन क्लासेस तो देख लिया, अभी ये बेसिक चीज़ें जो हेडिंग के लिए यूज़ होने वाली है तो इतनी चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए थी, तो बस इसलिए दिखा दिया मैंने। ठीक है तो अभी पी टैग पर आते हैं, तो पी टैग के अंदर समझो मैंने हेलो श्रुति रखा है सिंपल। तो ऐसा नहीं कि H1 टैग के अंदर ये वर्क होता है, पी टैग के अंदर भी सेम वर्क होता है। देखो साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा क्योंकि ये पी टैग एज अ पैराग्राफ वर्क होता है ना, तो 8XL लिखोगे तो सेम हेडिंग की तरह ही आपका साइज़ नहीं मिलेगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सब चीज़ें अप्लाई पी टैग को भी होती है, बाकी कौन से भी टैग आप अप्लाई करो एज अ टेक्स्ट के लिए उसमें ये यूज़ होगा। ओके जैसे ये टैग में भी यूज़ होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है अगर ये टैग के अंदर कोई टेक्स्ट होगा तो सेम बटन के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है तो अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट ग्रेडिएंट कलर बैकग्राउंड में देते हैं। ओके बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। ओके सिंपली मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट ब्लू का जो था उसको हटा दिया, बाद में हम लिखते हैं। ठीक है चलो BG में देखो, मैं BG ग्रेडिएंट रखना चाहती हूँ तो सिंपली मैं लिखूंगी BG-Gradient-2-TR यानी कि टेक्स्ट राइट। ओके टेक्स्ट ब्लू कलर में दे रही हूँ, पहले तो सिंपली मैंने टेक्स्ट ब्लू कलर 800 दे दिया क्योंकि थोड़ा सा डार्कर मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए ब्लू कलर में, क्योंकि वो अगर मैं ब्लैक लिखूंगी या रेड लिखूंगी तो वो कलर एज इट इज़ रहेगा ना। तो मैं ग्रेडिएंट एज अ बैकग्राउंड देना चाहती हूँ रेड और ब्लैक कलर, तो कैसे दूंगी देखो फ्रॉम रेड। ओके यानी कि स्टार्ट हो जाए रेड से 600 रेड तक, यानी कि थोड़ा सा डार्किश रेड कलर और टू ब्लैक, यानी कि ब्लैक का आप कलर नहीं दे सकते, डायरेक्ट आप ब्लैक लिखोगे तो भी वो चलेगा। ओके उसमें कोई ब्लैक एज इट इज़ रहेगा। ओके आप लाइक नंबर दोगे तो उस हिसाब से वो लाइट वेट रहेगा, लेकिन ब्लैक लिखोगे तो डार्केस्ट रहेगा। ठीक है तो क्या हो गया, फ्रॉम रेड से टू ब्लैक तक वो हमारे ग्रेडिएंट एज अ बैकग्राउंड चलेगा और हमारा जो एक्चुअल टेक्स्ट का कलर है ब्लू चलेगा। देखो है ना, देखो यहाँ पे रेड कलर चल रहा है और यहाँ से वहाँ तक यानी कि फ्रॉम से टू तक हमारा
ब्लैक आ गया है ना, और टेक्स्ट एज इट इज हमने ब्लू रखा तो ब्लू डिस्प्ले हो रहा है हमारा, ठीक है सिंपल है। तो आप ऐसे बैकग्राउंड कलर ग्रेडिएंट वाइज भी दे सकते हो। मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट व्हाइट रख देती हूँ। ओके व्हाइट रख दिया तो अब बेटर लग रहा है, ब्लू उतना खास नहीं लग रहा था ना, लेकिन अभी व्हाइट थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो देखा हम, अगर आपको ग्रेडिएंट कलर चाहिए तो सिंपली आपको बीजी ग्रेडिएंट टू कहाँ से कहाँ, यानी कि टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट चाहिए तो TR आप लिख देना। ओके तो और इस हिसाब से आप लाइक सिंपल अगर BG लिखना चाहते हो तो सिंपल आपको देना है BG और उसका कलर देना है लाइक ब्लैक, और उसका जो भी लाइक नंबर देना चाहते हो नंबर दे दो, नहीं देना चाहते हो ब्लैक हो तो नंबर लगेगा ही नहीं, छोड़ दो है ना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाउंट स्टाइल। ओके हमारे पास दो क्लासेस है, एक है इटैलिक और नॉन इटैलिक। ओके तो हम इसका यूज़ करेंगे, इटैलिक यानी कि थोड़ा सा आपको पता ही वो क्रॉस होता है वो वर्ड, तो वो हम ऐड करेंगे। सिंपली आपको क्या लिखना है, उसका क्लास एज इट इज़ इटैलिक लेके आके डाल देना है, ठीक है। आपको उसके सामने ना कि टेक्स्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत है, ठीक है सिर्फ इटैलिक लिख दो बस। तो टेक्स्ट हमने 9XL रखा है, देखो रिफ्रेश कर देती हूँ तो हाय श्रुति मुझे थोड़ा सा इटैलिक वे में डिस्प्ले हो रहा है। समझो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक इटैलिक में आ रहा है, उसको नॉन इटैलिक करना है तो आपको सिंपली उसके सामने नॉन इटैलिक लिखना है, ठीक है नॉट इटैलिक सॉरी नॉट इटैलिक लिखना है तो वो नॉट इटैलिक्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद फॉन्ट वेट, तो आप फॉन्ट वेट भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, जैसे फॉन्ट वेट थिन आप रख सकते हो, सबसे छोटा थिन आप यूज कर सकते हो, अरे यार ठीक है थिन आप यूज करते हो, और सबसे बड़ा हमारे पास फॉन्ट कितना रहेगा तो सबसे बड़ा है फॉन्ट ब्लैक। ओके या तो फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। ओके सिंपली हम बोल्ड लिख देते हैं, तो एक्स्ट्रा बोल्ड आप लिखने की जगह आप सिंपली क्या लिखो, फॉन्ट बोल्ड ब्लैक लिख दो तो ऑटोमेटिकली वो ब्लैक ले लेगा ना, मतलब ब्लैक कलर लेगा ना, तो ज़्यादा डिस्प्ले हो जाएगा। एक्स्ट्रा बोल्ड कैसे डिस्प्ले हो रहा है देखो, इतना बड़ा ऐसा डिस्प्ले हो रहा है ना। आप सिंपली बोल्ड लिख देते हो तो बोल्ड कैसा डिस्प्ले होता है, और एक्स्ट्रा बोल्ड लिखते हो तो कैसे डिस्प्ले होता है। तो इतने सारे क्लासेस है, आप देख लेना अपने हिसाब से टेक्स्ट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम मेरे पास है लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके तो उसके अंदर देखो हमारे पास तीन क्लासेस है। ओके एक है लिस्ट नन, और दूसरा है लिस्ट डिस्क, और तीसरा है लिस्ट डेसिमल। ओके यहीं पे रिव्यू है, देखो फर्स्ट आपके पास डिस्क यूज करोगे तो ये बुलेट पॉइंट में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, लिस्ट डेसिमल यूज करोगे यानी कि 1 2 3 में डिस्प्ले हो जाएगा, और नन यूज करोगे इसका मतलब वो क्या करेगा, आपको कोई लिस्ट में वो ये नहीं देगा, बुलेट पॉइंट या नंबर नहीं देगा। सिंपल है ना, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी दिया गया, तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पर देखो यूएल टैग के अंदर क्लास आप डिक्लेयर करोगे, क्लास यानी कि क्लास नेम। ओके उसके अंदर आप उस अपने हिसाब से वो क्लासेस दे देना, तो आप कौन से क्लास यूज़ करना चाहते हो। LI टैग के अंदर कुछ नहीं लिखना है, आपको डेटा लिखना है, और UL या OL टैग के अंदर आपको ये क्लासेस दे देना है। ओके सिंपल है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइन। ओके तो ये भी आपको लाइक लाइक बूस्टर की तरह ही मिलेगा। ओके इसके क्लासेस देखो, जैसे टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई स्टार्ट एंड सेम। ओके जस्टिफाई लिखोगे तो उतना गैप ले लेगा, बेसिकली जस्टिफाई ज़्यादा यूज़ करते हैं आपको पता होगा, या तो टेक्स्ट सेंटर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है तो टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट जस्टिफाई ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो इस तरीके से क्लासेस आप डिक्लेयर करके अपने हिसाब से आपको टेक्स्ट जहाँ पे भी डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, बेसिक आपको ये तो पता ही होगा है ना, ये सिर्फ क्लासेस आपको ऐड करना है बस आपको पता हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, आपको ये भी पता ही होगा जैसे अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू और नो अंडरलाइन। ओके ये चार क्लासेस हैं हमारे पास, तो बेसिक इसका मैं एग्जांपल यहीं पे दिखा देती हूँ आपको, ये भी लाइक बूटस्ट्रैप की क्लासेस की तरह ही है, तो इसलिए हम इसका एग्जांपल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ कि अंडरलाइन ओवरलाइन क्या मतलब लाइन थ्रू आपको कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है आपको समझ में आ जाएगा इससे। ये देख लो फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिखा हुआ है कि अंडरलाइन लोगे तो अंडरलाइन आ जाएगा, ओवरलाइन मतलब ऊपर आ जाएगा लाइन उस टेक्स्ट के ऊपर, लाइन थ्रू यानी कि उस लाइन को हमने लाइक ये कर दिया उस लाइन के अंदर मतलब टेक्स्ट के अंदर लाइन आ गई। ओके जैसे उसको हमने लाइक ये कर दिया कि इट्स नॉट लाइक हमने प्राइस वगैरह को दे सकते हैं ना ऐसा चीज़ें, तो वैसे और नो अंडरलाइन मीन्स नो अंडरलाइन, अगर किसी को अंडरलाइन आता है तो नो अंडरलाइन डाल दोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बस यही एग्जाम्पल है, आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये भी बोल दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफर। ओके सिंपल है यार, ये भी बूटस्ट्रैप के क्लासेस एडिट से सेम यहाँ पर भी है। ओके तो जैसे आपके पास H1 टैग है उसको अपर केस रखना है, तो सिंपल है आपको उसके क्लास के अंदर अपर केस डालना है। ओके क्लासेस देखो इसके चार है, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज और नॉन केस। ओके तो आपको ये चारों में से एक यूज करना है, जैसे लोअर केस करना है तो लोअर केस ऐड कर दो, कैपिटलाइज करना है टेक्स्ट को तो कैपिटलाइज ऐड कर दो। ओके तो ऐसे आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो ये टेक्स्ट ट्रांसफर। ओके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके यहाँ पर देखो कैपिटल अपर केस है, लोअर केस है, कैपिटलाइज है और नॉन केस है। ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो।
तो बेसिक जो भी हमारे हेडिंग के टाइपोग्राफीज थे ना, हमने देख लिया, ठीक है। तो बेसिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है टेक्स्ट के रिलेटेड। आपको इतनी सी चीज़ें भी पता चली ना तो बहुत है इसमें, ओके। तो बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमेजेस, ओके। तो हम टिलविन सीएसएस का यूज़ करके इमेजेस के सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ओके, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक इमेज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो H1 टैग के बाद मैं एक इमेज टैग ले लेती हूँ। तो सिंपल है, रिएक्ट में भी इमेज एज HTML की तरह ही लेना है। ये देखो, एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ मैं सबसे पहले, और उसमें मैं इमेज टैग ओपन कर देती हूँ, ठीक है। इमेज टैग के अंदर आपको पता ही होगा SRC यानी कि सोर्स आपको देना है इमेज का। तो हम यहाँ पे SRC को कॉल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सोर्स देना है इमेज का, जो भी आप इमेज डिक्लेयर करना चाहते हो। देन इसको इमेज टैग को ना क्लोज करना है, ठीक है। ALT हम ऐड करेंगे यानी कि एक इमेज का नेम, ओके। उसके बाद इमेज टैग ना आपको क्लोज करना है, इतना याद रखो, ओके। तो जैसे हम HTML के अंदर हमारे पास इमेज टैग को क्लोज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इमेज टैग को भी क्लोज करना है रिएक्ट में, इतना याद रखो, ठीक है। तो सिंपल है, देखो अभी आपको लाइक इमेज का पाथ आपको यहाँ पे SRC फाइल के अंदर देना है, ठीक है। या तो आप क्लोज ऐसा करो, या फिर अब उसी टैग के अंदर आके सिंपली आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसे भी आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं फिर, ठीक है। ये की लाइन में आप इसको ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हो, इस तरीके से यूज़ करो। बेसिकली ये ज़्यादा लाइक मस्त लगता है, तो बस इसीलिए, ओके, ठीक है। मैंने सिंपली एक इमेज को डाउनलोड करा और रिएक्ट टेक्स्ट जो है ना हमारे पास प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैंने इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है। इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको SRC के अंदर हम इसका कॉपी पाथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका कॉपी पाथ मैंने कर दिया इस इमेज को, और यहाँ पर ले आके SRC के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा बाइड मतलब पूरा आपको लाइक इमेज का पाथ ही दे सकते हो, या फिर आप अपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है तो यहाँ पर भी आप अपने खुद का लाइक ऐसा दे सकते हो, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, सभी को हटा देती हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ कैसे देना है, ठीक है। तो अगर समझो ये फाइल आपका, इस फाइल से बाहर जाना है तो .// देना है आपको, तो बाहर जाओगे आप इस फाइल से, ओके। तो हमारे पास है pic.jpg, ठीक है, आ गया फाइल पाथ प्रॉपर। तो अभी देखो मैं इसको सेव करती हूँ, तो जाके देखते एक बार आ गया क्या। तो रिफ्रेश करती हूँ, एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए, अभी तक आ जाता था, आ नहीं रहा। तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। आई नो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको पाथ नहीं मिलता है प्रॉपर, ओके। इसको एक और तरीका लाइक पाथ को सेट करने का, मैं वो आपको बताऊँगी, उससे प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो बस इसीलिए यहाँ पर अल्ट के अंदर मैंने पिक रखा है, क्योंकि मुझे पता तो चले पिक डिस्प्ले पे हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उसको पाथ करेक्ट नहीं मिल रहा है, इमेज का पाथ जो है ना वो प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका है, ऐसे हम HTML के अंदर देते हैं। इसमें कभी कभी दिक्कत यही वाली आती है कि प्रॉपर आप पाथ भी डालो ना भी डालो तो भी वो डिस्प्ले नहीं होता है। ये देखो मैं प्रॉपर उसका पाथ भी डाल रहा हूँ और प्रॉपर मैंने उसका ये भी दे दिया, कभी कभी ऐसा डिस्प्ले नहीं होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि इमेज को डिस्प्ले करने का, ओके। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको इंपोर्ट कर दो, यानी कि इमेज पाथ को इंपोर्ट कर दो। तो यही बेस्ट तरीका है आपके पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो हम मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ मैं पहले तो, ओके। तो अभी मैंने क्या करा है कि ड्यू ने हटा दिया, इमेज को फिर से डिक्लेयर कर दिया, इमेज के ALT के अंदर मैंने नेचर इमेज रखा और SRC के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो SRC के अंदर मुझे कौन सा तो ऐसा पाथ देना ही है कि मुझे डिस्प्ले हो जाए इमेज। अभी जो हमने ट्राई करा था वो तो वर्क नहीं हुआ, हमारे पास एक इमेज है जिसका मैं यूज़ करूँ तो वो तो पाथ वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब SRC मतलब ऐसे ही MD छोड़े क्या फिर, मतलब इसके अंदर कोई इमेज हम लिख नहीं सकते क्या, मतलब ऐसा पाथ दूँ तो चलेगा नहीं क्या, वो मुझे आपको दिखाने की हाँ चलता है वैसे, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं बेसिक बोलती हूँ, जैसे ऑनलाइन पर जाओ, ऑनलाइन से कोई एक इमेज ले लो, वहाँ से लिंक को बाय डिफॉल्ट जो HTTPS के हिसाब से लिंक आपके पास आ जाता है ना उसको ले लो, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो लाइव पे जो इमेज रहेगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज को जो भी लिंक है वो ऑनलाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो HTTPS पर है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया और सेव कर दिया, ये वाला इमेज है वो, ओके। रिफ्रेश कर देते तो देखो सबसे पहले रिफ्रेश करने से पहले ही आ गया हमारे पास वो इमेज। देखा ऐसा नहीं कि SRC चलता नहीं, SRC चलता है, आपके पास एक प्रॉपर इमेज का पाथ होना चाहिए। जैसे ये ऑनलाइन पाथ है तो इसका कोई ऐसा हो ही नहीं सकता ना बाई डिफॉल्ट कि वो हमें वर्क ना करे, है ना। तो हमारा जो लाइक pic.jpg है ना वो वर्क क्यों नहीं हो रहा फिर, उसको कैसे मैं लाइक ये कर दूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ऐसे आप SRC के अंदर आपका डिफॉल्ट आप इमेज का पाथ दोगे ना वर्क नहीं होता है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट हम कर सकते हैं इमेज का पाथ। तो मैं आपको वो प्रोसेस बताऊँगी हम इम्पोर्ट कैसे करते हैं हमारा खुद का इमेजेस, ओके। तो उससे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, जैसे मैंने बोला ना आपका कभी भी वो दिक्कत नहीं आएगी आपके SRC फाइल का पाथ का, ओके।
तो उसका मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इमेज को ऊपर लाइक इमेज टैग ओपन एंड क्लोज करना है। मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जैसा से हम हटा देते हैं पहले वाला, ठीक है हटा दिया। ठीक है यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल रखती हूँ। ठीक है यहाँ से मैं इसको फर्स्ट वाला कमेंट कर देती हूँ ताकि मुझे मतलब दिक्कत ना आ जाए। ठीक है सिंपली मैं यहाँ पर आती थी इमेज पर, यहाँ से मैं इसको कॉपी पास्ट कर लेती हूँ। फिर ये इमेज मुझे डिस्प्ले करने की कॉपी पास्ट की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर ही कर देंगे। ठीक है पाथ हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है तो इम्पोर्ट सिंपल है, ये देखो इम्पोर्ट कर दो। इम्पोर्ट यहाँ पे इमेज का कोई नाम लिख दो, मैं यहाँ पे IMG लिख देती हूँ, फ्रॉम कर दो फ्रॉम, और यहाँ पर आप उसको पाथ दे दो, उस इमेज का पाथ। ओके जिसको आपको कॉल करना है सिंगल कॉड में आपको देना पड़ेगा। तो पहले तो आपको डॉट स्लैश देना है, बाहर आना है इमेज फोल्डर के बाहर, तो डबल डॉट स्लैश ओके, और पिक डॉट JPG कर दिया। अब इस IMG को मुझे SRC फाइल के अंदर यूज़ करना है, तो ऐसे ही डालोगे नहीं ना, आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर डालना है। ठीक है एज हम एक वेरिएबल उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा और उसको असाइन कर रहे हैं ऐसा समझो। ओके तो सिंपल है ना ये वाला तरीका, तो इससे कभी भी आपका इमेज का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। चलो ठीक है देखते हैं। वैसे अभी हमने डाल दिया सब चीज़ें, वैसे मेरे पास एक कंपाइल विद प्रॉब्लम, अरे यार एक एरर आ गया। एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रहा है कि नोड मॉड्यूल, अरे यार समझ गए मैं समझ गई। बेसिकली ये एरर ये कह रहा है कि यार तुम ना क्या कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इमेज डाल रहे हो, वो प्रोजेक्ट नोड मॉड्यूल के अंदर हम इमेज ऐसा नहीं डाल सकते, हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर सारे इमेजेस ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो SRC फाइल के अंदर ये इमेज डाल दो है ना, तब आप उसको एक्सेस कर लो। तो सिंपली मुझे उस इमेज को अभी क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा SRC फाइल के अंदर। ठीक है तो आप कभी भी उस प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल, हमारे प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप है ना, इसके अंदर इमेज ऐसे इमेज हम ले नहीं सकते। ठीक है तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको SRC फाइल के अंदर इसको मूव ऑन करना है, यानी कि मूव करना है, और उसके बाद आपको इसको पाथ देके एक्सेस करना है। ठीक है ठीक है मैंने पाथ चेंज कर दिया यहाँ पर, और अभी मैं इसको SRC फाइल के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है तो गया ये, हाँ अब कोई एरर नहीं आएगा है ना। अब मैं जाके रिफ्रेश कर देती हूँ, तो देखो अब वर्क हुआ ना, और अब ये भी वर्क होगा, वो SRC का जो पहले मुझे एरर आ रहा था ना पाथ का, वो अभी अभी वर्क होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी गलती ये थी कि मैं रिएक्ट एप्लीकेशन का जो मेन फोल्डर है ना उसके अंदर इमेज को ऐसा ऐसे डाल रही थी, ऐसे नहीं डाल सकते आप। ओके एक फोल्डर बनाओ, या SRC फाइल के अंदर डालो या पब्लिक फोल्डर के अंदर डालो, लेकिन फोल्डर के अंदर डालो इसका ये ऐसा है। जैसे हम नॉर्मली एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं SRC के अंदर एक इमेजेस या एसेट बोल के हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एंड उसके अंदर हम सारी चीज़ें हमारे इमेजेस डालते हैं। जैसे मैंने एक इमेज बोल के फोल्डर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैंने इस इमेज को डाल दिया फिर से। ओके अब मुझे पाथ चेंज करना है बस, और पाथ चेंज करके इसको एक्सेस करना है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्लैश से पहले इमेज मुझे चाहिए ना, देखो डॉट स्लैश इमेज, इमेज के अंदर पिक डॉट JPG। अब मेरा ये प्रॉपर एक पाथ बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं देगा वो मुझे। तो देखो अभी यही पाथ मैं अगर प्रॉपर SRC के अंदर भी डालूंगी तो भी वर्क हो जाएगा है ना। मैं वो मतलब वो करूंगी नहीं, लेकिन तभी आपको बता रही हूँ कि ये वर्क होता है अभी। ओके ये ट्राई आप खुद कर देना, ठीक है चलो ठीक है। अभी हमने सिंपली देखा यार रिएक्ट के अंदर इमेजेस कैसे हम एक्सेस करते हैं। अभी तक तो टिलविन CSS का कुछ क्लासेस अप्लाई नहीं करा था हमने इमेजेस के अंदर, अब हम करेंगे टिलविन CSS के इमेज के लिए कौन से क्लासेस हैं। ठीक है वो बेसिक ही बताऊंगी, लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास नेम को कॉल करना है। जब भी आप क्लास देना चाहते हो टिलविन CSS या CSS, आपको क्लास नेम डिक्लेयर करना पड़ता है एट्रीब्यूट। ओके इसको हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ठीक है तो हमने इसको क्लास नेम एट्रीब्यूट दे दिया, देन यहाँ पर हम टिलविन CSS के अंदर बेसिक हमारे पास देखो हाइट और वेट हमारे पास दो CSS आती है, सॉरी टिलविन CSS प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है तो देखो हाइट आप मैक्सिमम 96 दे सकते हो और वेट आप फुल दे सकते हो। ठीक है बाय डिफॉल्ट वो एज इट इज़ आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो। तो ये इस तरीके से अभी हाइट जो है ना 96 वो प्रॉपर ले रहा, मतलब फुल आपका 96 ले रहा है, और वेट तो वो फुल ले रहा है। ठीक है मैं यहाँ पर आपको आपको दिखा देती हूँ, ठीक है वेट हम चलते ऊपर, यहाँ पर साइजिंग के अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। देखो विड्थ आपको डिस्प्ले हो जाएगी, विड्थ हमारे पास विड्थ 0 से लेके आपके पास है 96 तक। ओके या फिट आप बोल सकते हो, फिट है मैक्सिमम है फुल है। ओके आप विड्थ फुल भी रख सकते हो या फिट आप रख सकते हो, फिट यानी कि प्रॉपर। ओके अभी हाइट पर आती हूँ मैं, हाइट देखो 0 से लेके
आप हाइट दे सकते हो 96 तक, ओके, और या तो फिर आप फिट दे सकते हो, मैक्स दे सकते हो, वैसे ही सारी चीज़ें, ओके। या ऐसे आप लाइक ये देखो 96 आपका हाईएस्ट हाइट रहेगा आपके इससे, या आप स्लैश देके ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जिस तरीके से यहाँ पे हाइट डिस्प्ले हो रही है ना उस हिसाब से आप दे सकते हो। अभी मैं फिट कर देती हूँ हाइट को, ओके, तो फुल कवर हो जाएगा वो, ओके। ये देखो फिट कर दिया, अभी मैं जाके देखती हूँ रिफ्रेश, तो देखो फुल कवर हो गई इमेज, तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है ना, मतलब फिट यानी कि फुल कवर, ओके। यहाँ पर देखो हाइट जो है ना यहाँ पर और भी है, लाइक फुल दे सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, ये अपने हिसाब से आपको चेक कर करके दे देना। हाइट उसके साइड में आपको दिखा डिस्प्ले हो रहा है, जैसे पिक्सल में डिस्प्ले हो रहा है, REM में डिस्प्ले हो रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख के हाइट का यहाँ पर दे देना उसका जो भी क्लासेस रहेगा। सिंपल कितने सारे क्लासेस दिए हैं ताकि आप ना CSS ऐसे ये मत करते बैठो, यहाँ पर देख के आप अपने हिसाब से उसका एक ही लाइक क्लास ऐड कर दो ऐसा बोल के, है ना। तो जैसे हाइट में 60 रख देती हूँ, वेट में 60 रख देती हूँ, तो देखो कैसे डिस्प्ले होता है। रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो एज अ कार्ड की तरह, एज आप ये भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप रख देना, ठीक है। हाइट और वेट ये बेसिक हमारे पास ये है क्लासेस है इमेज को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट, ओके। तो ये हम लाइक इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट कंटेन, ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट फिल नन, ये सारी चीज़ें आप क्लासेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कैसा डिस्प्ले होता है इसके नीचे ही रिव्यू आपका, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी आप ट्राई कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी लाइक क्लासेस हैं, आप यूज़ कर देना अपने हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है आप कब यूज़ करोगे, क्या मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है आपके हिसाब से, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ओके। तो इमेजेस के अभी ना हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि देखो क्लास नेम ऐड करते हो, जैसे इमेज हम डालते हैं तो हम क्या करते हैं लाइक हम यूज़ करते हैं नॉर्मली राउंडेड, है ना, यानी कि हमें लाइक स्क्वायर में मिल रहा है इमेज, तो उसको बेसिकली हम राउंडेड ज़्यादा चाहते हैं ना, तो राउंडेड क्लास यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको ऐड करके आपको डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। सिर्फ आपको क्या लिखना है, राउंडेड हाइपन LG लिखना है, यानी कि इसके क्लास इसके लाइक साइज भी आपको देना है, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, एक्चुअली ये हो चुका है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा लेकिन डिस्प्ले मतलब दिख नहीं रहा होगा ना प्रॉपर, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं इमेज का हाइट और वेट देते, विड्थ सॉरी हाइट और विड्थ दे देते लाइक 60 60 कर देते, फिर हाइट 60 विड्थ को मैं 60 कर दूँ 80 कर देते, ठीक है 80 कर देते। तो अभी थोड़ा प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा मुझे, राउंडेड भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो कुछ प्रॉपर लग रहा है ना। तो राउंडेड आप ऐसा दे सकते हो लाइक LG में वगैरह, ओके, XXL वगैरह अपने हिसाब से, ठीक है। आप टेस्ट कर लेना, आप देख लेना एक बार अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो हम बैकग्राउंड भी देख सकते हैं इमेज को, ओके, यानी कि बैकग्राउंड हम एज अ ग्रेडियंट भी दे सकते हैं और नॉर्मल बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, तो ग्रेडियंट यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से, ओके। मैं क्या करती हूँ यहाँ से ग्रेडियंट उठा लेती हूँ फिर, ओके। हमारे पास एक ड्यू होना चाहिए, ड्यू के अंदर इमेज होना चाहिए, इतना याद रखो, ओके। तो मैं यहाँ से एक लाइक सिंपल ड्यू ले लेती हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। लास्ट वाला पिंक कलर का जो था उसको मैंने ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, नहीं मेरे पास ड्यू ऑलरेडी है ना, तो मैं क्या करती हूँ क्लास को ही ले लेती हूँ फिर, ठीक है। सिर्फ अंदर का क्लास ही ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया एंड इस क्लास के अंदर पेस्ट कर देते, ठीक है, ओके। तो हम सिंपली चलते हैं, हमने यहाँ पर रिफ्रेश करते एक बार, तो देखो बैकग्राउंड पे आ गए। विड्थ और हाइट के कारण वो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड एज अ इमेज के बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं सिंपली हटा देती हूँ विड्थ हाइट को लाइक सिंपल 70 कर देती हूँ, क्योंकि हमारा नीचे इमेज 60 है ना, तो देखो अभी प्रॉपर लग रहा है ना इमेज हमारा राइट साइड में, इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड उसी इमेज को लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में एज अ ग्रेडियंट कलर, आपको तो पता ही चल गया होगा ग्रेडियंट कलर हम कैसे यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है, चलो अच्छा है। तो ये भी हमने देख लिया, तो मैंने यहाँ से राउंडेड हटा दिया, तो अभी स्क्वायर में अच्छा खासा दिख रहा है, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ दो, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टाइल देखते हैं लाइक क्लास देखते हैं इसका क्लास प्रॉपर्टी। तो जैसे इसको देखो हम शाडो भी देख सकते हैं, ओके, तो शाडो का करते हैं, ठीक है। तो शाडो देने के लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, तो सिंपली आपको शाडो लिखना है, ठीक है, शाडो। और शाडो कितना चाहिए, जैसे कि समझो कौन से कलर में चाहिए, तो हाइपन दे दो और कलर दे दो, या कितना चाहिए एक्सेल में उसका ये भी दे सकते हो, एक्सेल तक चाहिए तो एक्सेल तक आप शैडो दे सकते हो। एंड
शेडो का जो भी कलर रहेगा वो भी आप कलर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फिर से शेडो हाइपन रेड और उसका कलर कोड दे देते हैं, ठीक है, 500 दे देते या ब्लैक कर देते। शेडो हमें लाइक रेड और ब्लैक में 400 चाहिए, ठीक है। आप ऐसे दे सकते हो शेडो दो दो कलर में, ओके। तो यहाँ पे 500 कर देती हूँ मैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार जाके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो कुछ डिस्प्ले हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, प्रॉपर आपको शेडो ही नहीं डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। मतलब हो रहा है, बहुत ही कम आपको डिस्प्ले हो रहा है, मतलब बहुत ही कम। ओके, मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, फिर इसको मैं लाइक 800 कर देती हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है क्या? रिफ्रेश कर देते हैं, अब थोड़ा सा लाइन आ चुका है ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रॉपर हमें अभी तक ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि उसको बॉक्स शेडो लगाए, मतलब उस इमेज को एज अ शेडो लगाए बोल के, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपली जो मैंने रेड और ब्लैक दिया था ना, तो ब्लैक को हटा देती हूँ, सिर्फ रेड कलर दे देते हैं, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, शेडो रेड और 800 दे देती हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, अभी देखते हैं हम, रिफ्रेश। ओके, देखो अभी आ गया, मतलब दोनों कलर एक साथ नहीं आ रही थी, एक कलर दिया तो एक कलर ही आ गया, है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से, तो देखा इस तरीके से आप अपना मतलब थोड़ा सा ऐसे शेडो दे सकते हो अपने हिसाब से, आपको कितना देना है। तो ये कुछ इस तरीके से वो इमेज को पूरा ऐसा इफेक्ट देता है, तो बहुत अच्छा दिखता है ना वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम ब्राइटनेस भी हम इसको दे सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस में यहाँ पे 50 दे रही हूँ, तो देखो कुछ ब्राइटनेस इसका लो हो जाएगा, ओके। तो देखो ऐसे आप इसका इमेज को ब्राइटनेस कम करके उसके ऊपर आप टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो ना, तो प्रॉपर कितना मस्त लगता है वो। तो आप ऐसे ब्राइटनेस इसका ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे ब्राइटनेस देखो 50 है, 100 है, 125 है और 200 है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा 200 करूँगी तो बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा, वो लाइट आ जाएगा, और 50 सबसे थोड़ा सा डार्केश हो जाएगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से देते ना, मैं ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ कि 200 कैसे डिस्प्ले होता है। देखो अभी मेरा ऐसा है, तो 200 बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, वो एकदम लाइटनिंग लाइट बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो आप ऐसा अगर चाहते हो पूरा फोकस उस इमेज को, तो ऐसा भी दे सकते हो, नहीं चाहते हो तो 50 वगैरह दे के उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, है ना, मस्त लगता है ये। तो इसलिए मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये भी अच्छा है हमारे पास इमेज का एक क्लास, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके। तो एज इट इज़ मैंने सारी चीज़ें रख दी, ठीक है। तो अब तक हमने लाइक हेडिंग देख लिया, इमेज देख लिया, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बटन को, ओके। तो बटन का भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक इस वजह से मैंने सोचा बटन की भी क्लासेस आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ही देखते हैं, ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए कि रिएक्ट में अगर टेलविन CSS यूज़ करके बटन को CSS देना है तो कैसे कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक बटन को ऐड करते हैं, तो रिएक्ट में बटन को ऐड करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे जैसे HTML में करते हैं वैसे ही है, ओके। सेम हमने बटन टैग ओपन एंड क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पर हम बटन का नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लिक मी, ओके, ये बटन का हमारा नेम है। और यहाँ पर हम उसको जो अगर क्लासेस ऐड करना है, तो क्लास नेम एज इट इज़ बटन नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लिक मी एज अ बटन मेरे पास आ चुका है, इसका पॉइंटर चेंज होता है, तो इस हिसाब से आप समझ जाना कर्सर पॉइंटर आ गया, तो आप समझ जाना कि ये बटन है, ठीक है। तो टेलविन CSS लिखने के लिए आपको सिंपली क्लास नेम ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट उसके अंदर ही हम सारी चीज़ें लिखेंगे ना। तो सिंपल है, जैसे हमारे टेक्स्ट क्या है वैसे यहाँ पे क्लासेस चलेंगे, जैसे इसका साइज़ वगैरह आप टेक्स्ट साइज़ आप लिख सकते हो। अभी बटन का है तो सिंपली आपको सबसे पहले BTN लिखना है, ओके, ये एज अ बटन है। तो मैं अगर आके लाइक बूटस्ट्रैप की तरह BTN लिखती हूँ तो वर्क होता है क्या? तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो देखो कुछ वर्क नहीं हुआ, मतलब BTN डालोगे आप बूटस्ट्रैप में तो एक पूरा वो बटन की तरह वर्क होता है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं वर्क हो रहा है। तो इसका ऐसा है कि लाइक इसको BTN है तो BTN नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली हमारा CSS का ऐसा वर्क होता है ना, तो ये भी टेलविन CSS एज अ CSS की तरह वर्क होता है, ना कि बूटस्ट्रैप की तरह, ओके। तो इसलिए हमें लाइक उसके क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक बेसिक क्लासेस बता देती हूँ, ताकि आपको एक क्लियर रहे, मैं कंपेयर कर रही हूँ CSS और बूटस्ट्रैप को, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो जाए, बस इसीलिए, ठीक है।
अगर आपको बटन का कलर चेंज करना है तो आपको देना है बीजी, और यहाँ पर आपको उस कलर का नेम, यानी कि मैं चाहती हूँ ब्लू कलर दे दूँ तो ब्लू, और उसका वो जो नंबर है यानी कि फैंड्रेड, हम नॉर्मली फैंड्रेड यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बोला था एक प्रॉपर कलर आपको मिलता है प्राइमरी कलर, ठीक है। तो देखो फैंड्रेड हमने डाला, ये एज अ बैकग्राउंड वर्क करेगा, ठीक है। ये देखो एज अ बैकग्राउंड मतलब सी एस एस प्रॉपर्टी यार, जैसे हम बूटस्ट्रैप है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ बूटस्ट्रैप के क्लासेस की तरह यहाँ पे क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सेम वर्क हमारा सी एस एस की तरह वर्क होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी देखो बी टी एन ब्लू फैंड्रेड कर दिया, तो टेक्स्ट कलर चेंज करना होता तो टेक्स्ट कलर दे देंगे हम सिंपल, ओके। तो आ गया आपको समझ में, और पैडिंग और मार्जिन आप दे सकते हो इसमें, ठीक है। समझो कि आपको ट्रांसपेरेंट बटन एक बनाना है जिसका बॉर्डर रहे सिर्फ, ओके, बैकग्राउंड कलर ना रहे, तो वो भी आप बना सकते हो, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, उस बटन को कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर लेती हूँ नीचे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पे बीजी ब्लू जो है ना उसको हटा देते हैं यहाँ पर, और हमें चाहिए बीजी ट्रांसपेरेंट, ओके। तो ट्रांसपेरेंट लिख देते हैं बीजी, ठीक है, ओके। ये आजा हमारा बी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। सेम चीज़ है दोनों भी, क्लिक बटन दोनों चीज़ें, ओके ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ इसको एक बॉर्डर लगे, ठीक है। तो सिंपली हमें एक बॉर्डर लिखना है, यहाँ पर आप उस बॉर्डर को कलर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप बॉर्डर ब्लू, मैं चाहती हूँ ब्लू, और फैंड्रेड दे देते हैं इसका जो भी कलर रहेगा, ठीक है। सेम अभी हमारा यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देती हूँ ताकि नीचे नीचे आ जाए, तो देखो कुछ यहाँ पर हमारा ये ट्रांसपेरेंट सा एक इमेज बन सॉरी बटन बन के रेडी है, और एक हमारे पास बैकग्राउंड कलर के साथ एक बटन बन के रेडी है। क्या करती हूँ, एक ड्यू के अंदर इन दोनों को डालती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए हमें एक सी एस एस प्रॉपर्टी वगैरह लगाने में, ठीक है, मतलब टेलविन सी एस एस की, ओके। तो देखो मैंने क्या करा, ड्यू के अंदर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इस बटन को क्या करती हूँ, MY5 दे देती हूँ, ठीक है, नहीं, MB5 दे देती हूँ, ओके 3 दे देते, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गैप ले ले वो इमेज बटन्स में, ठीक है। तो MB3 इज़ बेटर, या मैं MY दे देती हूँ, ठीक है, MY, क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा सा स्पेस ले ले वो, ठीक है। अभी प्रॉपर लग रहा है हमारा ये बटन दोनों, मतलब मुझे सिर्फ डिफरेंस दिखाना बताना है ना, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर एक सी एस एस दे के अरेंज कर दिया, ठीक है। आप मार्जिन पैडिंग ऐसा दे सकते हो जैसे हम बूटस्ट्रैप में देते हैं ना, यहाँ पर भी सेम आप दे सकते हो MY MB, ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैं MX5 दे देती हूँ इस पूरे ड्यू को, ताकि एक साइड से भी वो प्रॉपर आ जाए, ठीक है। अभी प्रॉपर मुझे बटन्स मिल चुके हैं जिसका अभी मैं लाइक आपको प्रॉपर आपका लाइक प्रॉपर्टीज लगा के, सी एस एस प्रॉपर्टी लगा के आपको दिखा सकती हूँ। जैसे मैं P2 लगा रही हूँ, ठीक है, यानी कि बटन्स के अंदर P2 मार्जिन ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो अभी ये प्रॉपर एक बटन की तरह डिस्प्ले हो रहा है मुझे, है ना, कितना मस्त लग रहा है अभी ये, मतलब प्रॉपर एक बटन की तरह। तो बूटस्ट्रैप में हम जो क्लासेस चूज करते हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी कुछ चीज़ें यूज़ हो रही है ना। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो ये ईजी जाएगा, मैंने बोला था ना, तो ऐसे क्योंकि सेम चीज़ें कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो अभी मैंने फिर से एक बटन ले लिया, इस बार मैंने क्या करा, इसको लाइक टेक्स्ट ले लेती हूँ, टेक्स्ट कलर चेंज भी कर सकते हो आप, ओके। तो टेक्स्ट मैं वाइट कर देती हूँ, ओके। तो ये देखो कुछ इस तरीके से RPR डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, रुको, ठीक है। तो अभी अच्छा लग रहा है, वेट, हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है ना। तो आप ना बटन का टेक्स्ट भी ऐसा चेंज कर सकते हो, मैं आपको वो दिखा दूँ, ठीक है। सिंपल है यार, मतलब देखो या तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, बटन का अंदर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, या बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके उसको बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है ना। ये सारी CSS प्रॉपर्टीज है और एक ही लाइन में आपके पास लाइक आ जाती है, तो बस इसीलिए ये बेटर है ना। मतलब नॉर्मल CSS भी हम ऐसे यूज़ करते हैं स्टाइल टैग के अंदर, तो यहाँ पर हम CSS के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज़ करें, जैसे बूटस्ट्रैप में हम प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, इतना ही है इसमें भी। चलो ठीक है, तो आपको सिंपल बटन्स के तो प्रॉपर्टीज आपको पता चल ही गए होंगे, तो ये बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है जो है हुअर, ओके। तो हमने अभी तक हुअर का उसने बोला ना, तो बटन्स के लिए हुअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं ना बटन को, तो हुअर कैसे देते हैं देखो। तो सिंपल है यार, हुअर लिखना है आपको, पोलन देना है, और हुअर का जो भी आप देना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो, बटन कलर चेंज करना चाहते हो, वो आप दे सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैंने हुअर को डिक्लेयर करा, ठीक है, हुअर पोलन दे दिया, मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, ये बैकग्राउंड ब्लू है ना, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ, ठीक है, जब भी ये हुअर हो जाए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट के साथ टेक्स्ट का कलर भी ब्लू, एज इट इज ये ब्लू है ना, तो ब्लू भी हो जाए। चलो ठीक है, ब्लू फैंड्रेड कर देते, ठीक है, ट्रांसपेरेंट के बाद भी, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, अभी मैं चलती हूँ हुअर करती हूँ, तो व्हाइट मतलब यहाँ पर मुझे इसको हुअर करना पड़ेगा, जो
टेक्स्ट ब्लू एज अ नॉर्मल टेक्स्ट है ना, सेम मैंने टेक्स्ट ब्लू सेम लिखा, लेकिन हुवर ही नहीं लिखा। हुवर होने पे टेक्स्ट मेरा ब्लू होना चाहिए। ओके अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब देखो है ना अभी वर्क हो रही है प्रॉपर, क्योंकि मैं हुवर लगाना भूल गई थी। हुवर पर टेक्स्ट हमारा ब्लू होना चाहिए, और हुवर पर अगर आप बॉर्डर वगैरह चाहते हो तो बॉर्डर भी आप दे सकते हो, ठीक है। बॉर्डर ब्लू 500 हम हुवर पर देते हैं। तो सिंपली आपको लिखना है हुवर कोलन और इसके सामने ये सारी चीज़ें, बॉर्डर ब्लू 500। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो वर्क हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बॉर्डर चाहिए ना आपको, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बॉर्डर ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बॉर्डर फिर बॉर्डर ब्लू। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखो हुवर पर हमारा बैकग्राउंड एज इट इज़ ये ऊपर का कैसा मैंने वो सारी क्लासेस दे दी है ना। टेक्स्ट कलर एज इट इज़ ब्लू रखा है, तो टेक्स्ट कलर हुवर पर भी ब्लू ही रखा है, तो इसलिए हुवर पर भी ब्लू कलर आ गया। तो देखा ऐसे आप हुवर क्लासेस भी ऐड कर सकते हो बटन के लिए, एक इफेक्ट देने के लिए बटन को, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर का एक बटन को कॉपी कर लेती हूँ फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो उसको हम करेंगे राउंडेड, ठीक है। राउंडेड क्लास भी हम बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस। तो बाकी के देखो सारे स्क्वायर में बॉक्सेस हैं और ये वाला एक राउंड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ही राउंड है लेकिन अच्छा है ना, तो बटन के लिए आप ऐसा राउंडेड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, तो इसी बटन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, नेक्स्ट हम क्लासेस देखते हैं। तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और राउंडेड को हटा दिया। तो नेक्स्ट हम कर्सर पॉइंट देखते हैं। तो कर्सर मैं यहाँ पे नॉट कर देती हूँ, ठीक है। कर्सर नॉट अलाउड, ठीक है। नॉट अलाउड यानी कि यहाँ पे कर्सर जब भी मैं लेके जाती हूँ वो रेड कलर का वो आता नहीं कि छोटा सा वो आ जाता है, ठीक है। देखो ये देखो मतलब यानी कि नॉट क्लिकेबल है ये, मतलब क्लिक हो नहीं सकता ना, अभी नॉट अलाउड है तो ये क्लिक भी नहीं होगा। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, कोई अगर किसी कर्सर को देना चाहते हो तो। और कर्सर में बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे पॉइंटर आप लगा सकते हो या बहुत सारे, लाइक आप एक बार ना देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट बताती हूँ लाइक बटन ग्रुप्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। जैसे साइन अप और लॉगिन वाले दोनों बटन एक साथ ही आपको क्रिएट करना है एक ही फॉर्म, एक ही लाइक ड्यू के अंदर या एक ही ग्रुप में, तो कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने वो कॉपी पेस्ट कर लिया था ऊपर का ही, लेकिन मुझे ये सिंपल बटन चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ इसे अभी के लिए कट कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक क्या कर देती हूँ, सिंपली एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ड्यू क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लास नेम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हम लिखते हैं इनलाइन फ्लिक्स, ओके। तो उसके अंदर हम दो बटन क्रिएट करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट कट करा था ना उसी को मैं पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये दोनों हमारे बटन्स, या फिर हम लाइक सिंपली मैं दो चीज़ें लाइक दो बटन क्रिएट करूँ, ऐसे मल्टीपल आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं अभी के लिए दो बटन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप एक ग्रुप बना रहे हो बटन्स का, ठीक है, सिंपल इतना। फॉर्मेट कर दिया, क्लिक मी 1 कर देती हूँ, क्लिक मी 2 कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें समझ में आया बोल के, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो अभी मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ कैसे डिस्प्ले हो रहा है। एज अ ग्रुप में आपको वो दोनों चीज़ें कंबाइन होकर मिल जाती है, ठीक है। दो बटन्स रहेंगी, लेकिन ये देखो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा है कि एक ही टेक्स्ट में हमने ऐसा लिख दिया क्लिक 1 क्लिक 2, लेकिन ये दो बटन्स हैं क्योंकि सेम चीज़ें हैं ना, सारी बैकग्राउंड सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ से मैं क्या करती थी, कर्सर नॉट अलाउड को हटा दिया और बॉर्डर एज इट इज़ मैंने बॉर्डर लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर हाइपन ब्लू सॉरी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कलर देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तो मैंने जब बॉर्डर डाला तो आपको अब समझ में आ रहा है कि ये दो बटन्स हैं एक्चुअली, है ना। तो इस तरीके से मतलब एक एज अ ग्रुप में आप इन दोनों को ऐसा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हमारा बटन्स का भी हो गया, तो अब हम देखते हैं मार्जिन और पैडिंग, ओके। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी मार्जिन पैडिंग का आपको बता दिया, आपको तो बटन्स में भी दिख गया होगा और इमेजेस में भी दिख गया होगा। तब भी हम क्या करते हैं बेसिक इसका थोड़ा सा ऐसा इन डीप देखते हैं ना कि मार्जिन पैडिंग हम कैसे दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू क्रिएट कर दिया, H1 टैग दे दिया। H1 टैग के अंदर देखो सिंपली मैं कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे मैं हाय लिख देती हूँ, हाय हेलो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी रैंडम से मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ड्यू के अंदर क्लास नेम और इसमें मैं लाइक मार्जिन और पैडिंग दे दूँ। जैसे मार्जिन हमको ओवरऑल देना है तो को बस लिखना है M-5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब साइड से मार्जिन ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी P-5, तो डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते, तो ये क्या कर दिया इसने, सब साइड से लाइक क्या करते हैं, ठीक है, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक BG दे देते हैं इनको, कुछ कलर दे देते ताकि समझ में आए। तो मैं BG ब्लैक कर देती हूँ दोनों में भी, ठीक है।
ओके तो अभी जाके देखते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड एक्चुअली डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, लाइक बेसिकली हम बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक लिखा है ना, BLA। अरे ब्लैक की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसको कलर अलग ही दे देते हैं। तो मैं ब्लू कर देती हूँ ब्लैक को हटा के, ठीक है। सिंपली मैं कंट्रोल डी करके ब्लू कर देती हूँ, और इसको कलर कोड भी देते हैं, जैसे 300 दे देते हैं, ठीक है। लाइट वेट में हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा। तो मार्जिन क्या कर रहा है, जब मैं M5 लिखूँ तो मार्जिन क्या कर रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से वो 5 5 का मार्जिन लेके मुझे बीच में वो हाई श्रुति हाई हेलो प्रिंट कर रहा है। वही पैडिंग क्या कर रहा है, सब जगह से उसने पैडिंग लेके वो बीच में मुझे हाई श्रुति प्रिंट कर रहा है। मतलब समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। वो क्या कर रहा है, वो मार्जिन उन जगहों से हट के बीच में दिखा रहा है, लेकिन पैडिंग क्या कर रहा है, उन जगहों को लेके बीच में दिखा रहा है। ओके तो आप ऐसे एग्जांपल समझ रहे हो ना, मतलब आपको सिंपली बूटस्ट्रैप आता है या CSS आता है तो आपको मार्जिन पैडिंग पता ही होगा बस, ठीक है। फिर आपको पता ही होगा ये चीज़ें, छोड़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉक्स शाडो कलर। ओके तो हमारे पास समझो एक डिओ है, एक बॉक्स है कोई, उसको शाडो कलर हम कैसे दे सकते हैं। देखो कितना इफेक्टिवली शाडो कलर्स हैं यहाँ पर, तो ये कितने मस्त लगते हैं ना। तो जब भी आप ऐसे देते हो कोई बटन्स को करें, है ना, ये भी देखो कितना मस्त लगता है, है ना। मैंने एक ड्यू के अंदर ये सारी चीजें रख दिया, हाई श्रुति के पहले उस ड्यू को देखो कितना इफेक्टिवली है। आप अगर कोई भी हाईलाइट करोगे ना यहाँ से, ये चीजें कितनी है, लाइक शेडो इफेक्ट वगैरह देती है ना। ये बटन को भी आप यूज कर सकते हो ये सारी चीजें, और एक लाइक एक ड्यू को भी यूज कर सकते हो। ओके तो BG क्रियोन 500 शाडो हमने LG रखा है, और शाडो क्रियोन 550 दिया है, तो इस वजह से ये मस्त लग रहा है एकदम। शाडो के हिसाब से वो नीचे भी आ गया और ऊपर हमारा एज इट इज कलर सेम है, तो इस वजह से सेम मस्त लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कलर्स हैं, आप कैसे ऐड कर सकते हो इन डिटेल देख लेना आप। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट मैं डायरेक्ट वहीं पे दिखा देती हूँ। तो देखो एक इमेज के अंदर एक और है, जिसके अंदर ब्राइटनेस के बाद हमने ब्राइटनेस देखा था, ठीक है, इमेज का ब्राइटनेस, उसके बाद ब्लर भी आता है इमेज का। ओके तो आप ये भी देख लो एक बार, जैसे आपके पास एक इमेज है तो उसको कितना ब्लर करना है, आप अपने अगर समझो ब्लर करना है उस इमेज को तो कितना करना है, उस हिसाब से क्लासेस भी है। और वहाँ पर आपके पास लाइक एग्जाम्पल भी है, 2XL करोगे तो पूरा ब्लर हो जाएगा, LG करोगे या SM करोगे या नन करोगे, तो अपने हिसाब से वो ब्लर भी आप ये वाला इफेक्ट दे सकते हो। सिर्फ उस ड्यू को देना है और ड्यू के अंदर इमेज रहना चाहिए आपको, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल करके देखते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये इतना ईजी है कि हो जाएगा आपसे। ओके आप एक बार ट्राई करना है अपने साइड से, ठीक है, ये सिंपल है। ओके तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमेशन। ओके तो टिलविन CS में आपको एनिमेशन भी मिलता है, तो एनिमेशन नन भी कर सकते हो, एनिमेशन स्पिन, एनिमेशन पिन, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है। ओके तो मैं इसलिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी डायरेक्ट, तो आप ये वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एनिमेशन देखो ये वाला है स्पिन। ओके तो यहाँ पर आपको कोड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके कुछ चेंजेस करके आप अपने साइड से देख लेना, तो प्रॉपर लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। तो ऐसे आप एनिमेशन छोटे मोटे बटन्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आप एक बार देख लेना, ये एनिमेशन के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से ये यहाँ से आप कोड लेके चेक कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके तो सिंपल देखो मैं आपको बोलती हूँ कंटेनर। ओके कंटेनर और रिस्पॉन्सिव हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपली बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लाइक ग्रिड वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। CSS में हम क्या यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरी हम यूज़ करते हैं हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर भी हमारे पास लाइक क्लासेस ही है। ओके तो जैसे हमारे पास वहाँ पर बूटस्ट्रैप में ग्रिड क्लासेस है, यहाँ पर भी हमारे क्लासेस है। ओके तो हम उसका यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिवनेस हम बना सकते हैं हमारे पूरे कंटेनर को या हमारे पूरे वेबसाइट को, ठीक है। तो देखो नॉर्मल वेबसाइट में अगर हम CSS यूज़ करते हैं या बूटस्ट्रैप हम यूज़ करते हैं, तो क्या हमारे पास कैसे फ्लो रहते हैं, पहले सबसे पहले हमारा ब्राउज़र पर अप्लाई होता है, फिर टैब पर अप्लाई होता है यानी कि टैबलेट पर अप्लाई होता है, फिर मोबाइल पर अप्लाई होता है ना। अगर नॉर्मल हम वेबसाइट के अंदर CSS या बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम CSS या मीडिया क्वेरी अगर ऐड करते हैं तो ब्राउज़र पर करते हैं, फिर टैब पर करते हैं, फिर मोबाइल पर करते हैं। लेकिन टिलविन CSS के अंदर सबसे पहले मोबाइल पर अप्लाई होता है वो सारी चीज़ें। ओके याद रखो, ये जब भी आप अगर कुछ भी चेंज कर देते हो, जैसे कुछ भी लाइक
साइज वगैरह डालते हो, कुछ भी लिखते हो, तो वो सारी चीज़ें पहले वो मोबाइल पर जाती है, फिर टैबलेट पर, फिर हम ब्राउज़र पर करते हैं। ओके, तो सिंपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी देखो, मैं ये इसीलिए इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि देखो, हाय श्रुति वेलकम जो मैंने लिखा है ना, वो एक्चुअली मोबाइल व्यू के लिए है। ओके, तो ये देखो, मोबाइल व्यू में जितना हम चाहो उतना हमारा रिस्पॉन्सिव है, यानी कि उतना अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। ये देख लो, एक्चुअली कभी भी आप टिलविन सीएसएस पर वर्क करोगे ना, तो आपको मोबाइल व्यू पर आपको सीएसएस लिखना है, फिर धीरे धीरे टैब के लिए, फिर धीरे धीरे ब्राउज़र के लिए, आपको उसको सीएसएस में लाइक रिस्पॉन्सिव बनाना है, ऐसा उल्टा बनाना है। ओके, इतना याद रखो यार, मतलब इतना याद रखो कि नॉर्मल सीएसएस हम ब्राउजर से लेके मोबाइल पर चलते हैं, लेकिन टिलविन सीएसएस मोबाइल से लेके ब्राउजर पर चलना है। ओके, पहले जब भी आप अप्लाई करोगे सीएसएस प्रॉपर्टी, वो सब चले जाएगी मोबाइल के लिए, फिर आप उसमें आप चेंजेस करके टैबलेट के लिए अलग और अपने ब्राउजर के लिए अलग आप कर देना, ठीक है? यानी कि एसएम पर अलग और एमडी पर अलग, ठीक है? ये भी ग्रिड की तरह यूज होता है। जैसे देखो, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे लाइक एमडी है, एसएम है, एलजी, एक्सएल, 2XL, हमारे पास यहाँ पर भी ग्रिड की तरह ही कंटेनर्स है। जैसे हम वहाँ पर भी लाइक 4XL, 3XL, ये सारे 2XL हम यूज करते हैं ना, लाइक क्या यूज करते हैं हम बूटस्ट्रैप में, हम यूज करते हैं रो और कॉलम्स, है ना? तो यहाँ पर भी हमारे पास है कंटेनर एज ए एलजी, एसएम, एक्सएल। ओके, चलो मैं एग्जाम्पल से आपसे समझाती हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, H1 के अंदर क्लास नेम लिखा है टेक्स्ट 4XL, ठीक है? मैंने सिंपल एक टेक्स्ट 4XL लिखा है, क्लास का टेक्स्ट। ओके, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे कलर कोड दे देती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे कलर लिखना चाहती हूँ, टेक्स्ट का कलर होना चाहिए रेड 500, ठीक है? ये एक्चुअली कहाँ अप्लाई हुआ होगा, ये एक्चुअली रेड जो कलर अप्लाई हुआ है वो एक्चुअली रेड अप्लाई हो चुका है हमारे मोबाइल व्यू के लिए, ठीक है? यानी कि आप ऐसे ही पकड़ लेना, जब भी, यानी कि ये क्या हो गया, हाँ, TXT होना चाहिए था, ठीक है? तो अभी कलर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? ये एक्चुअली आप कभी भी ऐसा लिखोगे टेक्स्ट रेड 500 सिर्फ, तो ये कभी भी याद रखो कि ये अप्लाई कहाँ हो चुका है, ये मोबाइल व्यू के लिए अप्लाई हो चुका है, ठीक है? अगर मुझे ये MD यानी कि मेरा मीडियम अगर कंटेनर आ जाता है, यानी कि मीडियम साइज पर आ जाता है, तो मेरा कलर क्या होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि कलर तब ग्रीन होना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, MD पोलन टेक्स्ट ग्रीन 500, ठीक है? अब क्या होगा, देखो, टेक्स्ट रेड दिखेगा या ग्रीन दिखेगा, ऑब्वियसली ग्रीन दिखेगा, क्योंकि मैंने जैसा बोला था टेक्स्ट रेड किसको अप्लाई हुआ है, मोबाइल के लिए। लेकिन MD मतलब क्या है, MD मतलब मीडियम के ऊपर, मीडियम साइज के ऊपर, तो मीडियम साइज के ऊपर ब्राउजर का ही आता है ना, तो ब्राउजर पर उसने अप्लाई क्या करा, ग्रीन। तो मैं चाहती हूँ समझो, अभी जब भी आप MD लिखोगे तो ब्राउजर, SM लिखोगे यानी कि टैबलेट, और जब भी आप बिना कुछ लिखे एज इट इज वो टेक्स्ट रेड लिखोगे तो समझो कि वो मोबाइल व्यू के लिए, ठीक है? बस इसी एक पॉइंट के थ्रू आप अपना लाइक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना देना, ठीक है? इसके अलावा को सोचे मत, सिंपल आप ऐसा ही याद रखो, MD मतलब ब्राउजर, SM मतलब टैबलेट, और बिना SM और MD दिए आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह ये कराए, कलर या कुछ भी रिस्पॉन्सिव कराए, वो सारे अप्लाई हो जाएंगे मोबाइल के लिए, ठीक है? इतना याद रखो बस, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, टेक्स्ट 4XL लिखा है, छोड़ दो, टेक्स्ट रेड 500 लिखा है, यानी कि ये कब अप्लाई होगा, अब ये अप्लाई होगा हमारी मोबाइल व्यू के लिए, टेक्स्ट रेड। ओके, और MD टेक्स्ट ग्रीन 500 लिखा है, यानी कि MD टेक्स्ट ग्रीन, यानी कि ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा ब्राउजर पर रहेगा तब इसका टेक्स्ट क्या होगा, ग्रीन रहेगा। और मैंने क्या लिखा है, SM टेक्स्ट ब्लू, यानी कि जब ये टैबलेट वाले सीन पर आ जाएगा, यानी कि टैबलेट वाले स्क्रीन पर आ जाएगा, तो तब इसका टेक्स्ट क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है? चलो टेक्स्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तभी प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, ठीक है? अब याद रखो, सबसे मोबाइल व्यू में जाऊँगी तो रेड दिखेगा, अभी ब्राउजर पर हूँ तो ग्रीन दिखेगा, और जब वो टैबलेट पर जाएगा तो ब्लू दिखना चाहिए, ठीक है? चलो टेक्स्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ब्राउजर पर हूँ मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है? मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अभी मैं मोबाइल व्यू के अंदर आ जाती हूँ, ठीक है? अभी देखो, ये सबसे पहले मुझे ग्रीन दिख रहा है, अभी मैं धीरे धीरे आके क्या करूँगी, टैबलेट वाले इस पर आऊँगी, क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है ना? जैसे मैंने लिखा था टैबलेट यानी कि SM पर क्या आ जाएगा, MD के बाद मुझे क्या आया, यानी कि MD यानी कि ब्राउजर पर थी, अब तक ग्रीन दिखा, ठीक है? और छोटा करने पर यानी कि अब मैं मोबाइल व्यू पर आऊँगी, ठीक है? ये देखो, ये मोबाइल व्यू यहाँ से स्टार्ट है मेरा, तो मोबाइल व्यू पर मेरा क्या आ रहा है,
रेड कलर आ रहा है, यानी कि यहाँ से मेरा मोबाइल व्यू का स्टार्टअप हो गया, जो एंड तक मुझे रेड कलर ही दिखेगा। देख रहे हो, अभी धीरे धीरे मैं बढ़ाती हूँ, टैबलेट पर आती हूँ तो टैबलेट पर मुझे ब्लू दिख रहा है। ये देखो, यहाँ से मेरा ब्लू स्टार्ट हो जाता है और ये है टैबलेट का, ओके। और धीरे धीरे मैं ब्राउज़र पर आती हूँ, ये है ब्राउज़र जहाँ से मुझे स्टार्ट हो चुका है ब्राउज़र पर, ओके, तो ग्रीन दिख रहा है। तो देखा, ये है रिस्पॉन्सिवनेस। तो ऐसे आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है आपका पूरा वेबसाइट, ओके। आई होप आपको ना ये क्लियर हो गया होगा, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिवनेस, इस पर समझना, ओके। तो वैसे तो हम आगे जाके एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो तब तो प्रॉपर आ जाएगा, छोड़ो, लेकिन अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ठीक है फिर। तो सिंपल मैंने H1 टैग के अंदर हाई श्रुति लिखा है और टिल्विन CSS का कुछ मैंने प्रॉपर्टीज ऐड करे, ओके, CSS के अंदर, ठीक है। ये इमेज का जो फोल्डर था उसको भी हम रिमूव करेंगे। अभी ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, हाई श्रुति वेलकम बोल के। अब मैं ये इमेज का फोल्डर डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। समझो मेरे पास अभी सिंपल सा एक वेबसाइट है जो हम एज इट इज स्ट्रक्चर रखते हैं, ओके। जैसे देखो, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है और SRC फाइल के अंदर हमारे पास चार फाइल्स है, ओके, हाँ एज इट इज़। और उसके अंदर देखो index.js और app.js हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, और app.js के अंदर जो भी मैं लिख रही हूँ वही मुझे फ्रंट एंड में वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें मैंने हाय श्रुति वेलकम लिखा था, ये मुझे हाय श्रुति वेलकम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। तो आज हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज ही हम वेबसाइट बनाएंगे ना, तो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत सिंपल। हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो सिंपल ही हम देखेंगे, ओके, टिल्विन CSS के यूज करके, ठीक है। तो सिंपली मैं SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाना है आपको, एक बार मैं सारे क्लोज कर देती हूँ टैब्स जो भी ओपन थे, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर देते, तो आप राइट क्लिक करके भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और ऊपर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एसेट का एक फोल्डर क्रिएट करूँ जिसके अंदर हमारे सारे इमेजेस रहेंगे, ओके, जो भी इंपोर्टेड, यानी कि जो भी इंपोर्टेड इमेजेस हम यूज़ करेंगे, जैसे बैनर हो गया, कुछ भी इमेज हमें चाहिए, तो वो सारे इमेजेस हम कहाँ रखेंगे, SRC फोल्डर के अंदर, एसेट फाइल के अंदर, ठीक है। एसेट यानी कि इमेजेस का फोल्डर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट हम फोल्डर क्रिएट करते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पास कंपोनेंट्स, ओके, तो हम इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे जो मल्टीपल मल्टी यूज़ के लिए होता है। जैसे कि देखो, हम कंपोनेंट्स कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कार्ड कंपोनेंट हो गया, बटन कंपोनेंट, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो मल्टीपल बार यूज़ होने वाला है, उसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं। जैसे हेडर और फुटर भी हमारे कंपोनेंट में आते हैं क्योंकि वो मल्टीपल पेजेस में यूज़ होता है ना, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे पेजेस बोल के, जो हमारे मेन पेजेस रहेंगे, जैसे कि होम पेज, प्रोडक्ट पेज, ये अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐसे पेजेस सारे एक ही बार हमें डिस्प्ले करने हैं वो सारे पेजेस। तो इस तरीके वाले पेजेस को हम एज अ पेजेस के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, हमें सिर्फ तीन फाइल चाहिए, एसेट, कंपोनेंट्स, पेजेस, अभी के लिए स्टैटिक वेबसाइट के लिए, ठीक है, इतना याद रखना आप, ओके। इसके अंदर उसके रिलेटेड हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अभी हमें एसेट के अंदर सिंपली हमें इमेजेस रखना है, मैंने बोला था वो सिर्फ इमेजेस रखने के लिए यूज़ करना, ओके। कंपोनेंट्स के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल बोला था हेडर और फुटर, जो मल्टीपल टाइम्स हमें हर पेजेस में लगने वाला है, तो उसको एज अ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ना। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद उसको वर्क हम एज अ यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके क्रिएट कर देती हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर सिंपली आपको हर बार आपको क्या लिखना है, एक्सटेंशन रहेगा हमारा JS, ओके। तो देखो, सबसे पहले याद रखो, हर बार आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो आपको कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, ओके। फिर हम यहाँ पर फुटर भी, footer.js भी क्रिएट करेंगे। जैसे हेडर और फुटर हमारे दो कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब पेजेस की बारी, तो पेजेस के अंदर भी हमारे पास फाइल्स चाहिए ना, जो हमारा होम पेज रहेगा या अबाउट पेज रहेगा या कॉन्टैक्ट पेज रहेगा, जितने भी पेजेस रहेंगे जो मेन आपको मेन्यू में दिखाने हैं वो पेजेस आप यहाँ पे क्रिएट कर देना, ठीक है। मेन्यू में या हाइड भी आप रख सकते हो कहीं पर भी, लेकिन मेन पेजेस जो रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट तो home.js, ओके, तो सबसे पहले होम पेज हमारा रहेगा। सेकंड हम और कौन सा बना सकते हैं, अबाउट हम बनाएंगे, ठीक है। तो सर्विसेज भी आप बना सकते हो, जैसे अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रैंडम से बना के रख रही हूँ, सिर्फ हम स्टैटिक का बना रहे हैं, उतना कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका, अगर आप एज अ स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट डॉट जेएस भी
फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इतना कुछ हमने फाइल क्रिएट कर दिया, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और भी लगेंगे तब हम क्रिएट कर देंगे, जैसे सर्विसेज वगैरह वो चीज़ें हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे पेजेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले होम पेज आता है, ठीक है। इन सभी को देखो, पहले तो कॉल करना पड़ेगा ना मुझे, कहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, ऐप डॉट जे एस में, यानी कि इन कंपोनेंट को मुझे कॉल करके फिर मुझे इनका यूज़ करना पड़ेगा ना। ये कंपोनेंट्स या ये पेजेस मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक्सेस करने पड़ेगा, तो वो कहाँ पर एक्सेस करूँगी, दिखने के लिए फ्रंट पेज पर। तो वो मेरा अभी ऐप डॉट जे एस के अंदर मुझे हाई श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर मुझे मेरे जो भी पेजेस है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताती हूँ। जैसे मैंने हाई श्रुति निकाल दिया, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली कंपोनेंट्स के अंदर का हेडर और फुटर कॉल करना है, कहाँ पर, ऐप डॉट जे एस के अंदर, और उसी के साथ क्या, पेजेस के अंदर का होम भी मुझे यहीं पर कॉल करना है। क्यों मुझे हेडर फुटर कॉल करना है, क्योंकि मुझे जैसे मैं अपने एप्लीकेशन पर आऊँ तो मुझे हेडर का हेडिंग मुझे नेवबार दिखना चाहिए। हेडर के अंदर हम क्या लिखने वाले, हेडर डॉट जे एस के अंदर हम नेवबार का पूरा कोड लिखेंगे, फुटर के अंदर फुटर का कोड लिखेंगे, होम के अंदर बीच के सेक्शन का कोड लिखेंगे। तो जैसे मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो सबसे पहले मुझे फ्रंट पेज ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए कि हेडर, होम पेज, फिर लास्ट में फुटर, ठीक है। तो अभी मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ हेडर को, ठीक है। तो देखो, हेडर को इंपोर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, देखो इंपोर्ट करना है, हेडर करना है, फ्रॉम करना है और उसका पाथ दे देना है, ठीक है। यहाँ पर हेडर लिखा है, यहाँ पे नीचे हेडर्स करा था मैंने तो इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। अभी इसी तरह मुझे फुटर भी कॉल करना है, तो बस फिर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, है ना, तीन बार कर देती हूँ, होम पेज भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पर फुटर कर देते हैं, ठीक है। तो हमने फुटर को भी कॉल कर दिया, फिर अभी लास्ट है हमारे पास होम, यानी कि मुझे स्टैटिक पेज में तीन चीज़ें तो बुला मतलब कॉल करनी ही करनी है, जैसे हेडर, फुटर और होम, ठीक है। ठीक है, मैं होम का पाथ चेंज कर दूँ एक्चुअली, ओके, क्योंकि वो अलग पेजेस में है ना, यानी कि अलग फोल्डर में है, पेजेस फोल्डर के अंदर होम डॉट जे एस पेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं इन तीनों को कॉल कर देती हूँ, तो सबसे पहले मुझे हेडर कॉल करना है कंपोनेंट, उसके बाद मुझे होम कंपोनेंट कॉल करना है, उसके बाद मुझे फुटर कंपोनेंट कॉल करना है ना। यानी कि जब भी मैं हेडर, यानी कि हेडर में क्या होगा, कोड हमारा नेवबार का कोड होगा, फुटर में हमारा फुटर का कोड होगा, होम के अंदर हमारा पूरे सेक्शन के कोड रहेंगे, जो भी हमें डिस्प्ले करने हैं, जैसे हमारा कुछ भी टेक्स्ट हो जाए, बैकग्राउंड हो जाए, कुछ भी फ्रंट पेज में हम दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम होम में लिखेंगे। आ गए आपको समझ में, जैसे हम यहाँ पे बेसिक स्टैटिक में हम इस तरीके से हमने इसको कॉल कर दिया, यानी कि कंपोनेंट्स को कॉल कर दिया, ठीक है। तो हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे बहुत ही इजीली, ओके, इसलिए यहाँ पे राउटर का अगर काम नहीं कर रही हूँ मैं, ओके। बाद में आपको सारी चीज़ें रिएक्ट में मैं स्पेसिफिक उनके उनके टॉपिक वाइज बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ओके, एज अ स्टैटिक क्रिएट कर रहे हो तो इतना कुछ जरूरत नहीं है आपको, ऐसे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है आप। चलो ठीक है, तो फिर देखो अभी हमारे पास हेडर, होम और फुटर हमारे तीनों कंपोनेंट कॉल हो चुके हैं, ठीक है, ऐप डॉट जे एस में, क्योंकि ऐप डॉट जे एस हमारा फ्रंट पेज है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर उनको उन कंपोनेंट को कॉल कर दिया। अब मुझे कोड लिखना है बेसिक, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हेडर में जाके एक नेवबार क्रिएट करेंगे जो रिस्पॉन्सिव रहेगा, ओके। टेलविन सी एस एस का यूज़ करके हम एक रिस्पॉन्सिव नेवबार बनाने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे हम बना ही लेंगे, मुझे पता है, आप बस एंड तक वीडियो देखना, अगर स्किप करोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको ना कोई भी, अगर हम क्लासेस लेते हैं कुछ भी लेते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि वो क्लासेस कैसे वर्क करते हैं बोल के, ठीक है। हम बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन ठीक है। चलो फिर मैं हेडर डॉट जे एस के अंदर आ गई, यानी कि अभी मैं यहाँ से नेवबार का पूरा करूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, इस हेडर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट करा है ऐप डॉट जे एस के अंदर, फिर तो मुझे एरर देता था ना वो, अब तक क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मतलब अगर मैं कोड लिखती हुई थी डायरेक्ट HTML का तो वर्क नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस फाइल को, तब तक हमें डिस्प्ले नहीं होगा ऐप डॉट जे एस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है हेडर नेम से, सेम फाइल नेम का ही मैंने नेम एज अ फंक्शन क्रिएट करा है। रिटर्न के अंदर अभी के लिए यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो कुछ भी, ओके, रिटर्न के अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इंपोर्ट ऑलरेडी करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट लिख देना आप हर बार, एक डिफ़ॉल्ट आपके क्लास में होना ही चाहिए, ओके, डिफ़ॉल्ट लिख देंगे, और एज इट इज़ फंक्शन का नेम हेडर, ठीक है, हो गया अभी ये विदाउट एनी एरर। चलो अच्छा है, इसी को मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे जितने भी हमने जैसे कॉल करा है फुटर को भी हम यही रखते हैं, ठीक है, एक साथ ही हेडर हेडर सिलेक्ट करके मैंने इसको फुटर कर देती हूँ, ठीक है। तो
तो हमने फुटर का भी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसी की तरह होम को भी कर देते, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ H1 के अंदर, ओके। जैसे ये फुटर है तो फुटर लिख देते ताकि हमें समझ में तो आए, फ्रंट पेज में हमें डिस्प्ले तो हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फुटर लिख दिया, यहाँ पर मैं हेडर लिख देती हूँ, यही कॉपी कर लेती हूँ यहीं से, ठीक है, ओके। इसी पूरे फाइल को, मतलब इसी पूरे कोड को मैं कॉपी करके होम के अंदर भी डालती हूँ, क्योंकि हमने इसको कॉल करा है ना, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो तीनों को सिलेक्ट कर देती हूँ, हेडर एक साथ कंट्रोल डी प्रेस करके और होम डाल देती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं रिफ्रेश करके। ये देखो, सबसे पहले मुझे हेडर आ गया, उसके बाद होम आ गया, उसके बाद फुटर आ गया। तो देखा, हमारा कुछ इसी तरीके से हमने डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम हेडर के अंदर एक न्यू बार रहेगा, होम के अंदर हमारे सारे सेक्शंस रहेंगे, फुटर के अंदर हमारा फुटर रहने वाला है, ठीक है। एक वेबसाइट बनाने का, एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम टेलविन सीएसएस के बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप कर रहे हो लाइक रिएक्ट पर या टेलविन सीएसएस पर वर्क पहली बार, तो देखो सबसे पहले कुछ एक्सटेंशन है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो, सबसे पहले एक इंस्टॉलेशन रहता है लाइव सर्वर, ओके। तो जैसे ही मैं लाइक विदाउट एनी रीलोड में अगर बिल्ड करना चाहती हूँ, मेरा पूरा जो भी प्रोजेक्ट चल रहे ना, एज इट इज़ लाइक चलता रहे, तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, एक एक्सटेंशन रहता है, ओके। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। सिंपली आपको एक्सटेंशन पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आप इसको लाइव सर्वर बोल के आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आपको लिखना है लाइव सर्वर को, तो ऑलरेडी ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए मेरे पास डिसेबल या अनइंस्टॉल का आ रहा है। तो अब इसको इंस्टॉल कर देना अपने साइड से, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो इस वजह से क्या होगा, आपको बार बार ना आपको लाइक रीलोड या उसको npm स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से यूज़ होता है। तो मैं बार बार लाइक npm स्टार्ट कहाँ करती हूँ, ऑटोमेटिकली वो रीलोड हो जाता है ना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक कोड को सेव कर देती हूँ, तो इस कारण हो रहा है, ओके। तो ये आप कर देना अपने साइड में अगर नहीं हो रहा होगा तो, ठीक है। ये एक्सटेंशन आप कर देना लाइक इंस्टॉल, ओके। तो एक और एक्सटेंशन है जो टेलविन सीएसएस का यूज़ कर सकते हो आप, ओके। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप टेलविन सीएसएस के जो भी क्लासेस या प्रॉपर्टीज यूज़ करोगे, तो ऑटो आपका फिल हो जाता है ना, ऑटो सजेशन देता है। तो इस वजह से ये वाला एक टेलविन सीएसएस का आप यूज़ कर सकते हो, जो है मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो देखो, टेलविन सीएसएस इंटेलिजेंस, ओके। तो ये वाला एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर देना, ये मेरे पास नहीं था। जब भी आप टेलविन सीएसएस पर एज अ वर्क करना चाहते हो तो इसको एक इंस्टॉल कर देना, ये ऑटो सजेस्ट करता है तो बेटर आपको लगता है, आपको ना बार बार मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ऑटो सजेस्ट देता है तो आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ बाबा, यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, तो इससे आप बेटर ये कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये दो एक्सटेंशन अगर आपके पास नहीं होंगे तो इंस्टॉल कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं H1 टैग के अंदर मैं ले रही हूँ कुछ ऐसे ही टेक्स्ट, ओके। यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देते, क्लास नेम, तो यहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ जैसे टेक्स्ट कलर दे देते हैं, तो टेक्स्ट ब्लू और हाइपन करके मेरे को वहाँ पे लाइक उसका कलर कोड देना पड़ेगा, है ना। मतलब 200, 500 और जितना आपका लाइक कलर डार्केस्ट चाहिए उतना आपको दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो, उसके सामने कलर का एक लाइक ये आ गया है ना, तो ऐसा आपको समझ में आता है कि हमने कलर दिया है बोल के। तो ये एक ऐसा आपको बता देता है, मतलब टेलविन सीएसएस का और भी है, ऑटो सजेशन भी देता है, वो बाद में देगा, जब आप एक बार में दो बार में यही चीज़ें रिटर्न जब आप ऐड करोगे ना, तब से वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, हाय मैंने लिखा तो ब्लू कलर में मुझे वो टेलविन सीएसएस का जो भी मैंने लिखा था वो आ गया, ठीक है। एक और दो तीन हमारे पास सेटिंग्स हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक tailwind.config.js बोल के फाइल हमारे पास आ गया था जब हम इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंटेंट का तो देखा था, यहाँ पर देखो थीम भी हमारे पास मिलती है, यहाँ पर हम एक्सटेंड्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सटेंड्स ऐड करते हैं, जैसे कि हम कलर कोड, हम अपना खुद का कलर कोड एज अ यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, कलर डालती हूँ, कलर के अंदर मैं यहाँ पे की और वैल्यू देना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक की देती हूँ जैसे प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल कोट या डबल कोट में आप प्राइमरी दे दो और उसका कलर दे दो। जैसे मैं यहाँ पे, जब भी मैं यहाँ पे प्राइमरी ऐसा लिखूँ कलर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लाइक ठीक है रेड कलर में डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड कलर दे देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रेड आ गया। मैं इसका कोड दिखा देती हूँ, ठीक है। तो
तो मैंने क्या किया, हेडर डॉट जेएस के अंदर देखो क्लास नेम मैंने टेक्स्ट प्राइमरी लिखा, यानी कि मैंने डायरेक्ट एक कस्टमाइज कलर को ही कॉल कर दिया। तो बेसिक आपका क्या करना है, जब भी आपको टेक्स्ट प्राइमरी लिखोगे यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पर आके एक बार वो देख लेगा, मतलब यहाँ से वो एक्सेस करेगा कि प्राइमरी यानी कि रेड कलर देना है, तो वो रेड कलर कर दिया उसने उस टेक्स्ट को। तो देखा ऐसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कलर मल्टीपल भी दे सकते हो, जैसे मैं अभी कॉमा दे के फिर से दूसरा कलर भी दे सकती हूँ, या तो यहाँ पर मैं कुछ अलग कर देती हूँ, कलर ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कॉल करा है उसको, तो यहाँ पर देखो कॉल ग्रीन कलर हो गया टेक्स्ट का, ठीक है, कॉल हो गया। तो देखा मतलब इजी है ना। वैसे अगर आप चाहते हो कि एक स्टैटिक सा एक कोई तो कस्टमाइज कलर आपके पास हो, जो आप फर्स्ट लाइक सेकेंडरी और प्राइमरी आप ऐसे देना चाहते हो, जैसे एक रहता है ना बैकग्राउंड कलर यही होना और टेक्स्ट का कलर यही होना एक चीज़ को, तो आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो और इसी को सिर्फ आपको कॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी लिख रही हूँ और सेकेंडरी कलर हमारा रहेगा जैसे कुछ भी दे सकते हो, मैं ब्लू दे देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिंपल आपको क्या करना है, कॉल सेकेंडरी करना है, ठीक है, टेक्स्ट हाइपन सेकेंडरी करोगे तो वहाँ पे ब्लू कलर लग जाएगा उसको। अभी क्या हो रहा है, ग्रीन कलर लग गया क्योंकि हमारा प्राइमरी कलर ग्रीन है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा के सेकेंडरी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो ऐसे आपका लाइक आप एक खुद का कस्टमाइज कलर यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, 2 3 4 जितने चाहिए उतने आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। इसी के साथ आप जैसे फॉन्ट फैमिली भी यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपना एक ऐसा रहता है ना कि यही फॉन्ट फैमिली मुझे सारे इसमें यूज़ करने, तो उसको को बार बार मैं कहाँ पे कॉल करूँ, तो इससे बेटर है ऐसा आप क्रिएट कर देना, कस्टमाइज़ कर देना कि यही फॉन्ट फैमिली बोल के, तो उसके अंदर भी प्राइमरी एज अ प्राइमरी आप दे सकते हो। हाँ एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे प्राइमरी दे रही हूँ इसका मतलब आपको प्राइमरी देना है, ये की और वैल्यू है। की आप कुछ भी दे सकते हो, श्रुति दे दो, प्रीति दे दो, प्रतीक्षा दे दो, कुछ भी दे दो, और वैल्यू जो रहती है ना वो एक्चुअल दे दो। जैसे कि फॉन्ट फैमिली की नेम्स क्या क्या रहते हैं वही नेम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे मैंने कलर के अंदर देखो प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ पे कुछ भी दे दो, श्रुति प्रीति, लेकिन कलर क्या दिया है, वैल्यू क्या दिया है, ग्रीन और ब्लू, वो ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि उसके रिलेटेड। जैसे आपने कॉल करा है कि एट्रीब्यूट कलर्स, तो उसी रिलेटेड आपने वहाँ पे उस की के सामने वैल्यूज दिए, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी में ऐसे रैंडम सा कुछ भी दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना मन से दे दो, नेम दे दो, ABCD दे दो, कुछ भी दे दो, सिर्फ आपको वहाँ पे टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट को कॉल करना है यानी कि एक कलर को कॉल करना है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट हाइपन ये प्राइमरी लिख दोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, टेक्स्ट हाइपन सेकेंडरी करोगे तो ब्लू हो जाएगा। उसी जगह अगर फाउंट फैमिली यूज़ कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, तो टेक्स्ट ऑर्डर ना लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फाउंट लिखोगे, फाउंट हाइपन प्राइमरी लिखोगे, जो भी प्राइमरी की वैल्यू रहेगी। जैसे अभी मैं प्राइमरी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या कैसे रखना मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना आपको कॉल कैसे करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करने वाले, फाउंट फैमिली जो है यानी कि फाउंट जो है ना वो हम गूगल से डाउनलोड करेंगे। यानी कि देखो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना, अगर समझो इन केस आपको फाउंट के नेम्स पता नहीं, ओके, तो आप क्या करोगे, गूगल पर जाकर सर्च करोगे मुझे पसंद है, उसको अप्लाई कैसे करना है आपको पता नहीं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है इसको। देखो क्या करना है आपको, क्रोम ब्राउजर पर जाना है, चलो चलते हैं फिर, चलो न्यू टैब पर हम चलते हैं। सिंपल यहाँ पर आप लिख दो फाउंट बोल के, या तो गूगल फाउंट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिंपल सा आपको लिखना है फॉन्ट गूगल या गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, आ गए, सबसे पहले आ जाता है, देखो गूगल फॉन्ट्स बोल के इसके अंदर चलते हैं फिर। ये क्या हो गया, ठीक है, ये नीचे वाले में चलते हैं, ठीक है, ओके, उसको क्लोज कर दिया सर्च वाले में। यहाँ पर आपके पास कितने सारे आ जाते हैं, देखो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे रोबोस्ट है और ये बहुत सारे कितने सारे नेम्स है यहाँ पे, देखो ये आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पॉपिंस है और ये बहुत सारे हैं, इनमें से आप जैसे आपको पसंद है वो वाला कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला जो भी है, ओके, तो मुझे ये चाहिए, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, तो यहाँ पे आने के बाद इसको एज इट इज़ आप नेम सेव भी कर सकते हो, मतलब कॉपी भी कर सकते हो, आप इसका नेम यहाँ से भी कॉपी कर देना, ठीक है। यहाँ पर साइड में देखो आपके पास गेट फाउंट बोल के यहाँ पर आपके पास मिल रहा है, ठीक है, ये बटन, इसको क्लिक कर देना, और यहाँ पर देखो आपके पास आ रहा है गेट एम्बेड कोड, ओके, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट करने के बाद गेट एम्बेड पर क्लिक कर देना है। इसी के साइड में यहाँ पे इम्पोर्ट भी मिल रहा है, देखो ये इम्पोर्ट भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आपको सिंपली ये इम्पोर्ट का पूरा देखो कोड जो भी मिल रहा है स्टाइल टैग के अंदर का, उसको यहाँ से कॉपी करना है, ना कि स्टाइल टैग के साथ, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर दिया। और आपको कहाँ डालना है, ये index.css जो हमारा ग्लोबल css है, आपको बताया ना ग्लोबल css कौन सा है, index.css, तो इस पर लेके आना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखो इम्पोर्ट वाइज हमने इसको
पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव कर दो इसको एज इट इज। ठीक है, हमारे पास ये फाउंट आ गया। ओके, सिंपल, कितना इजी ने हमने एक फाउंट को एक्सेस भी कर लिया और इसको इंपोर्ट भी कर लिया, देखा। तो अब इसका यूज़ करना है एक्चुअली। ओके, तो यूज़ कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो रिटर्न चलते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पे नीचे CSS यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो इसका जो नेम है, ओके, यहाँ पे नीचे ही आपको मिल रहा है CSS बोल के, ठीक है। यहाँ पर फाउंट फैमिली उसका नेम दिख रहा है, OS वर्ड बोल के, ओके, ये वाला, ठीक है, यही था ना, हमने यही देखे तो इसको ले लिया था। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते फिर, सिंपल। और हमारा जो कॉन्फिग फाइल है ना टेलविन का, यहाँ पर ले आके डाल देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, यहाँ पे प्राइमरी जब भी डालोगे ये वाला फॉन्ट उसको लग जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्लाउड लाइक नेट अगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो ये वर्क नहीं होता है प्रॉपर, तो इसलिए हम डबल डबल देते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो देखो, अगर इसको मिल जाता है तो ये ले ले, अगर इसको नहीं मिल जाता है यानी कि ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है उसको आने में, तो तब तक तो कुछ डिस्प्ले होना चाहिए ना, कोई तो फॉन्ट लेके उसको डिस्प्ले करना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको कॉमा देके लाइक डिफॉल्ट आपको एक लाइक एक डिफॉल्ट आपको उसका नेम देना है फाउंट फैमिली का, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूँ कि सेंस सीरी बोल के, ठीक है, सेंस सीरी, सॉरी एफ डालना भूल गई, चलो ठीक है डाल दूंगी मैं। तो ये देखा, मतलब एक डिफॉल्ट, ओके, जब भी मैं प्राइमरी कॉल करूंगी यानी कि फाउंट हाइपन प्राइमरी करूंगी तो ये कॉल हो जाएगा। अगर उसको नेट मिल रहा है गूगल से, उसको वो मिल रहा है वो वाला फाउंट, तो वो डिस्प्ले करेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट वाला वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी आती हूँ मैं यहाँ पर, रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी मैं क्या कर देती हूँ, इसको कॉल कर देती हूँ फिर सिंपली। ओके, क्या करना है हमको, प्राइमरी कॉल करना है ना कि वो की, ओके, लाइक वो नेम करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल, मैं यहाँ से प्राइमरी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, ये कोई ये नहीं है। ओके, आप जितने चाहे उतने लिख सकते हो। तो प्राइमरी फाउंट ऐसा कर दिया क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी आप कन्फ्यूज हो जाए, मैंने जैसे बोला था आप ऐसा कुछ भी नेम दे सकते हो इसका, ठीक है। तो ये देखो, सिंपल से मैंने फाउंट प्राइमरी लिख दिया। अभी आके यहाँ पे रिफ्रेश करते तो देखो, ये ऊपर का जो फाउंट मैंने प्राइमरी करा था तो इसको कैसे लाइक डिस्प्ले हो रहा है, हमारे बाय डिफॉल्ट कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं होम और फुटर, और ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है, देखा। तो इतना आसान है यार, मतलब एक अगर आपको गूगल फाउंट को यूज़ करना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये हमने लाइक टेलविन CSS के अंदर एज अ कस्टमाइज एक प्राइमरी लाइक फाउंट क्रिएट करा है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी ले सकते हो लाइक कस्टमाइज करके भी, या आप डायरेक्ट उसको फाउंट के साथ वैसे भी ले सकते हो उसका नेम देके, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे लेना है आपको, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ कि ये हेडिंग के लिए सब जगह पे ये यूज़ हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कस्टमाइज लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए ये मैंने करा था, ठीक है, मतलब ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी मुझे अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। चलो, तो सबसे पहले हम नेव बार को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो नेव का टैग ओपन कर लेते हैं, नेव का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेव बार का नेव टैग ओपन कर लिया, इसके अंदर हम सारी चीज़ें कॉल करेंगे जो भी हमारा नेव बार का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं उसके अंदर ना, तो बेसिक है ना। तो चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा लोगो रखना चाहते हैं नेव बार के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास एक लोगो है ही नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, फाउंट ऑसम पर चलती हूँ और वहाँ से मैं एक लोगो ले लेती हूँ यानी कि एक आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर लिखना है फाउंट ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओगे, देन ये फ्रंट आपको पहले ही मिल जाता है, फ्रंट वाला फर्स्ट वाला जो भी है उस पर लिंक पर चले जाना आप, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास लाइक गेट स्टार्टेड भी मिल जाता है, या तो आइकॉन्स भी मिल जाते हैं न्यू बार में, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आइकॉन्स पर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ्री आइकॉन्स भी मिलेंगे और प्रो आइकॉन्स भी मिलेंगे, हम फ्री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। बेसिकली सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ इसका CDN लिंक हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या लिखना है, देखो न्यू टैब पर चलते हैं, फाउंट ऑसम CDN लिंक बोल के आपको डालना है न्यू टैब के अंदर, ठीक है। CDN लिंक, तो इसका भी फर्स्ट आपके पास एक लिंक आ जाता है, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट लिंक पर ही आपको जाना है, लाइब्रेरीज लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसका कुछ इंटरफेस ऐसा डिस्प्ले होगा, तो फर्स्ट इसमें ही आके आपका फर्स्ट लिंक जो लेटेस्ट में चल रहा है उसी को कॉपी करना है, ओके। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। तो इसको कहाँ पे डालना है, तो इसको डालना है हमें index.html के अंदर, यानी कि जब भी आप अगर लिंक कॉपी करते हो तो आपको डालना है index.html फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे हेडर के अंदर हम डालते हैं html के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पर भी index.html के अंदर डालना है, जो है पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लाइक कमेंट करके फाउंट ऑसम CDN लिंक ऐसा बोल के, ठीक है, या तो फाउंट ऑसम इतना लिख दो और पेस्ट कर दो। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, लाइक सिर्फ लिंक आ गया क्या,
ओके तो रिटर्न चलते हैं, रिटर्न जाके वहां से डायरेक्ट हम लिंक टैग में से भी लिंक ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये कोड पर आ रहा है ना, इसको क्लिक कर देना। ओके तो इस पर अभी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिंक टैग के अंदर ही आपको मिल रहा है। तो मतलब देखा, इतना इजीली हमने कॉपी पेस्ट भी कर दिया और हमारा सीडीएन लिंक भी वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक आइकॉन समझो यहाँ पर आते हैं, फिर एक आइकॉन मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से अभी। चलो ठीक है, मुझे ये आइकॉन लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं सिंपल सा। तो क्लिक करने में ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपके पास मिल जाता है ये देखो कोड, या तो आपको HTML में मिलेगा या तो आपको रिएक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो हम HTML में जाते हैं, सिंपल सा HTML में हम आई टैग के अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके मैं देख भी सकती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखो हमें मिल रहा है। तो बेसिकली आप HTML का यूज़ करके CDN में से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, CDN लिंक का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तो हम यूज़ करते ही है ना, हम बूटस्ट्रैप के अंदर भी ऐसे तो यूज़ करते हैं, क्या पता हम रिएक्ट के अंदर कैसे करें कि रिएक्ट का यूज़ करके इम्पोर्ट वगैरह करके, तो वो भी तो आपको जानना ज़रूरी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट का भी ऑप्शन है, आप रिएक्ट में भी हम इसको फॉन्ट को लाइक फॉन्ट ऑसम के सारे आइकॉन्स को ले सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको अभी ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को हटाने का क्या मतलब कैसा तरीका है, वो सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप रिएक्ट में करना चाहते हो तो रिएक्ट का ही यूज़ करोगे ना कि लाइक ऐसा CDN लिंक वगैरह यूज़ करके। ठीक है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, सिंपल आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे रिएक्ट के अंदर अगर फॉन्ट ऑसम के आइकॉन यूज़ करना है तो आपके पास दो तरीके, एक है ग्लोबल इंपोर्ट और सेकेंड है इंडिविजुअल। ओके, तो हम सिंपली इंडिविजुअल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इंडिविजुअल यूज़ होता है, तो कैसे करना मैं आपको बताऊंगी। ग्लोबल भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन इंडिविजुअल भी यूज़ करना। ठीक है, तो देखो दोनों भी सेम ही तरीके। ठीक है, कुछ छोटे मोटे चीज़ें छोड़ो। तो देखो यहाँ पर अभी आपको ना सिंपली अगर हम HTML में जैसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप इंडिविजुअल या ग्लोबल में कोई भी एक कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको सेटअप भी तो करना पड़ेगा। जैसे हम CDN लिंक का, अगर हम CDN यूज़ करते हैं तो CDN लिंक हम सबसे पहले डालते हैं, तभी तो हमें आइकॉन डिस्प्ले होते हैं। तो हमें अगर रिएक्ट का यूज़ करना है तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, हमें भी इसका CDN लिंक डालना पड़ेगा क्या, तो वही देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, न्यू पर टैब पर चलो और यहाँ पे लिखो फाउंड ऑसम इन रिएक्ट। ओके, सिंपल सा आपको लिखना है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट लिंक जो भी आता है आपको उसको ओपन करना है। तो फर्स्ट लिंक कैसा आएगा मैं आपको बताती हूँ, ये देखो रिएक्ट फाउंड ऑसम डॉक्स। ओके, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आपको बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बेसिक मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी। लाइको आप इतना पढ़ते मत बैठो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा कर देना। ठीक है, तो देखो जैसे मैं क्लिक कर देती हूँ यहाँ पर आ जाती हूँ रिएक्ट पर गेट स्टार्टेड पर। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ बोला जाता है कि NPM के अंदर तीन पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जब भी आपको फॉन्ट ऑसम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को हम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक है, एंड तीनों को एक साथ आप इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, वन बाय वन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कॉपी मत करना। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं, एक को इंस्टॉल कर मतलब एक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हमारा जो टर्मिनल ओपन है ना उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबा के क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एज इट इज क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम वन बाय वन चेक कर रहे हैं तो कितना जाएगा कितना आएगा देखने में आता है। ठीक है, एंटर हिट कर दिया, तो देखो थोड़े से टाइम में मेरा ये इंस्टॉलेशन हो भी जाता है। ठीक है, उतना कुछ टाइम नहीं लगेगा आपका भी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा ही। तो ये देखो हो भी गया, कितनी जल्दी है ना। तो सेकंड हम करते हैं अभी। ठीक है, ये नेट पर डिपेंड करता है, आपका नेट कितना स्पीड है उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो मेरा मिड लेवल पर ही रहता है, तो जल्दी हो रहा है तब भी, यानी कि इतना पैकेजेस का कोई है नहीं इसका इशू। ओके, इतना टाइम लग सकती है वैसा कुछ। ठीक है, ये भी हो गया देखो, एंड थर्ड आते हैं। ठीक है, ये वाले थर्ड पर भी आ गए, एंड इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इंडिविजुअल और ग्लोबली जो हमारे पास मिल रहे हैं ना, लाइक फाउंट ऑसम के जो आइकॉन्स हैं उनको हम यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कौन सा हमको डिस्प्ले जल्दी होता है तो उस हिसाब से आप वो भी अंदाज़ा लगा सकते हो, और कैसे आपको इम्पोर्ट करके उसको यूज़ करना है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्स के अंदर सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन तब भी देखो मैं आपको सिंपल बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ग्लोबल आपके पास मिल रहा है, इंडिविजुअल आपके पास कोड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये है हमारे पास लाइक इंडिविजुअल। ओके, ये जब भी आपको आइकॉन और लाइक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है तो इसको इंडिविजुअल बोलना है, और ये जो है वो ग्लोबल है। ठीक है, मैंने ग्लोबल यहाँ पर डाला है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, इम्पोर्ट करा है फाउंट ऑसम आइकॉन को। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम कहाँ से हुआ है, वो @fountawesome/react-fountawesome। तो देखो ये आपको इम्पोर्ट करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एरर चला जाएगा 7 नंबर पर, या तो आपको एरर आ जाएगा, ये ऑटो फिल हुआ है तो इसलिए मेरा जल्दी जल्दी में आपको समझ में नहीं आया कि मैंने वो इम्पोर्ट करा है। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये वाला डिटो एज इट इज मेरी तरह ही लिखना है अगर आप फाउंट ऑसम आइकॉन यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, ये ग्लोबल हम आइकॉन अगर यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है,
तो अगर अभी मैं जाके देखती हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे लाइक आइकॉन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी मेरा ये लाइक कांट रीच दिस पेज, क्योंकि हमने एनपीएम स्टार्ट हमने रोक दिया था ना, एनपीएम स्टार्ट तो हमने किया ही नहीं था, ठीक है। फिर से एनपीएम स्टार्ट मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी फिर से वो रन हो रहा है, यानी कि रिलोड हो रहा है पेज हमारा, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा। थोड़ा सा वेट करते हैं फिर, ठीक है। के तो यहाँ पे रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो होम और फुटर दिख रहा है हमें, हमारा आइकॉन नहीं दिख रहा है न्यू बार में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ग्लोबली वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल वाला जो था ना उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वो वर्क होता है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए, देन अभी अभी हमने इसको कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो रिया के अंदर, तो अभी इंडिविजुअल पर आते हैं और यहाँ से ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ क्लिक करना है और कॉपी हो जाएगा, इसी के नीचे मैं डाल देती हूँ, ठीक है। ये देखो हो गया। तो अभी मुझे ये एरर दे रहा है, ये देखो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको ये एक्सेस नहीं हो रहा ना। ये क्या डाला है आपने, एक वेरिएबल डाले जैसा डाला है, लेकिन ये कहाँ पे इम्पोर्ट ही नहीं कर रहा, तो इसको एक्सेस नहीं हो रहा, तो इस वजह से एरर दे रहा है। तो इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा इस वाले फाउंट ऑसम को, यानी कि एक आइकॉन को। तो इसको कैसे इम्पोर्ट करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमने इसको लाइक इम्पोर्ट कर दिया। तो इम्पोर्ट कैसे करना है, देखो इम्पोर्ट करना है वही जो आइकॉन है आपको एज इट इज ऊपर लिखना है, ओके, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऐसे आप मल्टीपल लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से करना है, देखो एट द रेट फॉन्ट ऑसम स्लैश फ्री सॉलिड SVG आइकॉन्स, यानी कि हमने फ्री सॉलिड SVG आइकॉन्स हमने फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से लिया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ऐसे आप मल्टीपल लाइक कॉमा दे के आप कॉल कर सकते हो इसको, ठीक है। आपको समझ में आ गए, ऐसा आपको इम्पोर्ट करना है, ओके, ठीक है। तो हमारा ये एरर चला गया। तो अभी देखते हैं हम ब्राउजर पर कि हमारा ये लाइक अभी तो हमारा क्या आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो अभी मुझे ये आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है, देखा, मतलब कितना इजीली हमें ये, कितना इजीली हमें ये डिस्प्ले हो रहा है ना। मतलब कोई उतना ये नहीं है ग्लोबली हम वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली आप करोगे तो आपको डिस्प्ले होता है, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि इंडिविजुअली वो एक एक को कॉल करता है ना आइकॉन को, तो इस वजह से हमें जल्दी डिस्प्ले होता है। तो इस वजह से आप ग्लोबली की जगह इंडिविजुअली आप ऐसे कॉल कर देना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या रिमूव करना है अभी के कोड में से, मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कोड के अंदर हम आ गए, तो पहले तो हमने इंपोर्ट करा था फाउंट ऑसम आइकॉन को जो हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, अभी ये एरर देगा क्योंकि फाउंट ऑसम आइकॉन हमें यूज करना है। तो ऊपर भी हमने कॉल करा था, नीचे भी हमने कॉल करा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ग्लोबली हमने जो फाउंट ऑसम का लिंक लिया था ना, उसको हमें रिमूव करना है, यानी कि हमें 8 नंबर लाइन जो है ना उसको रिमूव करना है बेसिकली। तो उसका यूज ही नहीं है ना, सेम चीज़ें हम डबल बार लाइक कॉल कर चुके हैं, लेकिन हमारा नीचे का जो 9 नंबर का है वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन 8 नंबर का डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 8 नंबर का हमारा ग्लोबली हमने फॉन्ट आइकॉन लिया है एंड 9 नंबर का हमने इंडिविजुअली आइकॉन लिया है, ठीक है। तो इस वजह से हमें 8 नंबर का वर्क नहीं कर रहा है, तो 8 नंबर का हम हटा देते हैं और 9 नंबर का हमने ऐसा वर्क करना है, वर्क कर रहा है, और ऐसा हमको इसको इम्पोर्ट करना है। तो याद रखो ऊपर हमें 2 इम्पोर्ट करने और नीचे हमें वो जो फॉन्ट हम आइकॉन यूज कर रहे हैं उसको आइकॉन के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल हुआ रहता है, और उसको एज अ 2 नंबर पर हमने कॉल करा, वैसे आप मल्टीपल कॉल कर सकते हो, ठीक है, इतना याद रखो बस। चलो ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी नाउ के अंदर हमें क्या करना है, तो फाउंट ऑसम यानी कि एक आइकॉन तो चाहिए, हमारा लोगो तो चाहिए हमें, लेकिन बाद में चाहिए ना, जब मुझे वो लोगो लाइक डिस्प्ले करना है तब मैं उसको डिस्प्ले करूँगी, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं, ये चाहिए मुझे कोड इसलिए मैं रखी हूँ। तो नाउ हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हम नाउ बार को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है आई नो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी यार, इसी वजह से मुझे बोलना ज़रूरी लगा, क्योंकि आप अगर पूरा सीख रहे हो तो पूरा सीख लो, ये मेरा ये था, ओके। तो चलो ठीक है, नाउ के अंदर हम क्लास नेम ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो P3 करते हैं, क्योंकि जो भी हम ऐड करेंगे तो P3 हम पैडिंग दे रहे हैं, ओके, पैडिंग बूस्टर की तरह ही दे रहे हैं। फ्लेक्स हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन बोल के, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम कितने भी ड्यूस या कितने भी हम लाइक कंटेनर इसके अंदर यूज़ करेंगे तो एज अ जस्टिफाई बिटवीन रहेंगे, ठीक है। तो आइटम हम इन सभी को सेंटर कर देते हैं, और इनका बैकग्राउंड जो रहता है ना वाइट कर देते हैं। तो अब मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, बैकग्राउंड वाइट के कारण यहाँ पे जगह तो उसने ले लिया लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है, इसके अंदर जब तक हम कुछ ना लिखे तब तक, ठीक है। स्पेस तो उसने ले लिया ना, तो इस हिसाब से आपको पता है तो चल ही गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टैग लेते हैं, यहाँ पर हम HREF के अंदर अभी के लिए तो हैशटैग ही लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लिंक नहीं है। फिर इसको हम आईडी दे देते हैं एज अ ब्रांड, ओके, ये हमारा ब्रांड नेम रहेगा या ब्रांड आईडी रहेगी, ब्रांड लोगो रहेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, इस ए टैग के अंदर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स है ना, ये मुझे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं आके इसको डाल देती हूँ, ठीक है, ये देखो मैंने डाल दिया, ठीक है। ये ये जो 10 नंबर का लाइन है आप इसको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, ओके, ये ग्लोबली ये आपको वैसे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से इस 10 नंबर लाइन को आप रिमूव कर देना आपके इसमें, मैंने रख दिया, छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी डिस्प्ले हो जाए तो डिस्प्ले हो जाए, बस इसी वजह से,
देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वैसे एक पर एक एरर आ रहा है, ए पर। तो वैसे ये एरर नहीं है, वार्निंग है। चलो ठीक है, कोई वार्निंग का उतना सीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास एक आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइक इतना सा साइज में है। ठीक है, मैंने जूम करा था इसलिए बड़ा दिख रहा था। ठीक है, इसी के साथ मुझे कुछ टेक्स्ट भी चाहिए। जैसे मैं शॉप नाउ, मेरा ये वेबसाइट का नेम रखना चाहती हूँ, तो मैं शॉप नाउ यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा शॉप नाउ बोल के ये लाइक लोगो भी टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक ब्रांड लोगो हमारा बन के रेडी हो चुका है नाव के अंदर। ठीक है, ए टैग के अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, सेकेंड हम आते हैं, तो सेकेंड हम इसके अंदर ना सिंपली आईडी मैंने निकाल दिया था गलती से, तो ब्रांड और फिर से लिख देते हैं आईडी को, इन केस हमें लगा CSS लगाने की ज़रूरत है तो हम आईडी का यूज़ कर सकते, तो बस इसी वजह से। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे डे दिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी देखो बेसिकली मैं यहाँ पर क्लास नेम लिखना चाहती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा और हम ये कर देते हैं ना, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करना चाहती हूँ, तो फ्लेक्स हम यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पे गैप देना चाहती हूँ दोनों के बीच में, टू टू का, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए तो बोल के। ओके, उसके बाद आइटम हम सेंटर कर देते हैं इन दोनों को, तो मे बी ये थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले हो जाए, तो बस इसलिए। ठीक है, तो चल के देखते हैं एक बार फिर। यहाँ पर देखो कुछ बेटर लग रहा है, बस वो गैप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन बेटर लग रहा है। ठीक है, गैप ठीक है, टू दिया है हमने तो वन भी हम दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं। जो मैंने शॉप नाउ लिखा है ना, इसको मैं स्पैन टैग के अंदर लेती हूँ। मे बी इन केस मैं इसको कोई अलग क्लास नेम रखना चाहती हूँ तो इसके अंदर रख दूँ, है ना, तो क्लास नेम रख देते हैं इसके अंदर। तो क्लास नेम हम जैसे रख देते हैं लाइक ये टेक्स्ट बोल्ड रहे, ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, आके देखते हैं, ये देखो प्रॉपर अभी एक प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है जैसे हमारे लोगों के साथ। ठीक है, और गैप भी मैं जैसे बोला था लाइक गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको लाइक गैप हटा ही देते हैं। ठीक है, तो गैप हटाने के बाद ये मिलके थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वैसे तो मुझे उतना भी ख़राब नहीं दिख रहा। अगर आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तो गैप हम वन कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, वन कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये बेटर लग रहा है, अभी थोड़ा सा गैप आ चुका है दोनों के बीच में, तो ये परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलो फिर हमारा लोगो का यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम यानी कि नेक्स्ट हम ड्यू पर ही आ जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं चाहती हूँ यहाँ पर अगर मेरा लोगो है तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन हो जाए, जो बटन मेरा बेसिकली वो वाला बटन होना चाहिए जो मोबाइल व्यू में हमारे पास रहता है ना, वो बटन जो मेन्यू की टाइप, वो बटन मैं बना देती हूँ, तो ड्यू के अंदर मैं बना देती हूँ। तो ड्यू हम क्रिएट कर दिया, बटन हमने क्रिएट कर दिया, बटन के अंदर मुझे वो फॉन्ट आइकॉन यूज़ कर चाहिए ना, यानी कि फॉन्ट ऑसम का आइकॉन यूज चाहिए। तो बेसिकली मेन्यू टाइप का कुछ बटन है ना वो, यानी कि मेन्यू टाइप का आइकॉन है, तो हम सिंपली हम मेन्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, देखो ये वाला आ गया, तो ये मुझे चाहिए फर्स्ट वाला ही। ठीक है, जो बेसिकली फ्री है। ठीक है, और भी है बहुत सारे, मैंने सोचा कि कुछ अलग ले लेते हैं कोई अलग सा, लेकिन सारे तो प्रो ही है, कौन इतना मतलब ये करेगा, फ्री में जो मिल रहा है उसको ले लेते फिर। ठीक है, ठीक है, चलो फ्री वाला ही ले लेते। वैसे मैं देख रही थी और भी अच्छे खासे कोई है तो यूज़ कर सकते थे हम, लेकिन कोई है ही नहीं, लेकिन सारे प्रो में ही है, मेन्यू टाइप डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। रिएक्ट में चलते हैं, रिएक्ट में से यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और बटन के अंदर इसको डाल दिया। तो आपको पता है ना लाइक ये मैंने गलती से ग्लोबल, तो ग्लोबल, अरे हाँ ग्लोबली मैंने इसको ले लिया है ना, इसलिए मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखो ग्लोबल और आपको इंडिविजुअल में आपको पता चल ही गया होगा लाइक आपको डिस्प्ले नहीं होता है तब। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आना है, इंडिविजुअल पर आना है, देन आपको यहाँ से इंडिविजुअल वाला कॉपी करना है। जब भी आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मिलता है ना फॉन्ट ऑसम का आइकॉन, उसको समझ जाना कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल है। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉमा देखे, मैं मल्टीपल, जैसे मैंने बोला था मल्टीपल आप ऐसे कॉल कर सकते हो। ओके, मैंने कॉल कर दिया, तो अभी रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखो यहाँ पर आ गया मेरे पास एक आइकॉन। ठीक है, ये मैंने कॉर्नर पर रखा है, यानी कि मेरे पास दो है, जस्टिफाई बिटवीन कराए तो कॉर्नर पर आ गए, इतना इतना उसने दोनों में गैप ले लिया। ठीक है, तो ये देखो हमने दो चीज़ें करी है, एक है हमारा लोगो, सेकंड है हमारे पास एक ड्यू जिसके अंदर हमने हाइड और जो मेन्यूज का था वो हमने रखा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसको क्लास दे दूँ क्लास नेम, तो मैं इसको ना लाइक P2 दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पैडिंग आ जाए, बहुत ही ज़्यादा कोने में लग रहा था। ठीक है, ये परफेक्ट लग रहा है जैसे मेरा लाइक लोगो है। ठीक है, तो जैसे अब मैं चाहती हूँ इसको एक ऑन क्लिक फंक्शन दे दे। ओके, तो ऑन क्लिक लिखते हैं और यहाँ पर मैं लिखती हूँ हैंडल मी बोल के फंक्शन क्रिएट कर देते। ठीक है,
तो अभी तो एरर देगा ना, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं करा। ऊपर तो कॉल कर देते इस फंक्शन को, तो फंक्शन के अंदर यानी कि हमारा रिटर्न के ऊपर हम इसको फंक्शन कॉल कर देंगे। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं और हैंडल मेनू के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, और हमारे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिया। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर अभी मैं कुछ भी लाइक रिटर्न कर देती हूँ। ठीक है, एक मल्टीपल करना चाहते हो तो सिंगल आप लाइक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर मल्टीपल आप लिख सकते हो। जैसे मैंने हाई शुरू दिया, हेलो शुरू दिया, कुछ तो लिख दिया, हेलो लिख दिया। ठीक है, छोड़ो ये यार, ये क्या सब कुछ को ओपन हो गया था। ठीक है, कोई नहीं। अभी देखो इसको अगर रिफ्रेश कर दी तो वैसे तो अभी इसको ओपन लाइक क्लिक करूंगी तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो एरर देगा मुझे, छोड़ो। लेकिन क्लिकेबल तो है, ऑन क्लिक पर मुझे रिटर्न तो नहीं मिल रहा, लेकिन क्लिकेबल तो है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ना इंपोर्ट कर देती हूँ होम कंपोनेंट को। तो मैं ऐसा देना चाहती हूँ, जैसे मैं उसको क्लिक करूंगी होम कंपोनेंट पे लाइक जाना चाहिए। क्या ये वर्क होता है, हम ट्राई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली होम कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, पाथ मैंने दे दिया प्रॉपर। ठीक है, अब मैं रिटर्न करना चाहती हूँ इस कंपोनेंट को। ठीक है, जब भी मैं उस वाले बटन को क्लिक करूँ तो ये होम कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। क्या ऐसा ये वर्क होता है पता नहीं, इसलिए मैंने ट्राई करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और सिंपली मैं रिटर्न के अंदर के ब्रैकेट्स निकाल के डायरेक्ट एक ही कंपोनेंट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो कोई एरर तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन वर्क होता है क्या नहीं पता नहीं मुझे। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते थे, देखो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप कुछ तो एरर आ रहा है। छोड़ो, वैसे मुझे पता है कि वर्क नहीं करेगा बोल के, लेकिन कोई नहीं, हमने यहाँ पे रिटर्न में ऐसा ही कुछ कॉल कर दिया ऐसा समझ जाते हैं। ठीक है, इसका हम बाद में देखते हैं, इसका एक्चुअली व्यू स्टेट यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा आपको। ठीक है, तो वो हम करेंगे बाद में, एंड में ये करेंगे चीज़। ओके, तो इसको कैसे करना है क्या करना है, अभी हम ज़्यादातर चीज़ लाइक ये करेंगे, सिंपल हम रखने की कोशिश करेंगे, सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल से यहाँ पे अलर्ट दे देती हूँ इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अलर्ट तो वर्क होते कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, मैंने अलर्ट के अंदर हेलो लिख दिया, तो एक बार जाके देखते हैं, रिटर्न कर देते हैं इसको अलर्ट को। ठीक है, अच्छा तो रीलोड जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब पहले जैसे मैं आ रही हूँ तभी वो वर्क हो रहे हैं ना। तो ठीक है, कोई नहीं, हम अलर्ट को हटा देते हैं, हम कंसोल कर देते हैं फिर, क्या मतलब आए नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं और वो वर्क हो जाए। ठीक है, ऑन क्लिक तो हमारा चल रहा है, इतना तो हमें पता चला, अलर्ट हम रखते नहीं है क्योंकि वो बार बार हमें डिस्टर्ब करेगा। फिर कंसोल कर देते हैं, कंसोल ओपन करके कौन देखने वाला इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैं हेलो कर देती हूँ। ठीक है, चलो यार छोड़ो, इसका मतलब एक्चुअली हमें क्या देखना है, हमें प्रैक्टिकल देखना तो है, लेकिन हमें सिंपल सा हमें लाइक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, तो इसमें हम जाते नहीं है उतना कुछ। अभी मैं कंसोल में आके देखती हूँ तो हेलो प्रिंट हो रहा है, देखो पहली बार जैसे रिलोड करती हूँ हेलो प्रिंट हो रहा है, जैसे क्लिक करती हूँ तो तब वो वर्क नहीं कर रहा है। छोड़ो, उसका यूज स्टेट वगैरह यूज करके करेंगे हम वो सारी चीज़ें। आज लाइक न्यू बार बना रहे तो पक्का एक रिस्पॉन्सिव न्यू बार बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट वाला, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, इसलिए आप ये मिस मत करना पूरा वीडियो। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी हमने अब तक क्या बनाया, सिंपल सा एक लोगो बनाया, लोगो कैसे बनाना, उसका टेक्स्ट के जो भी हमारे लाइक क्लासेस थे हमने वो लगा के देखा, एक डिव बनाया जिसके अंदर एक फॉन्ट आइकॉन यूज़ करा है, जो हमने पैडिंग देके एक ऑन क्लिक फंक्शन भी चलाया, हमने अलर्ट विलर्ट ये भी देख लिया कि उसको एक फंक्शन को अलर्ट कैसे देते हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो एक और चीज़ आपको पता है ना, ट्यूटोरियल में मैंने क्या बोला था, जैसे टेलविन सीएसएस क्या वर्क होता है, जैसे ही अभी मैंने ये सारी चीज़ें करी है, तो ये एक्चुअल में कहाँ पे वर्क होने वाली है, ज़्यादातर ये मोबाइल व्यू में यूज़ होती है। ठीक है, तो मैंने वो जो मेन्यू ऐसा आइकॉन लिया है वो किस लिए लिया है, वो मोबाइल व्यू के लिए एक्चुअली लिया है। यहाँ पर हम ब्राउजर पर हाइड कर देंगे उसको बाद में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको छोटा छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखो मेरा एक्चुअली मोबाइल व्यू में मेरा ये ऐसा डिस्प्ले होना मेरे को चाहिए, इसी वजह से मैंने लिया। टैबलेट के लिए कुछ और लेंगे, मतलब ब्राउजर के लिए कुछ और लेंगे हम। ओके, तो मोबाइल व्यू के लिए तो अभी परफेक्ट सा बना है हमारे पास। ओके, इंटरफेस हमारा जो भी था। ठीक है, टेलविन सीएसएस सबसे पहले मोबाइल को सीएसएस देता है, फिर टैबलेट को, फिर ब्राउजर को, ऐसा आप इस फॉर्मेट में जाना, उल्टा जाना। ओके, जैसे हमारे बाकी सब पहले ब्राउजर पर हम वर्क करते हैं, फिर मीडिया क्वेरी या रिस्पॉन्सिवनेस हम बाद में देते हैं ना टैबलेट और मोबाइल व्यू को, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जैसे ये वाला जो बटन है ना, इसको मैं एमडी पर आने के बाद हिडन करूँ, यानी कि जब भी ये एमडी के बाद, यानी कि एमडी यानी कि हमारा क्या है, मैंने जैसे बोला था ट्यूटोरियल में, एमडी यानी कि हमारा ब्राउजर है, जैसे ये ब्राउजर पर आ जाए मैं चाहती हूँ कि वो आइकॉन हाइड हो जाए। तो देखो ये हाइड हो गया, ये देख रहे हो हाइड हो गया। अभी मैं टैबलेट पर आती हूँ यानी कि एसएम पर, तो मुझे वो डिस्प्ले होगा। देखो धीरे धीरे मैं आती हूँ। ठीक है, ये देखो एसएम पर यानी कि ये टैबलेट का है तो मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं मोबाइल व्यू के अंदर भी आती हूँ तो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे एसएम के अंदर भी हिडन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसी को सेम में एसएम को भी हिडन कर दूंगी। ठीक है, इसी के साथ लिख देते हैं फिर एसएम हिडन। ठीक है,
देखो अभी SM के अंदर भी हिडन हो जाएगा, यानी कि टैबलेट के लिए भी हिडन हो जाएगा। ये देखो टैबलेट के अंदर भी हिडन हो रहा है और सिर्फ ये वर्क कर रहा है जब हमारा मोबाइल व्यू आ जाता है। तो मुझे यही तो चाहिए, जब भी मोबाइल व्यू ओपन हो जाए तब भी मुझे वो आइकॉन चाहिए, बाकी टाइम मैं जो भी हमारे लाइक मेन्यूज रहेंगे वो डिस्प्ले कर दूंगी। तो देखा टेलविन CSS उल्टा वर्क होता है, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल सा लिखा है तो वो सारी चीज़ें सिंपल सी मोबाइल व्यू के लिए अपलोड होगी, है ना। और बाकी मैं मोबाइल और क्या टैबलेट और ब्राउजर के लिए तो मैं खुद से उसको हिडन दे दिया, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क होता है उल्टा, ठीक है। ये तो मैंने ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें समझी है ठीक से, यहाँ पर भी मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है इसके ऊपर, अभी क्योंकि हम इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, हम मेन्यू बनाएंगे ना हमारा ब्राउजर के लिए, तो मैं एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैंने ड्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर रह दे, ठीक है। तो उसके बाद क्लास नेम या आईडी दे देते, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, लाइक आईडी देते थे इस पूरे ड्यू को। तो ये हमारा न्यू आइटम्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सारे न्यू आइटम्स के नेम लिखेंगे, जैसे पेजेस के नेम है, ओके मेन्यूज हमारी। तो इसके अंदर सिंपली मैं ए टैग के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लिकेबल रहेंगे ना, तो इस वजह से। तो HREF मैंने ले लिया, हैशटैग ही दे देते, अभी हमारे पास कोई ऐसे पेजेस नहीं हम अप्लाई करेंगे। एंड क्लास नेम, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी देंगे, तो बस इसी वजह से। एंड इसको मैं जैसे फाउंट मैं चाहती हूँ कि इसको मीडियम रहे, यानी कि थोड़ा सा लाइक बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, मीडियम यानी कि, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे ये देखो होम लिखा है और मीडियम पर मैंने लिखा है, तो ये साइड वाला मतलब बोल्ड है शॉप नाउ, और ये मीडियम है, तो कैसा डिस्प्ले हो रहा है इन दोनों में, देख रहा हूँ, मतलब ये मैं चाहती थी, ठीक है। ठीक है चलो, तो ऐसा आप मीडियम भी फाउंट आप दे सकते हो, ओके, या तो बोल्ड दे सकते हो या तो मीडियम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ हुवर करे, हुवर करने बाद मैं इसका कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कलर कुछ अलग, जैसे मैं टेक्स्ट का कलर चाहती हूँ चेंज हो जाए, तो टेक्स्ट हाइपन मैं कलर का, कलर कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देती हूँ लाइक प्राइमरी कलर, ओके, क्योंकि मेरा ग्रीन कलर है तो प्राइमरी, आपको पता है मैंने ऐड करा था ऑलरेडी कॉन्फिग JS के अंदर, उसी के साथ मैंने और भी ऐड करा था, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो, तो देखो हमने कलर का तो मैंने आपको बताया था, ओके। प्राइमरी में मैंने ब्लू रखा है, सॉरी ग्रीन लगा था, और सेकेंडरी में हमने ब्लू रखा था, ओके। तो अभी मैं चेंज कर रही हूँ, छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मैंने पहले कैसे बोला था, प्राइमरी मैंने नाम रखा था और उसके अंदर मैंने दो चीज़ें कॉल करी थी, वो मैंने आपको बताया था। इस बार मैं क्या करूँ, उसका नेम अलग करी हूँ। प्राइमरी फॉन्ट फैमिली के अंदर पहले मैंने डिस्प्ले कराया और बॉडी कराया, ओके। डिस्प्ले यानी कि हेडिंग के लिए यूज़ करूंगी, बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा उसको यही फॉन्ट दूंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ऐसे कॉल करा है, आपकी मर्जी कैसा भी कॉल कर सकते हो, इसका यूज़ करूंगी नहीं करूंगी वो तो पता नहीं, लेकिन कॉल तो ऐसा कर सकते हो, तो इसलिए बताया मैंने, ओके। तो आप ऐसा आप अपना कस्टमाइज फॉन्ट फैमिली या आपके कलर्स ऐसे आप कस्टमाइज आप अपने खुद के ऐसे दे सकते हो, ठीक है, जो आप लाइक पूरे थीम को लगाना चाहते हो। एक रैंडम सा कहीं पर निकाल के रखते हैं ना हम लोग, ग्लोबली कहीं तो स्टोर करके करके रखते हैं, तो वैसे टेलविन में आप ऐसा स्टोर करके रख सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर थीम वाइज, ओके। तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्राइमरी कलर ब्लू कर रही हूँ और सेकेंडरी कलर मैं यहाँ पर रेड कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा ग्रीन से, ओके। तो इसलिए, तो अभी मैं जब भी इस पर हुवर करूँगी तो क्या आएगा, अभी मुझे ब्लू कलर आएगा, ये देखो है ना, बेटर है ना। तो मैं ऐसा चाहती थी लाइक ब्लू कलर बेटर ग्रीन से, ठीक है, ठीक है चलो, अच्छा है। तो अभी देखो हमने हुअर का भी कैसा लगाना, हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स में देखा ही है, तो आपको ये तो पता ही चला होगा। अभी हम तब भी जिनको नहीं पता उनको तो यहाँ पे क्लियर भी हो गया अगर हम हुअर टेक्स्ट को कैसे करते हो वो भी, ठीक है चलो, ठीक है अच्छा है। तो इसी तरह से मैं दो तीन और बना लेती हूँ फिर मेन्यूज, ओके। इसको मैं क्या कर देती हूँ, आपको ये दिखा देती हूँ। तो देखो ये मोबाइल व्यू में क्या हो रहा है, मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो मोबाइल व्यू में भी मुझे नहीं चाहिए, और ये ठीक है यहाँ पे टैबलेट और डेस्कटॉप लिए ठीक है मेरा, लेकिन मोबाइल व्यू में मैं नहीं चाहती हूँ ये वाला ड्यू मुझे दिखे। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, फिर यहाँ पे SM जो मैंने लिखा था ना इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि मुझे SM में भी मतलब सिंपली जब भी वो टैबलेट में भी आए मेरा तब भी मुझे वो आइकॉन चाहिए, ओके। ये देखो ये हमारा टैबलेट है और ये ब्राउजर है, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ न्यू बार जो मेरे हैं ना वो ब्राउजर पर ही चले, ना कि लाइक मीडियम पे भी और क्या बोलते हैं टैबलेट पर भी, ओके। तो इसलिए मैंने वहाँ से SM भी हटा दिया। तो अब जो ये ड्यू है, ओके ये ड्यू ठीक है, हम इसको एज इट इज़ ड्यू के अंदर लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि मेरे को ओवरऑल एक लाइक ये देने में आसान होगा, ठीक है। इसको मैं लाइक राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देती हूँ, ठीक है यार, ये क्या हो गया, गलती से हुआ, ठीक है फॉर्मेट कर देते, ठीक है हो गया। तो मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर देते, कोई हमने करा नहीं है, ठीक है सिंपल सी चीज़ है। तो मैं क्या चाहती हूँ, देखो सिंपल हमारा क्या, एक साइड में
हमें जैसे ब्राउजर का बोलती हूँ, ठीक है, एक साइड में हमारे पास होना चाहिए हमारा लोगो, बीच में हमारे पास होना चाहिए हमारा मेन्यू, यानी कि मेन्यू आइटम्स, ओके, यहाँ पे हमारे पास नया आइटम्स जो सेक्शन है ना वो डिस्प्ले हो जाए, एंड उसके बाद एंड में हम एक बटन या कुछ तो देंगे, ओके, लास्ट में। तो वो मैं चाहती हूँ ब्राउजर पर रहे। जब मैं टैबलेट पर आऊँ तो टैबलेट पर मुझे एज अ मोबाइल व्यू में जैसे डिस्प्ले होता है वैसे ही डिस्प्ले हो, यानी कि मेरे को ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए मोबाइल और टैबलेट के अंदर, सिंपल सा एक साइड में लोगो दिखना चाहिए हमारा और साइड में एक बटन दिखना चाहिए जो है 27 लाइन नंबर का, ये वाला जो हाइड मेन्यू लिखा है मैंने, ओके, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये मैं जो भी चाहती हूँ, ठीक है। मैं सिंपली आईडी देकर इन सभी को एक एक कॉल कर दिया, बेसिक है, छोड़ो, मैंने आईडी देकर और यहाँ पे सिंगल कॉर्ड के अंदर जो भी मैंने करा है ना उसको डबल कॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। आप या डबल कॉर्ड में करो या सिंगल कॉर्ड में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे सिंगल कॉर्ड, इस वजह से मैंने डबल कॉर्ड कर दिया, ठीक है, ये एक्चुअली डबल कॉर्ड बेटर दिखता है ना, तो इस वजह से, ठीक है, छोड़ो यार, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने 24 पर ये टैग लिखा है ना होम, ऐसे ही मेरे को और मेन्यू चाहिए ना, तो उन मेन्यूज को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बेसिकली, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एंड इनके नेम वगैरह चेंज करके मैं मिलती हूँ जल्दी से, ओके, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे, ओके। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास मेन्यूज आ गए, ओके, कुछ गैप नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट ए टैग के अंदर लिखा है ना, तो बस इसीलिए। तो क्लास दे देते, फिर क्लास के अंदर मैं चाहती हूँ ये फ्लेक्स हो जाए, ओके, फ्लेक्स इनमें गैप भी आ जाए, तो गैप हाइफन में देना चाहती हूँ, जैसे 12 का गैप हमने इन दोनों इन सब में दे दिया, ठीक है। रिफ्रेश करते एक बार, ये देखो प्रॉपर लग रहा है ना, मस्त लग रहा है अभी। होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इतने पेजेस मैंने बना दिया, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लाइक बना दो। अगर आपके पास ऐसे अलग पेजेस नहीं है तो बना दो, सर्विस का पेज मेरे पास है नहीं अभी के लिए। तो देखो मोबाइल व्यू के अंदर अभी भी मुझे वो डिस्प्ले हो रहा है, कैसा दिख रहा है ना, एकदम से सब चीज़ें एक ही साथ है। तो मैं क्या चाहती थी, मैं चाहती थी कि ये मुझे मोबाइल व्यू में दिखे ही नहीं, तो मैं क्या करती हूँ इसको हिडन कर देती हूँ, बाय डिफॉल्ट ये हिडन रहेगा, ठीक है, जब भी ये मोबाइल व्यू पर आ जाएगा, जैसे ये सबसे पहले वर्क कहाँ होता है, मोबाइल व्यू में ही वर्क होता है ना, तो मैंने इसको हिडन कर दिया। फिर मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ तभी डिस्प्ले हो जाए जब ये यमडी पर आ जाए, यानी कि ये ब्राउजर पर आ जाए, तभी ये फ्लेक्स और गैप ले ले। तो अब देखो रिफ्रेश कर रही हूँ तो अभी ये मोबाइल व्यू में मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अगर मैं ये टैबलेट पर ले आती हूँ तब भी मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन अभी ये ब्राउजर पर है तो डिस्प्ले हो रहा है। देखो मैं धीरे धीरे इसको कम कर रही हूँ, तो देखो ये टैबलेट SM हमने डाला ही नहीं, SM यानी कि टैबलेट, SM जब डालोगे तभी वो डिस्प्ले करेगा ना, SM भी मैं हिडन ही रखना चाहती हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट ये हिडन रहे, जब भी ये MD पर यानी कि ब्राउजर पर आए तभी ये मुझे फ्लेक्स गैप 12 होके डिस्प्ले हो जाए, जैसे मैं चाहती थी सबसे बेस्ट तरीका वैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। कितना इजीली हो गया, देख रहे हो, मतलब कितना इजीली हम इसको लाइक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ये देख रहे हो ना आप। सबसे पहले आपको मोबाइल व्यू में रिस्पॉन्सिव मिल ही जाता है, उसको आपको MD में चाहिए या SM में चाहिए, वो आप अपने हिसाब से वो चूज़ करके आप कर देना चेंजेस, इतना ही है बस। चलो ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो राइट साइड है ना वहाँ पर एक बटन आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी जो बटन का पूरा कोड है ना इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, बेसिकली कौन यार फिर से लिखते बैठेगा, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, इसी ड्यू को, ओके, पूरे ड्यू को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल लिया, एंड यहाँ पर मैं इसका बटन का नेम चेंज कर देती हूँ, ID, ओके, ID चेंज कर देती हूँ, एंड बटन ये सारी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेगी ना, जैसे ऑन क्लिक भी हटाना पड़ेगा और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम नहीं, यहाँ पे मुझे चाहिए लॉगिन बटन, ठीक है, ये हम सिंपल एक लॉगिन बटन रख रहे हैं, और जो MD हिडन रखा था उसको भी मुझे चाहिए नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ID को चेंज करूँगी, ठीक है, अभी MD पर मुझे हिडन तो नहीं चाहिए बेसिकली, ओके, अगर मैं रिफ्रेश करूँगी आगे तो MD के अंदर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने MD हिडन रखा है, तो मुझे MD के अंदर तो हिडन नहीं चाहिए, इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ठीक है, अभी डिस्प्ले हो रहा है, देखो अभी ये मुझे लॉगिन डिस्प्ले हो रहा है, एक्चुअली मुझे राइट साइड में कॉर्नर पे चाहिए था, ये ऐसे क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। MD के अंदर हमने इसको हिडन रखा था, मैं चाहती हूँ इस पूरे ड्यू को ही लाइक हिडन में रख दो, ओके, तो क्लास नेम में यहाँ पे MD हिडन कर देते हो, अब ये प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि वो उधर भी गैप ले रहा था वो लास्ट वाला ड्यू, तो इसलिए मैंने उसको पूरे ड्यू को ही कर दिया। अब मुझे यहाँ पर मोबाइल व्यू में भी डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो अच्छा नहीं लग रहा है ना, टैबलेट के अंदर ठीक है लेकिन मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर भी नहीं चाहिए मुझे, मोबाइल के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ लाइक इसको भी मैं हिडन कर देती हूँ, मतलब ये भी नॉर्मली मेरा हिडन रहना चाहिए जब भी, मतलब नॉर्मल, ओके, इसको हम हिडन कर देते हैं फिर, ठीक है, ये पूरे ड्यू को ही, एक्चुअली मेरे ड्यू को ही करना चाहिए था लेकिन ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हिडन कर देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जब भी MD पे आए तभी ये P2 ले ले, ओके, जब भी SM पर भी मैं नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया और फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर देते, तो अभी देखो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी मोबाइल में भी नहीं, और यहाँ पर
एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है, ठीक ही तो करा है ना, रिफ्रेश कर देते एक बार। अब ओके, फ्लेक्स के अंदर गैप आज गया था इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ठीक है, ये देखो टैबलेट पर से मोबाइल तक मेरा वो हाइड हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो ब्राउज़र पर ही मुझे डिस्प्ले हो रहा है, वो भी MD Flex P2 लेके। ठीक है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये लॉगिन बटन भी, जैसे मैंने बोला था, मुझे एक साइड में लोगो ब्राउज़र पर मुझे एक साइड में लोगो चाहिए, बीच में मेरा मेन्यू चाहिए, और लास्ट में मुझे एक बटन चाहिए जो लॉगिन बटन था। ठीक है, ये आ गया मेरा पूरा, और वो भी रिस्पॉन्सिव एक नए ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये देखो हमने कितना इजीली एक रिस्पॉन्सिव नेबर बना दिया है, ये देख रहे हो क्या? मतलब उतना भी हार्ड नहीं, अगर आप मेरे बातों पे, मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ और जो भी कर रही हूँ, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो फिर आपको ये समझ में आ गया। ओके, इसमें कोई उतना हार्ड वाला सीन नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि टेलविन CSS उल्टा काम करता है। सबसे पहले जो भी आप स्टाइल दोगे वो मोबाइल के लिए अप्लाई होता है, फिर आपको चेंज करना है टैबलेट के लिए और आपको ब्राउजर के लिए, यानी कि SM और MD आपके हिसाब से आपको चेंज करके आपको डिस्प्ले करना है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और हमारे नॉर्मल जो भी बूटस्ट्रैप और CSS यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये जो बटन है ना लॉगिन, इसको मैं बॉर्डर वगैरह देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट जो है ना उसको कलर चेंज कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ सबसे पहले। तो फॉन्ट बोल्ड इज बेटर, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट यानी कि लेफ्ट और राइट में मैंने दोनों को बोल्ड कर दिया और बीच में मीडियम रख दिया। ठीक है, बेटर लग रहा है। और मैं इसको बॉर्डर भी चाहती हूँ। ओके, या तो बटन दिखे ना मुझे, एक बटन है वहां पर, ना कि वो एज अ टेक्स्ट दिख रहा है अभी के लिए। तो इसी वजह से इसको मैं स्पैन टैग के अंदर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसको कोई और भी चेंजेस करना होगा क्लास नेम वगैरह देके तो कर सकते हैं, इसलिए स्पैन के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये देखो अभी तो कोई हमने क्लासेस नहीं लगाया ना। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस बटन को बॉर्डर दूँ, तो मैं लिखूंगी बॉर्डर और हाइपन उस कलर का नेम, यानी कि मैं चाहती हूँ ग्रे कलर रहे तो ग्रे दे देते, और 500 या 100 दे देते। ठीक है, 100 मतलब बहुत कम रहेगा, वैसे तो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सबसे पहले तो बॉर्डर बोल के लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं 500 दे देती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते, वैसे अभी डिस्प्ले नहीं होगा, पता था मुझे। चलो ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर इस बॉर्डर से पहले हमें बॉर्डर बोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर कलर देने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं। ठीक है, बॉर्डर एंड बॉर्डर का उसके बाद कलर देना है आपको। ठीक है, अभी देखो डिस्प्ले हो रहा है, आई नो पता था मुझे, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दबाजी में, ठीक है, भूल गई। चल ठीक है, अभी आपको बॉर्डर भी डिस्प्ले हो रहा है, और इसको आप हुवर व्यूअर ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे हुवर बॉर्डर भी कर सकते हो, हुवर इनसाइड आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में बता दिया, जो भी बटन्स के रहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी PX देना चाहती हूँ, थोड़ा सा पैडिंग X से यानी कि राइट और लेफ्ट से 3, और पैडिंग PY से 1 दे दिया। ओके, टॉप और बॉटम से 1 दे दिया, तो अभी प्रॉपर लग रहा है, थोड़ा सा बटन ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा और कर देते। ठीक है, PX 6 दे दिया ताकि वो बटन थोड़ा सा बड़ा लगे। ओके, अब भी एकदम परफेक्ट लग रहा है, 6 इज़ बेटर। ओके, तो उसके बाद मैं चाहती हूँ जैसे इसको राउंडेड रहे बॉर्डर, जो भी है ना वो स्क्वायर में ना रहे, थोड़ा सा राउंड हो जाए। ठीक है, ये देखो अभी प्रॉपर लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से ये सारे क्लासेस दे सकते हो। ठीक है, इसको हुवर करना चाहती हूँ मैं, जैसे मैंने इसके ऊपर माउस लेके गई तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो BG में चाहती हूँ, BG में ब्लू रख देती हूँ, क्योंकि मेरा हुवर पर ब्लू ही रखा है ना टेक्स्ट को भी मैंने, तो इसलिए इसको भी ब्लू ही रख देते। फिर मेरा ब्लू क्या है, प्राइमरी कलर है ना, तो इसलिए प्राइमरी रख दिया मैंने। ठीक है, रिफ्रेश कर देती है, ये देखो अभी मैं चाहती हूँ कि हुवर पर मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो जाए यार, टेक्स्ट का कलर, क्योंकि वो ब्लैक कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हुवर मैं इसको कर देती हूँ टेक्स्ट कलर वाइट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वाइट कर देते ताकि बेटर लगे, वो ब्लैक कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो अभी देखो अभी ये परफेक्ट लग रहा है ना, जैसे मैं होवर कर देती हूँ तो वाइट, ये देखो परफेक्ट लग रहा है अभी, चलो अच्छा है। ठीक है, ये मेरा ब्लू है, यहाँ पर मेरा ब्लू भी है, लेकिन यहाँ पे बटन के कारण वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार देखते हैं कि हमारा न्यू बार कैसे बन के रेडी है, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा ब्राउजर पर कुछ अच्छा लग रहा है, बटन यहाँ पर देखो, अभी मेरे को ऐसा करना है कि जैसे मोबाइल व्यू के अंदर जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ये जो हमारे पास मेन्यू वाला बटन है, यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो आ जाए जिसके अंदर मैं मेन्यूज दिखाऊँ, कि जो भी हमारे होम अबाउट ये सारे मेन्यूज है ना, ये सारे मैं इसके ऊपर दिखाऊं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हम मॉडल यूज करते हैं, तो यहाँ पे मॉडल यूज करेंगे क्या? CSS में हम थोड़ी ना मॉडल यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा एक क्या यूज करें, तो मैं आपको बता दूं, हम इसके ऊपर एक विंडो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक और विंडो के ऊपर एक और विंडो। ओके, यानी कि ये जो बैक साइड है हमारे पास, उसी के ऊपर एक और ड्यू हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक ड्यू क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसका ID दूंगी मैं फिक्स्ड बोल के। ठीक है,
फिक्स्ड मेनू बोल के, जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी एज अ फिक्स्ड मेनू वो वर्क करेगा, ठीक है। एक जगह पे उसको क्लिक करने में वो फिक्स्ड मेरे ऊपर आ जाएगा। ओके, मैं इसको क्लास नेम, ये सारे ड्यू के ऊपर आ जाएगा ये वाला ड्यू, ऐसा आप समझो। ओके, क्लास नेम रख दिया मैंने फिक्स्ड, और उसके बाद बीजी में वाईटी कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक और क्लास जो है इंसेंट जीरो बोल के, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ। अभी देखो ये पूरा मेरा क्या हो गया, अभी मेरा ये पूरा वाइट हो गया। आपको लग रहा है क्या हो गया ये, है ना, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ, हमने एक ड्यू क्रिएट करा है, ठीक है। ये ड्यू क्या कर रहा है एक्चुअली, ये ड्यू ना हमारा जो नीचे का पार्ट है, ओके, जिसके अंदर हमने अभी तक क्या करा था, एक साइड में हमने हमारा लोगो रखा था, एक साइड में हमने एक छोटा सा मेनू वाला बटन रखा था, उसके ऊपर ही हमने एक ड्यू क्रिएट करा है जो एक्चुअली इसके नीचे है वो सारे कंटेंट। ओके, सिर्फ ये ऊपर एक ड्यू बन के रेडी हो चुका है जो हाइड कर चुका है उन सभी को। अगर मैं इस ड्यू को हिडन कर देती हूँ, ठीक है, वो सारे कंटेंट एज इट इज़ मेरे को डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस ड्यू के अंदर मैं हिडन वाला वर्ड डालती हूँ तो क्या होता है, ये हाइड हो जाता है और फिर मुझे एज इट इज़ मेरे वो कंटेंट दिख जाएंगे जो भी मैंने अभी तक करा था। ओके, अगर मैं इसको हिडन निकाल देती हूँ तो ऐसा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसी को मैनेज करने वाले हैं, हम इसी के अंदर यानी कि इस वाले ड्यू के अंदर वो कोड लिखेंगे जो एक्चुअल में उस बटन को यानी कि उस मेनू को क्लिक करने के बाद मुझे ये ओपन हो गया ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, जिसके अंदर भी सेम मैं करना चाहती हूँ, जैसे एक साइड में मेनू, एक साइड में क्रॉस वाला बटन यानी कि इसको क्लोज भी करना आ सके, और उसके बाद हम नीचे मेन्यूज लिखेंगे जैसे होम, अबाउट। हम सिंपल एक मेनू जैसे मॉड्यूल यूज करते हैं ना बूटस्ट्रैप के अंदर, वो मॉड्यूल हम यहाँ पे बना रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। क्लोज क्या बोलते हैं, कैंसिल या क्लोज बटन रहता है, उसको क्लिक करने के बाद वो मॉड्यूल बंद होता है ना, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे उस ये बटन यहाँ पे बटन भी दूंगी, यानी कि एक बटन को जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मेनू का आइकॉन है वैसा हमारा क्रॉस आइकॉन ऐड करेंगे जिसको क्लिक करने में ये क्लोज हो जाए, ठीक है। उसको हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं फिर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं पहले आपको ये दिखाऊंगी कि इसको हिडन करने के बाद क्या सच में ये हाइड होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। सिंपली मैं कोड के अंदर आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी मैंने फिक्स्ड जो लिखा है ना उसी के सामने मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं हिडन कर देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ये हाइड हो जाता है ये ड्यू, देखो अभी हिडन हो गया, तो बाकी एज इट इज़ मुझे जो पीछे था वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। अभी निकाल दिया तो उसके सामने मेरे को एक ड्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब यही डिफरेंस है। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं दिख रहा, आपको लग रहा सब कहाँ गया, एक्चुअली उसके पीछे छुप गया। अभी मैं इसको हिडन कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ डिस्प्ले हो रही है, यानी कि ये ड्यू जो है ना एक्चुअली फिक्स्ड है, एक पूरा वो ड्यू कवर कर दिया उसने, और ये इसको जब आप हाइड करोगे तभी ये हाइड हो जाएगा, वरना ये एज अ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ जैसे इसको क्लिक करूँ तो वो वाला विंडो आ जाए और उसके अंदर जो भी मैं लिखूँ वो डिस्प्ले हो जाए। अब मैं इसको कोड करूँगी, ठीक है। इसके अंदर मुझे सिंपली क्या चाहिए, मैंने जैसे बोला मेरा एक मॉड्यूल ओपन होने के बाद मुझे क्या चाहिए होता है, अभी मैं यहाँ पर मेनू को क्लिक करूंगी तो मुझे मेरा वो मेनू दिखना चाहिए जो मुझे लाइक होम, अबाउट, ये सारे मेनू डिस्प्ले होने चाहिए ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये वाला डिस्प्ले हो जाए, ये जब भी मैं क्लिक करूंगी तो वो वाला मेनू डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम क्लास नेम रखते हैं नैव बार बोल के, यानी कि ये नैव बार एक्चुअली ये हाइड नैव बार रहेगा, यानी कि क्लोज या हाइड नैव बार, आप कुछ भी लिखो, लेकिन आईडी दे देते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे SM, यानी कि जब हमारा स्मॉल हो जाता है तो हमारा ये स्मॉल नैव बार है, ठीक है। मोबाइल व्यू पर एक नैव बार जो हाइड रहता है, जो मेनू साइड बार, साइड मेनू बार क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वाला कुछ, ओके, ठीक है। चलो मैंने इसका आईडी कुछ भी लिखा है, ओके, जैसे SM न्यू बार लिखा है, क्लास नेम मैंने न्यू बार लिखा है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फ्लेक्स कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कंटेंट रुकूँ कुछ भी लिखूँ तो फ्लेक्स होके जस्ट पे बिटवीन हो जाए, ठीक है। यानी कि जो भी मैं ड्यू बनाऊंगी इसके अंदर वो सारे उतने उतने लाइक स्पेस ले ले वो, ओके, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले जस्टिफाई बिटवीन दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। और टेक्स्ट आइटम सेंटर लिखना चाहते हो तो आइटम सेंटर या टेक्स्ट सेंटर लिख सकते हो तुम, ठीक है, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो कुछ डिस्प्ले होने का कोई चांस नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला था मुझे सबसे पहले एक लोगो चाहिए एक साइड में, सेम ऊपर का कोड कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर का जो हमारा ब्रांड का लोगो था ना हमने दिया था वही मैंने कॉपी पेस्ट करा, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, देखो मस्त दिख रहा है ना। तो अब इसके साइड में मुझे ये वाला बटन चाहिए जो हाइड वाला बटन है, मेन्यू टाइप का बटन, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं, फिर हमारे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ना, तो फिर काई को हम चुप उसको डबल ट्रिपल पर करें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया, अभी मुझे यहाँ पे इस आइकॉन को निकाल के कुछ अलग आइकॉन रखना है, मैंने बोला था क्रॉस आइकॉन रख देती हूँ ताकि ये क्लोज हो जाए, ओके। तो क्रॉस वाला आइकॉन ले लेते हैं हम फॉन्ट ऑसम पर जाके, ठीक है, ठीक है। हमने सिंपल ऊपर का ये कोड कॉपी पेस्ट इस ड्यू के अंदर करा है, इतना याद रखो, ठीक है। हम सिंपल फिर से लाइक ये कर रहे हैं,
एक ड्यू के अंदर यही सारी चीजें कर रही है। ये ड्यू हमारा यहाँ पे स्टार्ट है, ओके। यहाँ पे मैं अगर इसको समझो P3 दे देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पूरा एक प्रॉपर आ जाए बोल के, ओके। तो ये देखो प्रॉपर अभी डिस्प्ले हो रहा है ना बीच में, ठीक है। चलो अच्छे, अभी मैं सिंपली फॉन्ट ऑसम पर जाके इसका पहले तो लोगो चेंज कर लेती हूँ, वरना आपको सेम सेम लगेगा, फिर क्या फायदा है ना। तो चलो ठीक है, इसका आइकन चेंज कर देते हैं, फॉन्ट ऑसम पर चलते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आइकॉन के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक क्रॉस, क्रॉस बोल के लिखते हैं, देखते हैं आता है क्या। एक्चुअली क्रॉस सारी ऐसे आ गई क्या, ठीक है। मैं एक आइकॉन सिलेक्ट करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो मैंने सर्च करा है एक्स मार्क बोल के, तो आपको मिल जाता है, ठीक है। आप भी एक्स मार्क बोल के सिलेक्ट कर देना, और रिएक्ट में चलते हैं। रिएक्ट में भी हमें इंडिविजुअल चाहिए, तो इंडिविजुअल पर जाके हम कॉपी कर लिया कोड को, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी इसको मुझे इम्पोर्ट करना है, ठीक है, उसी के साथ। तो कॉमा देके इस एक्स मार्क को भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इम्पोर्ट के कारण एरर भी चला गया। अब जाके अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो एक्चुअली वहाँ पे एक्स मार्क वाला आइकॉन आ जाएगा, देखो ये मस्त आ रहा है ना। अभी मैंने क्या बोला था, जैसे मैं ओपन करती हूँ मेनू को, ये वाला ओपन होना चाहिए, इसको मैं प्लस क्रॉस को क्लिक करती हूँ, तो रिटर्न मेरा एज इट इज़ वो हिडन होना चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ देना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें देख लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमारा सिंपल सा इतना बन के वो रेडी हो चुका है, ठीक है। मतलब सिंपल सा हमने क्या करा है, एक ड्यू के अंदर एक और ड्यू हमने फिक्स्ड करके उसके ऊपर हमने ऐसा कुछ डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। एक साइड में हमारा आइकॉन है, एक साइड में हमारे पास क्रॉस वाला आइकॉन है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली मैं एपिसोड पर आ चुकी हूँ, मेरे को एक्चुअली आपको दिखाना है कि हम क्या बना रहे बोल के, ठीक है। देखो ये वाला जैसे साइन अप पर ऑलरेडी ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखो पीछे का एज इट इज़, ये देखो ये मेन्यूज वगैरह, पीछे का एज इट इज़ आपको बैकग्राउंड एज इट इज़ ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। जैसे मैं इस पर आ रही हूँ, तो ये हुअर पर ये कुछ तो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ, तो अलग सा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हुअर कर रही हूँ, तो ये देखो कुछ ऐसा पार्ट ओपन हो रहा है ना, तो हम ऐसा ही कुछ क्लिक पर बना रहे, ठीक है। ये देखो मैं ये कर रही हूँ, तो हुअर कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मेन्यूज पर क्लिक करती हूँ, ये देखो हम एक्चुअली ऐसा मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो क्लोज करती हूँ तो क्लोज हो रहा है, ओपन करती हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, मेरा पूरा पेज पर आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पर क्या कर रहा है इसने, अमेजोन ने थोड़ा सा ही उतना डिस्प्ले कर रहा है, वो थोड़ी सी चीज़ में वो डिस्प्ले कर रहा है, एक्चुअली उसका बैकग्राउंड में जो भी पीछे चल रहा है एज इट इज ही है ना, सिर्फ एक मॉड्यूल आके चला जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन पूरे पेज में क्रिएट कर रहे हैं, पूरा पेज हमारा कवर हो जाता है, उसके अंदर ये डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर जैसे क्लोज करते हो एज इट इज़ हमारा जो पीछे का था वो मेरे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जिनको भी लाइक कन्फ्यूजन था, कुछ भी था, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपल सा मैंने इसको आईडी दे दिया कि नाउ क्लोज मेनू बोल के, ठीक है। सिंपल सा मैंने इसको आईडी दे दिया, और क्लास नेम एज इट इज था हमारा, ओके। चलो तो अब हम देखेंगे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे हम यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को, ठीक है। यूज इफेक्ट और यूज कॉमा देखे ही यूज इफेक्ट सॉरी स्टेट, ओके। ये फ्रॉम रिएक्ट से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में ये सारी हुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी ठीक से पर्टिकुलर, अभी के लिए थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखो यूज मतलब एज इट इज़ लिखने की कोशिश करो, अगर पता भी नहीं है क्या चल रहा है तब भी, ओके। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्च कर रहे हैं नाउ डायलॉग, हमारे पास एक की वर्ड ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर आई डी क्रिएट करा है ये वाला, ये देखो पूरी इस ड्यू को जो हम नीचे का ड्यू एक बना चुके थे ना, उसको मैंने आईडी दिया है नाउ डायलॉग बोल के, ठीक है। ये पूरे ब्लॉक को हमारे जो भी हम हाइड कर रहे हैं, देखो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड जो लिखा था हमने इंसेंट जीरो है ना, उसको मैंने आईडी दिया है अभी नाउ डायलॉग बोल के। तो यहाँ पर मैं उसी को कॉल कर रही हूँ कि कौन नाउ डायलॉग, ओके। हम कॉमा देके सेट नाउ डायलॉग, यानी कि एज इट इज हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, तो सेट हमें यूज करना है उसके सामने, सेम नेम से सेट यूज करो और नाउ डायलॉग लिखो, ओके। इक्वल टू यूज स्टेट अभी क्या रहेगा हमारा, नल रहेगा, ठीक है। हमने इसको वैल्यू क्या दिया, यूज स्टेट की नल दे दी, या तो आप जीरो वीरो दे सकते हो, अभी के लिए हम इसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं, नल दे रहे हैं। उसके बाद हम यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज इफेक्ट, और यहाँ पर हम उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट और ये सारी एज इट इज लिख दो जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम उसको सेट करेंगे, ओके। जो भी मैंने वेरिएबल लिखा था सेट नाउ डायलॉग, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी देंगे आप, नैव डायलॉग, ओके। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गेट बाय आईडी नैव डायलॉग को सेट कर रहे हैं, ओके, सेट कर रहे हैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करके, ठीक है। तो सिंपल है यार, बहुत मतलब एज इट इज लिख दो, बेसिकली मैं जैसा आपको बता रही हूँ वैसा, आपको यहाँ पे समझने की कोई उतनी जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। मतलब देखो सिंपल है यार, देखो मैं क्या कर रही हूँ, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट किस लिए यूज होता है, हम उनके स्टेट
बिहेवियर हम चेंज करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक हमारे पास पूरा डिव है, उसको मैंने लाइक पूरा स्टेट चेंज करना चाहती हूँ कि इस स्टेट को चेंज होने के बाद मुझे ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ चेंज आ जाए। जैसे मैं ये जो बटन है उसको मैं ऑन क्लिक फंक्शन दे रही हूँ, ठीक है, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। इस बटन को मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्लोज डायलॉग या क्लोज कुछ तो लिख देती हूँ, ठीक है, डायलॉग बॉक्स। ओके, हमारे डायलॉग बॉक्स है हम समझ लेते हैं, यानी कि ये पूरा जो भी आ रहा है ना उसको हम क्लोज डायलॉग बॉक्स हम बोलेंगे। एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉन्च यहाँ पे कॉल कर दूंगी, इसके इस यूज स्टेट के नीचे, ठीक है। तो इसको हम सिंपली फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, वैसे हम कॉन्च का यूज़ करके हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉन्च क्लोज डायलॉग और कर्ली सॉरी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज इक्वल टू करके, मतलब सिंपल हम कॉल कर रहे, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे, ठीक है। आप सिंपल एक ओल्ड फैशन वाइज भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ओके, फंक्शन की वर्ड यूज़ करके, ठीक है, छोड़ो। उसके बाद हम इफ कंडीशन दे रहे हैं कि देखो, जब भी हमारा नैव डायलॉग जो है, एक्चुअली ये ड्यू जो है नैव डायलॉग का, तो अगर उसका स्टेट अगर चेंज होता है, ओके, उसको कोई वैल्यू मिलती है, कुछ भी होता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे नैव डायलॉग जो है ना, हमारा पूरा ड्यू को हिडन रख रहे हैं, ओके। उसको जब भी हम कुछ भी स्टेट चेंज होता है तो हम उसको हेड करना चाहते हैं, तो उसका कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नैव डायलॉग डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, टॉगल के अंदर हम हिडन लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, अभी हिडन लिख देंगे। यानी कि अब क्या हो रहा है, देखो, जैसे ही मैं उस क्रॉस वाले बटन को क्लिक करूंगी तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा नैव डायलॉग को। नैव डायलॉग हमारे पास एक आईडी है, यानी कि पूरे ड्यू की आईडी है, तो वो पूरे ड्यू को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। मतलब ऐसा ही समझो कि क्लिक पर मैं हाइड कर रही हूँ उस पूरे ड्यू को, और जैसे मैं अभी मैं ऐसा करूँगी कि इसको इस वाले आइकॉन को जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो वाला ओपन हो जाए, ठीक है, मैं ऐसा चाहती हूँ। इस वाले आइकॉन को क्लिक करूंगी तो वो वाला आइकॉन ओपन हो जाए, पूरा ड्यू ओपन हो जाए, और मैं क्रॉस वाले इस पर क्लिक करूंगी तो वो हाइड होके ये वाला रिटर्न आ जाए, ठीक है। हम सिंपल ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही समझो बस अभी के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा कोड जो है ना प्रॉपर वर्किंग है, बस वर्क क्यों नहीं हो रहा है पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, हमने 12 नंबर लाइन पर हमने इसको फंक्शन को कॉल तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 58 पर हमने इसको एज अ फंक्शन कॉल करा है। एक्चुअली जो क्लोज डायलॉग बॉक्स है ना उसके सामने पैरेंथेसिस नहीं चाहिए थे, ठीक है, हमने वहाँ पे कॉन्च वेरिएबल को एक फंक्शन एज अ वर्क करा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें फंक्शन के पैरेंथेसिस लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको रिमूव कर देते फिर मेरा ये वर्किंग रहेगा, ठीक है। कोड जो भी है पूरा वर्किंग कोड है, बस वो पैरेंथेसिस में गलती से एज अ फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ये देखो, हमने कॉन्स्ट वेरिएबल दिया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, इसको हटा देते, ठीक है, सेव कर लेते। तो बस इसी एक के कारण मेरे को थोड़ा सा वो डिस्प्ले होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, ठीक है, कोई नहीं, सेव कर लेते, अभी रिफ्रेश कर लेते। अभी देखो ये ओपन हो रहा है, अभी मैं जैसे इसको क्लिक करूँगी ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा पूरा विंडो, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स, ये देखो हो गया, और एज इट इज़ हमारा जो बैकग्राउंड में चल रहा था ना हमारा, वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ इसको जैसे मैं क्लिक करूँ, ओके, अभी देखो ये कैसा वर्क हो रहा है ना, उसको क्लिक करूँगी तो ये ओपन होना मेरे को, ओके। तो इसलिए मैं कैसा करूँगी, देखो मैं सिंपल क्या करूँगी, ये वाला जो कोड है ना यही कोड मैं कॉपी कर लूँगी, ठीक है, वेट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक है, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन क्लिक रखा है क्लोज बॉक्स बोल के, कॉपी कर लेते हैं हम सिंपल सा, हमारे पास ऊपर ही है देखो ये वाला कोड है ना हमारा, वो वाला को आइकॉन का, सिंपल मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ, क्लोज डायलॉग बॉक्स की जगह ओपन डायलॉग बॉक्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ओपन डायलॉग बॉक्स रहेगा हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं, और मैं ये सिंपल यहाँ पर एज इट इज़ ये सारी चीज़ें हमारी वर्किंग है, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करके ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये फंक्शन हमारा चल जाएगा और वो हिडन हो जाएगा नैव डायलॉग, और इसको मैं फिर से मैं मतलब टॉगल कर रही हूँ, ठीक है, अभी देखो ये प्रॉपर वर्किंग रहेगा, इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये ओपन, इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये ओपन, देख रहा हूँ, मतलब दोनों चीज़ें, वो हाइड ये डिस्प्ले, वो हाइड ये डिस्प्ले, जब वो हाइड रहता है तो वो डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले रहता है तो हाइड कर रहा है, मतलब उल्टा सुलटा ऐसा वर्क हो रहा है, ठीक है, मतलब टॉगल हो रहा है यार, सिंपल टॉगल मतलब आपको पता है ना, हाइड और शो, हाइड शो, ये चीज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ यूज़ इफेक्ट यूज़ होता है, ठीक है, मतलब हम सिंपल यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आई नो, लेकिन आपको यूज़ इफेक्ट अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं ये सारी चीज़ें ना इन डिटेल में आपको वीडियो निकालूंगी ना, तब प्रॉपर सिंपल सिंपल एग्जांपल के साथ निकालूंगी, तब हम ये वाला एग्जांपल एक और बार देखते हैं, ठीक है, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये यूज़ इफेक्ट का सीन क्या है बोल के, ओके।
तो मैं आने वाले वीडियोस पर निकालूंगी ना, जब प्रॉपर एक एक रिलेटेड वीडियोस निकालूंगी, तो पूरा आपको ना सिंपल बेसिक से लेकर एडवांस तक बोलने वाली हूँ, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पूरा मतलब अभी मैं बेसिक इसलिए आपको इस पर फोकस नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। आपको ये स्टैटिकली सिर्फ वेबसाइट बनाना सीखना है, ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है। तो बस इसीलिए एज इट इज जो डिस्प्ले हो रहा है लिख दो, ओके, मतलब जो जैसा डिस्प्ले हो रहा है लिख दो और बस आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो, ओके। तो ये देखो फाइनली हमारे बन के रेडी हो चुका है। ये देखो मैं अगर इसको क्लिक ओपन क्लोज कर रही हूँ और फिर टैबलेट पर आ रही हूँ, तो ये प्रॉपर हमारा न्यू बार देखो रिस्पॉन्सिव में चल रहा है, टैबलेट के लिए भी प्रॉपर चल रहा है, और जब मैं ब्राउज़र पर आती हूँ तो मुझे जो मेरे मेन्यूज़ है वो डिस्प्ले हो रही है। अब मैं चाहती हूँ जो मेन्यूज़ है ना मेरे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो रहे, वो सारे यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी तो क्लोज होने के बाद यहाँ पे मेन्यूज डिस्प्ले हो जाए ना, इसलिए तो मैंने ये बनाया। तो ठीक है, अभी मेन्यूज का करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा ड्यू यहाँ से चालू है, ठीक है। इसके बाद मैं एक लाइक यहाँ से कोड कर देती हूँ और देखते हैं कहाँ पे डिस्प्ले होता है। वैसे तो एक ड्यू बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो क्लास नेम रख देते, ठीक है। इसको मैं न्यू आइटम्स ही रख दूंगी, ठीक है। न्यू आइटम्स ये हमारे SM के लिए न्यू आइटम्स रहेंगे, ठीक है। बेसिकली आईडी रखना चाहते हो तो आईडी भी रख सकते हो, ठीक है। इसको मैं आईडी दे देती हूँ एज अ, ना कि क्लास नेम, ठीक है। न्यू आइटम्स, ठीक है, ठीक है। इसको SM कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये स्मॉल डिवाइस मोबाइल डिवाइस का SM न्यू आइटम्स है, ठीक है। ऊपर भी हमने न्यू आइटम्स ही दिए हैं तो बस इसीलिए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्लास नेम एज अ क्लासेस हम दे देते हैं। जैसे ये जो है ना ये भी हमारा हाइड रहेगा, ओके। यमटी में 5 दे देती हूँ क्योंकि मार्जिन में ऊपर टॉप से 5 दे देती हूँ, वैसे हाइड ही रहेगा क्योंकि पूरे ड्यू को हमने हाइड करा है ना, तो इसलिए। उसके बाद ए मैं HREF ले लेती हूँ हैशटैग अभी के लिए, एंड यहाँ पर मैं सिंपली होम ये सारी चीज़ें कॉल कर लूँगी, ठीक है। होम करे वो सारी चीज़ें, तो क्लास नेम यहाँ पर भी लगेगा। जैसे फाउंट में यहाँ पे मीडियम ही रखना चाहती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा बोल्ड रहे बस, ओके। और यहाँ पर भी मैं इसको P दे देती हूँ, P लाइक 3 दे देते हैं, थोड़ा सा पैडिंग ले ले सब जगह से, और इसको मैं होम दे देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम, तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है ना, मस्त। तो ये देखो कुछ ऐसे हमारे न्यू बार डिस्प्ले हो जाएंगे, तो हम ऐसे हमारे जितने भी पेजेस है उनको हम डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो और क्या चाहिए, लाइक P की जगह M लिख दूँ तो मार्जिन कैसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। मार्जिन बेटर लग रहा है पैडिंग से, ठीक है। तो ठीक है मार्जिन ही रख देते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, और दो तीन हमारे पेजेस है उनको डिस्प्ले कर देंगे हम। और मार्जिन टॉप से भी मैंने 4 कर दिया 5 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड हमारा रहेगा सर्विसेज, थर्ड हमारा अबाउट है, फोर्थ हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उनको चेंजेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो अबाउट एंड यहाँ पर है कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारे मेन्यूज रेडी हो गए, ठीक है। ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं, मुझे लाइक वन बाय वन लिस्ट टाइप डिस्प्ले होना है, ऐसा नहीं डिस्प्ले होना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम ULLI टैग के अंदर ले सकते हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने UL और LI के अंदर इसको ले लिया, तो अब बेटर लग रहा है, ठीक है। मैंने पैडिंग वेडिंग प्रॉपर दे दिया है, तो आप अपने हिसाब से दे देना। अभी ब्राउज़र के लिए भी वर्क हो रहा है, ये देखो ब्राउज़र में भी ये वर्क हो रहा है, तो मुझे एक्चुअली इसको ब्राउज़र के लिए नहीं वर्क करना है, ठीक है। ये देखो ये क्लोज कर देती हूँ, तो ये सिर्फ मोबाइल व्यू में चाहिए, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर हाइड करना पड़ेगा MD और SM पर, ठीक है। नहीं SM पर नहीं, MD पर सिर्फ। तो बेसिकली हमारे पास डायलॉग का जो ऑलरेडी था यहाँ पर, ये तो वर्किंग है ना, डायलॉग बॉक्स हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फिर, ठीक है। तो इसको मैं MD कर देती हूँ हिडन, ठीक है। ये वाला पूरा डायलॉग बॉक्स ही हमारे MD के लिए हिडन हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ देखती हूँ एक बार, तो अब मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये देखो जो मैंने डायलॉग बॉक्स लिखा था उसको ही मैंने कर दिया, तो प्रॉपर उसके अंदर का जो भी चीज़ें थी उनको वो सारी चीज़ों को लग गया ना, तो अभी प्रॉपर वर्किंग है। तो हमारा देखो कुछ न्यू बार इस तरीके से बन के रेडी है। जैसे मैं टैबलेट के ऊपर चलती हूँ तो मुझे प्रॉपर वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ओके। अभी मैं मोबाइल व्यू के अंदर आ रही हूँ तो ये मेन्यू भी मेरा प्रॉपर वर्किंग है ना। और रिस्पॉन्सिव देख रहे हो आप कितना मस्त लग रहा है, रिस्पॉन्सिव पर ऑटोमेटिकली वो ना नीचे आ रहे हैं सारे मेरे न्यू बार्स वगैरह सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो CSS का मतलब टिलविन CSS का यूज़ करके न्यू बार बनाना तो बहुत ईजी है ना। सिर्फ यूज़ इफेक्ट और वो चीज़ें छोड़ दो आप अभी के लिए, ओके। मतलब वो चीज़ें एज इट इज़ लिख दो यार, मतलब अभी के लिए, ठीक है। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको क्लियर वो सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस ऐसा समझो कि वो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया हमने ऐसा वाला सीन, ओके। वैसे लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उतना भी ये करो, छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। सिंपल स्टैटिक में ही चलते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट में ही चलते हैं जो स्टैटिक वेबसाइट रहेगा हमारा, ठीक है। ऐसे डायनेमिकली कुछ भी रहा तो छोड़ दो उस चीज़ों को, ठीक है। ये देखो हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, हमारा न्यू बार बन के रेडी हो चुका है, ठीक है।
ये देखो हमने यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दो क्या। वैसे मैंने M3 लिखा है, उसी के साइड में मैं हुवर भी करना चाहती हूँ। इसको तो हुवर भी दे सकती हो, जैसे BG में ब्लू या ग्रे कलर दे देती हूँ थोड़ा सा ऐसा, मतलब हाँ अभी बेटर लग रहा है। देखो पूरा बैकग्राउंड मैंने ग्रे कर दिया तो थोड़ा सा हुवर में बेटर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक बटन भी चाहिए ना, वो लास्ट में हमारे पास एक लॉगिन का बटन भी था, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐड करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मतलब एक आपको बटन ही तो लेना है UI के बाद, है ना, ठीक है। तो ये देखो मैंने लॉगिन का बटन ही कॉपी पेस्ट कर लिया और LI के अंदर डाल दिया और HR एक लाइन ऐड कर दिया, ठीक है। अभी कुछ अच्छा लग रही है, ठीक है। आप अपना मतलब कॉपी पेस्ट ही कराए, ऊपर कोड ऑलरेडी था ना हमारे पास लॉगिन का, तो वही कॉपी पेस्ट कराए, HR का एक लाइन ऐड कराए बस, और कुछ नहीं। अलर्ट ऐड के अलर्ट ऐड के अंदर मैंने उस बटन को रखा है, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर हमारा रिस्पॉन्सिव एक नेबर बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मोबाइल व्यू में हमारा कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं क्लोज भी कर सकती हूँ, इसको मैं ओपन भी कर सकती हूँ, ठीक है। हमने एक नेवबार कैसे बनाना हमने वो देखा है, ठीक है। यानी कि हम टिलविन CSS का यूज करके हमने खुद का एक नेवबार क्रिएट करा था, ठीक है। और वो भी हमने एक रिस्पॉन्सिव नेवबार कैसे क्रिएट करना वो हमने देखा था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही होगी, फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है, हमने कैसे एक्चुअली बनाया था, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको इंस्पेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो मैं आपको टैबलेट और इसमें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये टैबलेट पर जैसे आता है हमने इसको लाइक नेवबार बनाया ऐसे कि लाइक हाइड हो जाए, ओके। मैं एज इट इज अगर क्लोज कर देती हूँ तो मेरा होम पेज एज इट इज डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये टैबलेट के लिए भी सेम वर्क होता है। ये देखो टैबलेट में भी मेरा नेवबार एज इट इज डिस्प्ले करता है। जैसे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ये नेवबार हट के मेरा होम पेज एज इट इज मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड अभी देखो ये सेम होगा मोबाइल और टैबलेट के लिए। उसके बाद मेरा डेस्कटॉप पर मेरे को ये सिंपल सा ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक साइड में हमारा लाइक लोगो वगैरह है, सेकंड बीच में हमारा सारे पेजेस है, लास्ट में हमने एक बटन रखा है, ठीक है। ये हमारा डेस्कटॉप के लिए ऐसा व्यू है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिव में न्यू बार बनाना हमने देखा था पिछली वीडियो में, ठीक है। मैं एक्चुअली पूरा वेबसाइट बनाने वाली थी, लेकिन कुछ चीज़ें और दिखाने के चक्कर में मेरा इतना बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि मैं वो दिखा ही नहीं पाई। इसी वजह से मैंने ऐसा सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि हम सारी होम पेज या अबाउट पेज ये सब बनाते नहीं बैठने वाले। हम क्या करने वाले, हम ऑनलाइन डाउनलोड करने वाले ये सारे। तो कहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करना, कहाँ से कोड मिलता है, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज वही देखेंगे, सिंपल में हम सारी चीज़ें सीखेंगे, ना कि कोड करते हुए बैठेंगे, ठीक है। तो सिंपली न्यू टैब पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं टिलविन CSS के। तो tilvincss.com ऐसा लिखोगे तो गेट स्टार्टेड पर आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास मेन्यूज है, यहाँ पर कंपोनेंट्स टेम्पलेट यहाँ पर ही आपको दिख जाता है। तो कंपोनेंट्स पर चलते हैं, ओके। तो हमें पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हैं, और उसका वेबसाइट देखो टिलविन UI बोल के डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्प्ले भी हो चुका है फर्स्ट में आपको, ब्यूटीफुल UI कंपोनेंट्स क्राफ्टिंग विद टिलविन CSS, ओके। तो यहाँ पर आप नीचे आ सकते हो, ठीक है। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। तो यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सारे पेजेस सेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होती है, ओके। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए, जैसे यहाँ पे एक लॉक का रहता है, एक फ्री में आपको मिलता है। लॉक यानी कि पेड रहेगा और फ्री वाले में लॉक वाला साइन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये हीरो सेक्शन है, इसको ओपन कर लेते हैं सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास हीरो सेक्शन में भी पूरा एक पेज बना बनाया सो है। देखो न्यू बार है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है फ्रंट पेज में, जैसे होम पेज में हम लिखते हैं वैसी सारी चीज़ें। हमारा न्यू बार और हमने जो न्यू बार बनाया एक्चुअली वो सेम इसी की तरह बनाया है। ये देखो हमारा न्यू बार सेम डिटो इसी की तरह ही है। देखो ये जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके आती हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप के लिए एज इट इज़ मेरा डिस्प्ले होता है, और जैसे मैं टैबलेट और मोबाइल क्लिप पर आती हूँ तो एज इट इज़ मेरा डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। यहाँ पर और भी नीचे आओगे तो और भी लाइक आपको अलग अलग थीम में मिलेंगे, जैसे इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, इसका अलग है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। मैं फर्स्ट वाला ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसा है हमने बनाया इस, ओके। तो ये देखो इसके प्रीव्यू के साइड में ही आपको कोड आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है बटन को, तो आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शन भी है, रिएक्ट में चाहिए कोड या HTML में चाहिए या Vue.js में चाहिए। तो देखो हमें सिंपली किस में चाहिए, हमें रिएक्ट में चाहिए, तो रिएक्ट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर ही कॉपी कॉपी ऑप्शन है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो पूरा कोड, है ना। पूरा रिस्पॉन्सिव कोड आपके पास यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो देखा कितना इजीली हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ना एक पेज के अंदर डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, home.js के अंदर पूरा ये डाल देते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं home.js को ना कमेंट कर देती हूँ, एज इट इज़ मैंने कॉपी करा कोड यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, कहाँ पे चेंज करना है ये दिखाती हूँ मैं। तो देखो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दो, सिर्फ आपको ये वाला लाइन 25 वाला लाइन एक्सपर्ट डिफॉल्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल करा है, वहाँ पे आपको होम करना है, यानी कि हमारा फाइल का नेम, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम करा था, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कर देंगे, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं क्या कर देती हूँ, तो मैं ऐप डॉट जे एस के अंदर चलती हूँ, ठीक है। ऐप डॉट जे एस के अंदर हमने क्या करा, हेडर होम और फुटर को करा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि होम अभी सिर्फ होम ही डिस्प्ले करते क्योंकि उसके अंदर न्यू बार भी तो कोड है ना, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन कर देती हूँ सेव करके। तो वैसे मुझे यहाँ पर एरर आ गया, तो हमारे पास बेसिकली दो एरर आ चुके हैं, तो चलो इनको हम रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं रिटर्न कोड पर आ जाती हूँ। तो ये देखो एक्स आइकॉन, यहाँ पर इन्होंने एक आइकॉन लिया है जो अलग आइकॉन है, एक्चुअली हमने आइकॉन फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, अभी के लिए इनको कमेंट कर देती हूँ, जो भी आइकॉन यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा है कहाँ कहाँ, वो मैं वहाँ पर जाके इन दोनों को कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पर भी दो दो ही आइकॉन है, ओके। तो इन दोनों को मैं हटा दिया यहाँ से और मैंने कमेंट कर दिया। तो अभी देखो मेरे पास एक ही एरर आ रहा है, ठीक है। एक एरर मेरा आइकॉन का था, सेकेंड एरर ये वाला है, ठीक है। तो ये जो एरर आ रहा है ना, एक्चुअली इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली एक पैकेज है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर npm लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक पैकेज है, तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से npm में से यहाँ पे लेटेस्ट में जो भी है इसको इंस्टॉल कर लेते हो। वैसे आपको अगर वर्जन में चाहिए तो आप यहाँ पे वर्जन में आके देख भी सकते हो, ठीक है। आपके अपने रिलेटेड आप वर्जन में यहाँ से जाके कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 2.1.0 चाहती हूँ समझो, इस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है। एक्चुअली ये जो है ना 2.1.0 जो था ना, वो लेटेस्ट ही है। मैं क्या करती हूँ, नीचे वाला लेती हूँ, तो ये वो देखो 2.1.2। तो ये अगर चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है आपको बस। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ऐट द रेट लगता है और उसके सामने वो वर्जन लगता है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ है हमारा, जैसे लेटेस्ट में हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ऑलरेडी मैंने उसको कॉपी करा है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, और भी मैं इसको डाल देती हूँ npm इंस्टॉल और वो पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ले गए, थोड़ा सा वेट करते, ठीक है। जल्दी हो रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा पैकेज है मे बी, ठीक है। ओके हो भी गया, ये देखो अभी मैं फिर से npm स्टार्ट कर देती हूँ फिर, ठीक है। npm स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं हमारा अभी एरर चला जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अभी क्या हो गया, मतलब अभी तक तो वर्क नहीं हो रहा है, देखो मतलब पूरा npm स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके एक वार्निंग आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते एक बार, ये देखो हो गया ना हमारा प्रॉपर, हमारे पास एक दिख गया है ना हीरो सेक्शन एज इट इज़, ये जो कॉपी करा था हमने कोड एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। बस क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने लाइक वहाँ पे देखा था कि ये रिस्पॉन्सिव है ना, यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें तो हमारा पूरा बन के रेडी हो गया, अभी रिस्पॉन्सिव चेक करते एक बार। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर, यहाँ पर मोबाइल व्यू में आती हूँ पहले, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा मतलब नीचे कर लेते, ठीक है। अभी डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, तो ये कुछ इस तरीके से। अभी देखो ये क्या हो रहा है, टैबलेट के अंदर देखो, टैबलेट के अंदर ये वर्क होना चाहिए था, लेकिन एक आइकॉन हमारा मिस हो रहा है। तो आइकॉन क्यों मिस हो रहा है आपको पता है ना, हमने आइकॉन वहाँ पर हाइड कर दिया था ना, यानी कि पूरा निकाल दिया था कोड। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वहाँ पे आइकॉन हमने हटाया था ना, तो वो आइकॉन की जगह हमारे फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो मुझे ये पूरा रिस्पॉन्स वर्क होता हुआ दिखेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने हटा दिया ना सारी चीज़ें, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर फिर से आती हूँ, यहाँ से कोड ले लेती हूँ फिर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी, ये एक दो क्या क्या हटाया मैंने मुझे भी नहीं पता, ठीक है। दो चीज़ें मैंने नीचे कहाँ पर उसको कॉल किया था क्या मालूम, इससे बेटर है मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर लेती हूँ पूरे कोड को, ठीक है। यहाँ से इसको सब जगह को हटा देते हैं जो भी कोड हमने डाला है, और इसको डाल दिया, ओके इसको रिप्लेस कर दिया। अभी मेरे पास वो आ गया आइकॉन का भी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। या तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, ये हम यूज़ नहीं करने वाले। वैसे इसका ही एरर आ गया है देखो। तो इसका ऑनलाइन मैंने एक सोल्यूशन देखा कि यार देखो अभी हमने इम्पोर्ट क्या करा है, आउटलेट करा है, तो इम्पोर्ट आप सॉलिड करके देख लो एक बार क्या वर्क होता है क्या, ओके। ये जो भी पैकेज है उस हिसाब से हमें डिस्प्ले होते हैं क्या उसके आइकॉन्स, ठीक है, हम वो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है एक बार। तो मैं कोड के अंदर आ जाती हूँ रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आउटलेट मैंने करा था एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, मैं अभी सॉलिड करके रख दिया, ठीक है, दोनों भी मैंने ऐड कर दिया। तो मेरे पास एरर आ रहा है एक्चुअली, तो ये एक्चुअली दो दो बार कॉल हुआ है, बस इसीलिए मे भी एक को रखते एक को कमेंट कर देते, फिर सॉलिड को तो यही एरर आ रहा था, तो मे भी ये वर्क नहीं होता है, ठीक है, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम।
सिंपल सा हम अपना जो है ना लाइक हमारे पास तो आइकॉन्स है ऑलरेडी, ठीक है, फाउंट ऑसम के, तो हम उसी का यूज़ करते हैं। चुप, ये ऐसे इतना देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बेसिकली मुझे क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ मैंने कॉल करा है एक्स मार्क की जगह हमारा फाउंट ऑसम का एक्स मार्क वाला मुझे आइकॉन डालना है, और जहाँ पर वो मेनू का था वहाँ पर वो मेनू का डालना है। ये देखो ये एक्स मार्क का है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मेनू का है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, एक तो मैं अपने अपना जहाँ पर है लाइक हमने कहा करा था कंपोनेंट्स के अंदर नाउ बार के अंदर, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे फॉन्ट क्या बोलते हैं आइकॉन्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें इंपोर्ट चाहिए, फॉन्ट ऑसम आइकॉन और ये, ठीक है। तो मैं दोनों को एक साथ ही कर लेती हूँ ना, कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कर दी, अभी मुझे क्या करना है इसको हटा देती हूँ। तो मुझे जैसे यहाँ पर आ जाते हैं न्यू बार के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास एक मेनू का आइकॉन ये वाला, और एक्स मार्क लिखा हुआ ये है हमारे पास क्लोजिंग का, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर जहाँ पे एक्स मार्क लिखा हुआ है यहाँ से मैं चली जाती हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, इसकी जगह मैं हमारा फाउंट ऑसम का जो एक्स मार्क है ना उसको मैं ऐड कर देती हूँ, और इसके अंदर जो भी क्लासेस थी जो भी थी वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, इस वाले आइकॉन के अंदर, ठीक है। जो भी क्लासेस थे वो सारे इसको लग जाएंगे। सिंपल, मैंने कितने इजीली कर रही हो, देखो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो बस इसी वजह से मतलब न्यू बार के अंदर हमने फाउंट ऑसम के यूज़ करा था है ना, तो फिर यहाँ पे फिर से काई को हम चुप दूसरा एक आइकॉन के लिए इंस्टॉल करें, इससे बेटर है जो फाउंट ऑसम यूज़ कर रहा है उसके आइकॉन से यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर कहाँ पर यहाँ पर, ओके ठीक है, यहाँ पर भी सेम मैंने इनके क्लासेस ऐड कर देती हूँ इस वाले इसके अंदर, ठीक है, हो गया। अब सेव कर लेते हैं, अब मुझे प्रॉपर एक डिस्प्ले हो जाएगा, ये अभी वर्किंग नहीं है, इसको हटा देते, ठीक है। ये फाउंट ऑसम का हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैं थोड़ा थोड़ा कम कर देती हूँ, टैबलेट पर आ जाती हूँ, तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए मेन्यू आइकॉन, हो रहा है, देखो अभी इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें ओपन हो रही है, देख रहे हो। जैसे मैं इसको लाइक मोबाइल पर भी ला रही हूँ, क्लोजिंग का भी ये हो रहा है, मतलब मेरा आइकॉन का ही एरर था, उसके अलावा एक पैकेज का था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। और कितना ईजिली हमने एक पूरा पेज बना भी दिया, देखा इसी पूरे इसका यूज़ करके मैं कितने भी सेक्शन और बढ़ा सकती हूँ ना, तो सिंपल है ना ये। मतलब हमने पिछले वीडियो में कितना एक घंटा लगा दिया पूरा इस न्यू बार को बनाने में, कितना ईजिली देखो 2 मिनट में मैंने कॉपी पेस्ट करके एक न्यू बार बना दिया। अगर आपको पता है कि कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट मतलब कोड मिल रहा है, तो आप क्यों ना यूज़ करोगे, है ना। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए ना कहाँ से मिलता है, तो बस फिर मैंने वही बता रही हूँ कि आपको सिंपली आपको टिलविन CSS के UI पर ही जाना है, यानी कि टिलविन UI पर ही जाके आपकी सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, इसके अंदर हमने होम पेज भी देखा। अब समझो कि मुझे और भी हमारे पास लाइक पेजेस है, उसके अंदर कुछ और सेक्शंस हमें ऐड करने, तो वो कहाँ से ले। हमने ऑलरेडी UI कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं, एक्चुअली इस वेबसाइट पे बहुत सारे आपको सेक्शन वाइज भी मिलेंगे कंपोनेंट्स, ओके हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ आपको बताती हूँ, जैसे समझो आपको टिलविन CSS पता नहीं, आपके पास कोड भी आ चुका है, बेसिक पॉइंट है यार, आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपली आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, हमने ये सारी चीज़ें की, समझो आपके इसमें वर्क भी हुआ, आपने पैकेजेस इंस्टॉल करा और वर्क हुआ, अब आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे कोड अभी पूरा देखना पड़ेगा क्या क्या चेंज करना है बोल के, नहीं ना, मैं उतना भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं पूरा कोड देखते बैठूँ। समझो ये जो टाइटल टाइप का लिखा है ना, डेटा टू इनरिच, तो इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है, सिंपल है, ओके। ये देखो इतना सा ही कोड है पूरे इसमें, तो अभी मुझे डेटा टू वो वाला चेंज करना है कुछ टेक्स्ट, ओके। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको कॉपी कर लूँगी यहाँ से और यहाँ पर ले आऊँगी, और कंट्रोल F प्रेस करके डायरेक्ट उस पर चली जाऊँगी, और कंट्रोल F करके यहाँ पर आ गई मैं, डेटा टू इनरिच और यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं बोलूँगी वेलकम टू माई वेबसाइट, यहाँ पे चेंज कर दिया, और बस फिर सेव कर लेंगे हम, और वहाँ पर चल जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो वेलकम टू माई वेबसाइट चेंज हो गया ना। तो आपको सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करके कंटेंट भी आप चेंज कर सकते हो, आपको सिर्फ क्या करना है UI ही तो पूरा रिप्लेस करना है ना, इन जो भी कंटेंट है उसको चेंज करना है। सिंपली वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर कंट्रोल या दबा के सर्च करो, वहाँ पर जाके अपना कंटेंट ऐड करो, बस फिर है ना, कितना ईजी हो गया। मतलब कोड आपके पास अगर आपको ऐसे मिल रहा होगा तो आप कितना इजीली हर चीज़ कर सकते हो, है ना।
अभी देखो ये प्रोडक्ट मुझे चेंज करना है समझो, अभी मुझे वहाँ पे कुछ होम वगैरह डिस्प्ले डालना है, कंट्रोल एफ कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे डाला है, अच्छा यहाँ पे डाला है ऐसा बोलेंगे और यहाँ पर होम कर देंगे, फिर हो गया। अभी चलेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले करें, हो रहा है ये देखो होम। तो देखा मतलब ऐसा, मतलब आपको कॉपी पेस्ट का ही काम है ऐसा समझो, मतलब इतना कुछ स्ट्रगल करो ही मत, कोड जानने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लाइक इंस्टेड आप अगर एक वेबसाइट बना के जल्दी जल्दी में आपको दिखाना है तो ऐसे कर दो ना। और यहाँ पर देखो पेज सेक्शन के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर देखो ये प्राइजिंग सेक्शन कुछ इस तरीके से है, जो वो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप ऐसे एज इट इज़ कोड आप ले सकते हो। ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है इसका, सिर्फ आपको कोड आपको मिल जाता है, उस कोड को लेना है और कॉपी पेस्ट करना है उस कंपोनेंट में और कंपोनेंट का नेम चेंज करना है, दैट्स इट। और ये लाइक एक एक ऐसा है कि प्राइस के साथ है, एक एक है कि फ्री में, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये प्राइजिंग का ये भी हमारे पास है, लाइक ये बैकग्राउंड ब्लैक में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एनुअल प्राइजिंग और मैनुअल प्राइजिंग आप ऐसा भी कर सकते हो, गेट कोड पर क्लिक करके आप जा भी सकते हो। और ये वाला देखो ये वाला लाइक पेड है, ठीक है। तो अनपेड पहले ही देख लो ना, अनपेड ही आप सिलेक्ट कर लो और अनपेड ही जाके देखो और तभी आप अपने हिसाब से करो। ये सारे जो भी लॉक टाइप के डिस्प्ले हो रहे ना वो सारे पेड रहेंगे, ठीक है। इसको आपको क्लिक नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। अनपेड वाले ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, ये देखो ये प्रोडक्ट फीचर का ही है ना, तो इसको आप यूज़ करो। फिर ये वाला भी प्रोडक्ट लिस्ट, इसको आप ले लो। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखो पूरे प्रोडक्ट का जो भी हमारे पास एक प्रोडक्ट पेज रहता है ना, वो भी आपको ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको कॉपी कोड करना है, ठीक है। कैसा चाहिए देखो, वन रो में 4 चाहिए, वन रो में 3 चाहिए, कुछ इस तरीके से इफेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के आप यहाँ से कोड कॉपी करना है बस। फ्री वाले देख लो टिलविन यूआई बोल के, ओके। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट्स भी है, टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये थोड़े से टेम्पलेट्स लाइक पेड रहेंगी, ठीक है। अगर आप पहले ऐसे आ जाओगे तो बेसिकली पेड ही मिलेंगे आपको, लेकिन फ्री वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ लाइक यहाँ से भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। मतलब और भी मैं आपको वेबसाइट बताऊँगी जहाँ से आप फ्री में ले सकते हो, ठीक है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। टेलविन के यूआई पर से ही हमने ले लिया, ओके। मैंने कुछ फ्री टेम्पलेट के लिंक्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं ना एज इट इज़ आप एक बार टाइप करके देख लेना, तो इनमें से मैं 2-3 आपको दिखा दूंगी, ठीक है। जैसे ये टेलविन CSS का टेलविन UI जो अभी हमने देखा था ये वाला, सेम मैं आपको दिखा रही हूँ वही ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ सेम मैंने अभी एग्जांपल दिया, वैसे आप हीरो सेक्शन और भी बहुत प्राइसिंग के वगैरह वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी कंपोनेंट्स ही है। एक्चुअली मेरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं नेट फिर से कनेक्ट करके आती हूँ, ठीक है। ठीक है अभी ओके। तो देख रहे हो मतलब यहाँ पर टेलविन UI पर आपको सारे अभी जो हमने फॉर एग्जांपल देखा था वैसे ही आपको कॉपी करना है और कोड और वही यूज़ करना है, कितना सिंपल था, आपने देखा ना। मतलब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, शो मोर करोगे तो और भी मिलेंगे आपको, ओके। तो सेम ऐसे आपको जो जैसा भी चाहिए थीम वैसा आपके थीम के हिसाब से आप ले लेना। तो सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लिंक भी टेलविन का ही है, तो टेलविन टूल बॉक्स बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंपोनेंट्स और टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे देखो मैं अभी कंपोनेंट या टेम्पलेट में से कोई भी जा सकती हूँ, या नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पॉपुलर टेम्पलेट आपको यहीं पर डिस्प्ले हो जाएंगे, देखो। तो यहाँ से भी आप लॉगिन पेज या एडमिन टेम्पलेट या प्रॉफिट कार्ड ये सारी चीज़ें यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे लॉगिन पेज पर चलते, ठीक है। तो सिंपली ये देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, या तो फिर व्यू ऑन GitHub भी कर सकते हो। तो GitHub से जाके आप यहाँ पर देखो HTML है, तो HTML में आपके पास सारी कोड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पूरा कोड मिल रहा है आपको, देख रहे हो। तो मतलब कितना इजी हो गया ना, अभी हमारे पास ऐसे बना बना ऐसा कोड मिल रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे आप चेक करके भी ले सकते हो, देखो डेस्कटॉप पर ऐसा दिखेगा, टैबलेट पर ऐसा और मोबाइल पर ऐसा, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से दे देना, और लाइव भी प्रीव्यू आप कर सकते हो पूरे पेज का। तो ये पूरा पेज आपको वो चीज़ तरीके से मिलेगा, ठीक है। जब भी आप इसको डाउनलोड करके आप अगर अपने सिस्टम में टेस्ट करोगे तो, ठीक है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज करके यूज़ भी कर सकते हो। तो इसी तरह से कंपोनेंट्स भी आप ले सकते हो, पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो कंपोनेंट ले सकते हो। जैसे ये देखो मॉडल है, मेगा मेन्यू है, और भी बहुत सारे, जैसे इमेजेस को कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव टेबल चाहिए तो टेबल ले सकते हो, सर्कल अवतार चाहिए तो ऐसे वाला ले सकते हो, ई कॉमर्स कंपोनेंट्स है, मतलब जो भी आपके रिलेटेड रहेगा तो फ्री में आपको मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट फ्री वाला यूज़ करो ना, मेरा मतलब यही है। सो थर्ड वाला एक ट्राई करते थे, ठीक है। तो ये भी टेलविन ऑसम बोल के एक है, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं,
वेट, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, लेकिन आ जाएगा वेट। ठीक है, आ गए। टिलविन ऑसम बोल के ये वाला भी है वेबसाइट, यहाँ सर यहाँ से भी आप एक फ्री टेम्पलेट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस के हैं, कुछ फ्री में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सारे प्राइस के हैं, और यहाँ पे देखो फ्री बेबीज़ बोल के लिखा है। फ्री बेबीज़ के अंदर जाओगे तो ये सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी। तो पूरा टेम्पलेट आपको मिल रहा है, देखो प्रीव्यू कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे है ना, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो आपको जो भी चाहिए टेम्पलेट। ओके, तो एक्चुअली ये ओपन हो जाता है, तो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे से, आई डोंट नो क्यों। और यहाँ से आप गिट पर भी जाके इसका पूरा ये यहाँ से जिप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो डाउनलोड जिप पर करके डाउनलोड जिप भी कर सकते हो, या यहाँ से आप कॉपी भी पेस्ट कॉपी भी कर सकते हो कोड अगर आपको कुछ चाहिए तो। ठीक है, एक्चुअली ये लोड हो रहा है, छोड़ो कोई और दिखा देती हूँ मैं आप भी आपको। ये रिस्पॉन्सिवनेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी आपको दिखा देगा, तो अभी मैं कुछ अलग दिखा देती हूँ ताकि वो रिलोड में थोड़ा सा टाइम ले रहा था ना, इसको दिखा देती हूँ। फिर ये भी टाइम ले रहा है क्या? नहीं नहीं ये आ गया, ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है देखो। ठीक है, अपने हिसाब से देख के कर लो यार, मतलब ये देखो टैबलेट में कुछ इस तरीके से, मोबाइल में अगर चाहते हो तो मोबाइल में वाला भी डिस्प्ले होता है। ठीक है, मोबाइल में देखते हैं, तो ये देखो ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप फ्री में आप टिलविन CSS के जो भी कोड है यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये वाला भी हो गया। सो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, तो क्रिएटिव टीन बोल के है, तो यहाँ पर तो ये तो बहुत बेस्ट है। ओके, यहाँ पर आपको एडमिन पैनल वो सारी चीज़ें मिलती है सारे लैंग्वेजेस में, मैं ज़्यादातर ये भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, एंगुलर में एडमिन वगैरह चाहिए तो ये फ्री में टेम्पलेट आपको देता है, रिएक्ट में भी चाहिए तो रिएक्ट में भी फ्री में आपको देता है। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे नेट का आज क्या हो रहा है पता नहीं, नेट एकदम से लो हो चुका है मेरा, तो ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखो क्रिएटिव टीम पर भी आ गए हम लोग। यहाँ पर देखो फुल्ली कोडेड यूआई टूल्स टू क्रिएट वेबसाइट। ओके, यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। टेम्पलेट किस में चाहिए हमें, बेसिकली रिएक्ट में चाहिए तो रिएक्ट में आ गई में। तो यहाँ पर देखो डैशबोर्ड है, मटेरियल डैशबोर्ड, आपको पता होगा ना मटेरियल डैशबोर्ड यूज़ होता है डैशबोर्ड अगर आपको लाइक एडमिन पैनल अगर बनाना है तो इसमें देखो एडमिन पैनल अगर बनाना है तो पहले पहले आपको प्राइस वाले मिलेंगे, तो आपको लास्ट में जाना है। ओके, तो लास्ट वाले इसमें जाओगे तो फ्री में मिलेगा। देखो मतलब पहले पहले आप अगर आते हो तो प्राइस वाले फर्स्ट में डिस्प्ले होते हैं, जैसे 6 पर गई मैं डायरेक्ट तो मुझे फ्री में मिल रहे, 5th पर गई तो फ्री में मिल रहे, तो आपको बेसिकली लास्ट वाले में जाना है और आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हो, जैसे ये देखो लाइव प्रीव्यू, मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पर आ जाती हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा ये आ जाता है। ठीक है, ये देखो ये डैशबोर्ड ही है ना, हाँ डैशबोर्ड ही है मे बी। ठीक है, हाँ डैशबोर्ड ये लिखा है तो उधर, तो देखो ये इस तरीके से आपके पास ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे ये देख लो यार, मतलब डिज़ाइन में तो रैंडम सा ऐसे ही कोई भी आपको प्रीव्यू करके दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो चाहिए उसी को ओपन करके आप पूरा देख लेना। ये डैशबोर्ड का पूरा इंटरफेस कितना अच्छा है ये देखो, है ना, तो ऐसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप प्रीव्यू लेके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो फ्री डाउनलोड यहाँ पर डिस्प्ले होता है देखो, अगर इसको क्लिक करोगे तो बेसिकली रेयर फाइल या जिप फाइल में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसको रन करने का कमांड आपको आपको पता ही होगा, लाइक npm init वगैरह करके आपको रन करना है। ठीक है, जैसे हम एडमिन पैनल बनाते हैं वैसे रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे हम रन करते हैं वैसे आपको करना है। ठीक है, तो बस मैं जो यही बोलना था, अभी मैं क्या कर लेती हूँ इन सभी को हटा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको रखने वाली थी लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक्चुअली हमें रिया का पूरा अभी कोर्स कंप्लीट करना है यार। अभी मैं फ्री में आपको सिर्फ टिलविन CSS का यूज़ करके कैसे ये बनाना वो बता चुकी हूँ। ठीक है, अभी रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें वो सारी चीज़ें तो देखनी है, तो इसलिए हम टिलविन CSS का आज टॉपिक क्लोज कर रहे हैं। आज हमने देखा लाइक टिलविन CSS का मतलब आज ही नहीं, हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं टिलविन CSS पर। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताया, देन मैंने एक ट्यूटोरियल भी दिया, ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा था इसलिए 2 पार्ट्स में हो गया, फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड में मैंने ये बताया कि आप कहाँ से फ्री में टेम्पलेट्स या कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एंड अभी ये भी देख लो कि फ्री टेम्पलेट जो मैंने निकाले हैं ना, जो लिंक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने ये टेस्ट करे हुए हैं तो ये बहुत बेस्ट है वैसे देखा जाए तो। अगर और भी आपके पास मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बेसिक है और इसमें ना आपको पूरा ऐसा कोड फ्री में मिलता ही है, तो इसलिए आप ना मैंने 1-3-4 ही दिखाया ना, तो आप बाकी के ऐप्स को टेस्ट करना और एज इट इज़ लिंक जो भी है वो एज इट इज़ टाइप करके आप टेस्ट कर लेना या कुछ स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ठीक है, तो फिर मुझे बस इतना ही बोलना था कि आज का हमारा टिलविन CSS का पूरा टॉपिक क्लोज हो चुका है, यानी कि हमने टिलविन CSS
यूज़ करके वेबसाइट बनाना, और वेबसाइट को कैसे मतलब फ्री में ऐसे ही रैंडम सा कोड वगैरह उठा के उसको चेंजेस कैसे करना वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अगर आपको आता है लाइक मैंने जैसे बोला आपको ट्यूटोरियल अगर आता है ना, मतलब टिलविन सीएसएस में चेंजेस अगर करने आते हैं ना, तो करते मत बैठो कोड, ओके। आप कहीं से उठा लो, डाल लो अपने इस पर और उसको चेंजेस करके आप बना के जल्दी में दे दो, है ना, मतलब ईजी हो जाता है। आज के टाइम पर कोई भी इतना बनाते नहीं बैठता है ना, बहुत टाइम लगता है, तो उससे बेटर है ना, तो आपको टेम्पलेट मालूम होना कि कहाँ से डाउनलोड होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो निकाले, ठीक है। तो आज फिर टेलविन सीएसएस का पूरा कंप्लीट हो चुका है जो भी हमारी सीरीज थे या जो भी हमारे वीडियोस थे, ठीक है। सो हम कंटिन्यू कर देते हैं रियाक्ट पार्ट को, ठीक है। अभी आने वाले वीडियोस सारे रियाक्ट पर ही रहेंगे हमारे, तो रियाक्ट का जो प्लेलिस्ट है ना उसी को फॉलो करना आप, ठीक है। तो उसी के अंदर में रियाक्ट के सारे बेसिक जो भी हमारे बचे हुए लाइक टॉपिक्स है वो सारे कवर करते रहेंगे। रियाक्ट के साथ हम फुल स्टैक यानी कि मर्न स्टैक का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले, तो इसलिए मेरे वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं पूरा मर्न स्टैक का बेसिक यानी कि रियाक्ट से लेके सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स और मंगो का कैसा वो सारी चीज़ें बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।